हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आपका पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर के डिस्कशंस में। इस डिस्कशंस की मदद से हम लोगों ने 2013 वर्ष से शुरू करते हुए 2015 वर्ष तक जीएस 1 से लेकर जीएस 3 तक अच्छे से डिस्कस किए। ये पेपर्स जो थे इसमें हर एक क्वेश्चन को हमने पकड़ा, क्वेश्चन पकड़ के उसके छोटे छोटे भाग किए, जितने भी उसके भाग संभव थे उसी के अनुसार हमने उसकी मांग को समझा। क्वेश्चन एक मांग रखता है, एक डिमांड रखता है, आपने उसको समझा, उसको एड्रेस करने के लिए ही आपने तैयार किया अपना आंसर। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का पहलू आपने छोड़ा नहीं, हर एक पहलू पे आपने वार किया, हर एक पहलू को बहुत अच्छे से आंसर किया। तो ये जो पहला वीडियो था मेरी सीरीज़ का और उससे अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं यही सेम अप्रोच हमने फॉलो की है। मेरी मंशा, मेरी सोच ये रही है कि दोस्तों अगर हम शुरू से लेकर अंत तक वही अप्रोच फॉलो करेंगे तो इतनी बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार आप उस चीज़ को देख लेंगे, आप समझ लेंगे कि वो आपके माइंड में छप जाएगी और अगली बार जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसी अप्रोच से उसको टैकल करेंगे। तो अगर आपने इसी बीच कोई एक वीडियो मिस कर दिया है या फिर आपने अभी अभी हमको ज्वाइन किया है तो ये गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ हमारे पहले लेक्चर से अभी तक के सभी लेक्चर्स को देखें। हमने बहुत गहराई तक जाके हर एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाया है, आपको उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट समझना सिखाया है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद है आप आंसर वहाँ अपने आप बना सकते हैं। ज़रूरत है तो स्ट्रक्चर को समझने की, कैसे क्वेश्चन को आंसर किया जाए। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सब नीड्स हैं, हम लोग यहीं पर पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन वीडियोस को देख के आज के युग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पकड़िए, उन क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, यही अप्रोच फॉलो करें, दिमाग में यही सब चीज़ें रखें, क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ें, हर एक भाग के हिसाब से अब उसका आंसर करें। और अगर इस वाले प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट पूछें, हम लोग आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियो पे जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं शुरू करता हूँ अपना आज का लेसन, वर्ष 2016 जीएस 1 का डिस्कशन। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम जो है वहाँ पे क्या है, हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इससे संबंधित और किसी एग्ज़ाम से संबंधित आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इन दो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की लेक्चर सीरीज़। हमेशा की तरह मैं शुरू करना चाहूँगा बेसिक्स के साथ, रिवीजन के साथ। देखिए आंसर राइटिंग में उतरने से पहले आंसर राइटिंग की गहराई को जान लेना ज़रूरी है, ज़रूरी है बेसिक्स को जान लेना, ज़रूरी है ये समझना कि कैसे शुरू करना है। शुरू करने के लिए आपको चाहिए होती है एक सही अप्रोच, वो कैसे आएगी, वो आएगी क्वेश्चन में छुपे हुए कीवर्ड को पहचान के। अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कीवर्ड पहचानने की कला आ चुकी होगी, इस कीवर्ड को देखते ही आपके दिमाग में उससे संबंधित कंटेंट जनरेट होगा। भाई इस कंटेंट को अब आपको करना है अरेंज, मतलब किस कंटेंट के पोर्शन को, किस हिस्से को आपको विस्तार में डिस्कस करना है, कौन से कंटेंट के हिस्से को आपको बस हल्की सी जानकारी देके निकल जाना है, ये सब आपका ये सेकंड पॉइंट का हिस्सा है जो कि है अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। फिर भाई आपने सब कुछ तैयार कर लिया, ज़रूरी है इसको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर अपने कॉपी में उतारना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए यूपीएससी में आपके पास नॉर्मली 7 से 8 मिनट ही रहते हैं, इसी दौरान आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। तो आप ये करेंगे कैसे, ये आप करेंगे ऐसे कि अगर क्वेश्चन 200 वर्ड की मांग कर रहा हो तो आप कोशिश करेंगे कि उसको 170 से 180 में ही ख़त्म करने का, 200 वर्ड पूरे लिखने की कोशिश ना करें, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें, उससे यहाँ पे कुछ कुछ टाइम बचेगा और अंत में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई आपको इसका किसी का आइडिया कम हो तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपके पास जब टाइम रहेगा तभी आप कर पाएंगे, तो वो टाइम आपका निकलेगा यहाँ से, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर चलते हैं फंडामेंटल्स पे।
आंसर राइटिंग के कुछ फंडामेंटल होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल है कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, वो आप समझेंगे कैसे, कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इलेबोरेट, कमेंट, इलूसिडेट। इस तरीके के कीवर्ड देख के ही आप अपना क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं। हर एक कीवर्ड का आंसर दूसरे से अलग होगा, कीवर्ड ही डिसाइड करता है कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। तो दोस्तों, एक क्रिटिकली एनालाइज टाइप का क्वेश्चन और एक डिस्कस टाइप का क्वेश्चन दोनों अलग तरीके से आंसर किए जाएंगे, तो ये हम कीवर्ड से डिसाइड करते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन, जो कि एक टीजर या ट्रेलर है कि आप आगे आंसर में क्या कहने जा रहे हैं। इसमें आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, आज का क्या सिनेरियो है ये बता सकते हैं, ऐसे आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आती है बॉडी। ये जो बॉडी है यही है आपका मेन वर्किंग एरिया, यहाँ पे आपको अपना पूरा कंटेंट लिखना है और उसको मजबूती प्रदान करनी है सबूतों के आधार पे। सबूत क्या है? कोई फैक्ट हो, वर्ल्ड बैंक की, IMF की कोई रिपोर्ट्स हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स हो, सेंसस के आपके पास डेटा हो, मैप्स आप बना पाएँ, फ्लो चार्ट्स बना पाएँ, इनसे आपके आंसर को मजबूती मिलती है। फाइनली आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? ये है फाइनल जजमेंट। इसमें भाई होता क्या है, इसमें होता है जब आपने पूरा क्वेश्चन एड्रेस कर लिया उसके बाद आप फाइनल जजमेंट दें। कोशिश करें ये जो जजमेंट है ये बैलेंस्ड रहे, ना आप एक तरफ झुकें ना आप दूसरी तरफ झुकें, ना ही आप आलोचक बने ना ही आप समर्थक बने, आप बने एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसकी नज़रिए से देखिए, एक मिडिल पाथ फॉलो करें। कोशिश करें इसमें भी आप सॉल्यूशंस दें, अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है तो कोशिश करें अंत करें उसका सॉल्यूशन पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखने की बात, तो दो तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, पहला पैराग्राफ फॉर्मेट में और दूसरा पॉइंट फॉर्मेट में। पैराग्राफ फॉर्मेट में आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी और ये कंक्लूजन। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले शब्द से आखिरी शब्द तक एक डेटा फ्लो बना रहे। डेटा फ्लो कैसे मेंटेन होता है? वो होता है कुछ वर्ड्स की मदद से, जो कि ये हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि, ऑल्सो, फर्दर, मोरोवर, हाउएवर, इन सबसे पुराने लाइन और अभी की लाइन में एक डेटा फ्लो बना रहता है। भाई डेटा फ्लो से क्या फायदा है? तो इस डेटा फ्लो से फायदा ये है, जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में मूव करने में उसको मुश्किल नहीं होती, उसको ऐसा नहीं लगता कि ये छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, उसको लगता है शुरू से अंत तक ये एक कंटिन्यूएशन में आंसर है। और अगर इस चीज़ को आप पॉइंट फॉर्म में अडॉप्ट करें तो फिर उसमें भी कर लें, लेकिन पॉइंट फॉर्म में आप ध्यान रखें सब हेडिंग्स दें और वो भी अलाइन करें क्वेश्चन की मांग से। अगर क्वेश्चन बात कर रहा है कि इवोल्यूशन के बारे में बताया तो पहली सब हेडिंग लिखे इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन बात कर रहा है इम्पैक्ट क्या होगा तो इम्पैक्ट, अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो पॉजिटिव लिखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हुए ही उसका आंसर तैयार करें। तो अब आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। देखिए ये जो सवाल है ये कह रहा है कि जो पुराने बुद्धिस्ट स्तूपा थे, तो ये जो स्तूपास की आर्ट हुआ करती थी ये फोक उस टाइम की ट्रेडिशन तो दिखाता ही था, साथ में ये बुद्धिस्ट आइडियल्स भी दिखाता था। तो आपको इसी बात को इलूसिडेट करना है। इलूसिडेट मतलब क्या है कि आपको बहुत डिटेल में बात करनी है, एकदम साफ कर देनी है अपनी बात। तो इसके अलावा क्या आपको एक कॉज और इफेक्ट बताना है कि भाई स्तूपास बनाए, जो स्तूपा आपने बनाया उसी वजह से आज आपके बुद्धिस्ट जो आइडियल्स हैं काफ़ी हद तक जीवित हैं। वो बहुत सारे बुद्धिस्ट के जो है उस टाइम के फोक मोटिव्स को दिखाती थी, नरेटिव्स को दिखाती थी। तो ये आपको करना है, आपको एविडेंस लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल है तो वो लिखने से आपका आंसर को एक्स्ट्रा बैकिंग मिलती है। तो कोशिश करें आंसर में आपके एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें। क्वेश्चन मैं ब्रेकअप करता हूँ, देखिए पुराने जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट थी, जो बुद्धिस्ट लोग स्तूपास बनाया करते थे, वो उस समय की फोक आर्ट, फोक मोटिफ, फोक नरेटिव्स, इन सबको तो बताता ही था। मतलब उस समय का समझ लीजिए आप, फोक जो कल्चर था उसको तो बताता ही था, उसके अलावा बुद्धिस्ट की आइडियल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। अप्रोच इसमें रहेगी, पहले तो स्तूपा के बारे में बताएं, फिर किस तरीके से स्तूपा जो है वो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, उसके बाद अपन ने ये बात कर ली, फिर आप बताएं किस तरीके से ये बुद्धिस्ट के आइडियल्स को एक्सपाउंड करता था, मतलब उनको बढ़ा चढ़ा के बताया करता था। भाई आपका क्वेश्चन था कि उस समय जो है वो स्तूपाज आपकी लोक कथाओं पे बात करते थे, लोक विषयों पे तो बात करते ही थे, लेकिन साथ साथ में बहुत ज़रूरी है बौद्ध आदर्शों पे भी बात करते थे। तो
तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया किस तरीके से वो वहाँ के बौद्ध आदर्शों पे बात करते थे। उसके बाद स्तूपा का सिंबोलिज्म क्या है, वो किस तरीके से आप देखते हैं, स्तूपाज में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली जो भी आपने स्टैंड पकड़ा है पूरे आंसर में, उसी को मजबूती देंगे। तो देखिए, शुरुआत मैंने की है ये बताते हुए कि स्तूपा क्या है। स्तूपा बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे कि खुद बुद्धा, उनका जो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट था उसको, एक पहाड़ को, पूरे ब्रह्मांड को। तो स्तूपा में ये कुछ चीज़ें एक साथ डिनोट की जाती हैं। अगर स्तूपा की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुद्धा का आर्किटेक्चर है, उस समय का बौद्ध आर्किटेक्चर आप देखेंगे, स्तूपा उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट इमर्ज होके आता है। और जो सबसे पुराने स्तूपास थे, उन्होंने क्या हुआ था, उसमें बुद्धा के अवशेष भी रखे गए थे, और इस वजह से जो है ये जो पूरे स्तूपास हैं, ये बुद्धा के खुद की स्मृति, उनकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया कि स्तूपास किस लिए रेलेवेंट हैं। अब बात करते हैं जो सवाल हमसे पूछ रहा है, किस तरीके से वह बौद्ध आदर्शों को अच्छे से बताते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले चीज ली स्तूपा एज बुद्धा हिमसेल्फ। तो आप ये मान लीजिए, अगर ये एक स्तूपा है तो इसमें जो डोम स्ट्रक्चर था, ये जो डोम स्ट्रक्चर है, ये रिप्रेजेंट करता था जैसे कि कोई आदमी साधना कर रहा हो। और वो कौन होगा, वो व्यक्ति होंगे स्वयं बुद्धा। बुद्धा जब साधना कर रहे थे अपने, वह अपने आप की खोज के लिए जब ध्यान लगा के बैठे थे, सत्य की खोज कर रहे थे, जब वो ज्ञान की खोज कर रहे थे, तो उस समय जिस तरीके से वो ध्यान लगा के बैठे थे, ये देखिए कुछ ऐसे वो बैठे हुए थे। तो ये जो है, ये जो डोम स्ट्रक्चर है, ये उसी प्रतिमा को बिल्कुल दिखाता है, दर्शाता है। उसके बाद अगर अपन बेस माने, ये जो बेस है, आप ये बेस को माने, तो ये क्या चीज़, ये बुद्धा के क्रॉस्ड लेग को दिखाता है। ये देखिए कि वो जो आलती पालती मार के बैठे थे, जो उन्होंने साधना में जो पोजीशन लगाई थी, उसमें उनके आलती पालती मार के बैठने वाली जो पोजीशन है, उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसको पद्मासन से भी यहाँ पे बोला गया है, पद्मासन है वो। फिर उसके बाद अगर मिडिल की बात करें अपन, तो ये दिखाता है मिडिल पोर्शन ऑफ द बुद्धाज बॉडी। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। टॉप की बात करें, एकदम टॉप पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है, तो वो दर्शाते हैं जो बुद्धा के टॉप ऑफ द हेड पे जो है, ये जो है, और ये आप इसमें देखें, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो एक स्तूपा है, वो कम्प्लीटली बुद्धा की पोस्चर को, उनकी इमेज को, उनकी आकृति को दर्शाता है। और वो जब ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, अपनी सत्य की खोज में बैठे हैं, एनलाइटनमेंट की खोज में बैठे हैं, तो उस समय देखिए, अब वापस एक बार दोहरा देता हूँ मैं, जो डोम है वो ये ऊपर का बुद्धा का शरीर है, वो मेडिटेट कर रहे हैं। जब जो मिडिल है वो मिडिल का शरीर है, जो इसका बेस है वो बुद्धा के क्रॉस लेग्स हैं, और अल्टीमेटली जो इसका हेड है वो बुद्धा के हेड के भांति ही कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद अगर हम बोलें कि भाई, जब शुरुआत में बुद्धा की कोई इमेज नहीं बनी थी, ये तो बहुत बाद में आया, जब बुद्धिज्म के धीरे धीरे भाग होना शुरू हुए, जब कोई एक बुद्धिस्ट सेक्शन जो था वो आगे बढ़ के बुद्धा की इमेज क्रिएट करने लगा, तो उससे पहले क्या होता था, लोग स्तूपा को ही पूजा करते थे, उसी की वर्शिप, उसी को डिवोशन किया करते थे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया, ये डोम है, ये बेस है, ये मिडिल है, और ये एकदम टॉप ऑफ द जो है आपका स्तूपा है। अब और सिंबॉलिज्म क्या है, बुद्धा ने कहा था कि उनके उनके शांत हो जाने के बाद उनके जो अवशेष हैं, जो बची हुई उनकी अस्थियां हैं, वो यहाँ पे रखी जाएं। तो इसीलिए आज भी स्तूपा में कुछ जगह पे बुद्धा के अवशेष रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्तूपा को समझें, एक ये सर्कल है, ये व्हील है, या फिर एक चक्र है, ये उस चक्र के जो बीच में है, ये एक सेंटर है जो स्थिर है, जो मूव नहीं कर रहा। तो ये जो अनमूविंग सेंटर है, ये दिखाते हैं एनलाइटनमेंट। और ये कहता है, अगर आपको इस ज्ञान की तलाश करनी है, तो आपको भी अपने जीवन में वो शांति, उस तरह की अस्थिरता लानी पड़ेगी, आपको उतना ही ध्यान लगाना पड़ेगा, और तभी आप बुद्धा धर्म को, बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर कई स्तूपाज जो होते हैं, वो स्क्वायर बेस पे ऐसे प्लेस्ड होते हैं, तो स्क्वायर बेस मतलब इसमें जो स्क्वायर है उसमें, ये देखिए, एक
एक दो तीन चार, ये जो चार कोने हैं ये चार दिशाओं को दर्शाते हैं। उसके अलावा हर एक साइड पे क्या होता है, एक गेट होता है। देखिए ये है हर साइड पे गेट, तो ये जो गेट है इसको हम आम तौर पे तोराना बोलते हैं, और यहीं से जो प्रैक्टिशनर होता है, जो बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस करता है, वो अंदर जाता है और बाहर आता है। हर एक गेट जो है बुद्धा के जीवन के ग्रेट इवेंट को दिखाता है कुछ ना कुछ। जैसे कि ईस्ट वाला जो है पूर्वी गेट है, वो बुद्धा के जन्म को दिखाता है। जो आपका दक्षिणी गेट है वो उनके एनलाइटनमेंट को दिखाता है, उनकी ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है। उसके बाद अगर अपन पश्चिमी द्वार बोलें, तो जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहली क्लास ली थी, पहला सरमन दिया था अपने कुछ पांच कंपेनियंस को डियर पार्क में नियर द सारनाथ, वो उसको दर्शाता है। और उसके अलावा अगर आप नॉर्थ वाला गेट देखें, उत्तरी गेट, तो उनके निर्वाण को दर्शाता है। तो ये जो है ये चार चीज़ें हैं जो बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे स्तूपा का एक एक चीज़ बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड है। फिर इसके आगे देखिए प्रदक्षिणा पाथ है। ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, मतलब ये देखिए जो गोल घूमने का इसके अराउंड पाथ होता है जिसमें आप परिक्रमा करते हैं, वो होता है प्रदक्षिणा पाथ। ये प्रदक्षिणा पाथ दर्शाता है कि आप जो है इस तरीके से गोल 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 मूव करके एकदम आपका एम है जीवन का बीच में आना। मतलब जीवन जो आपका है अस्थिर है, अनस्टेबल है, तो आपको अस्थिरता से स्थिरता की तरफ आना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ ही आना है। तो ये आपको दिखाता है प्रदक्षिणा पथ। उसी के चारों तरफ आप परिक्रमा लगाते हैं, जो दिखाता है कि आपके जीवन मृत्यु की एक एंडलेस साइकिल है। आपका जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और अगर आपने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया तो फिर आप इस जीवन मृत्यु की साइकिल से बाहर निकल आते हैं। तो ये परिक्रमा है, ये इसी चीज़ को दर्शाती है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए एक तो मैंने जावा के स्तूपा का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे क्या है, कुछ बुद्धा की इमेजेस रखी हुई हैं। जो ये इमेज है ये दर्शाती है फॉर्मलेसनेस, कि मतलब उनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उनके कोई अंश नहीं है, वो फॉर्मलेस हैं। जहाँ आप माने भगवान वहीं पे हैं। तो ये भगवान बुद्धा के उस फॉर्मलेसनेस को दिखाता है। अगर आप देखें तो मेन स्तूपा क्या है, खाली है। ये दिखाता है कि बीच में, मतलब जो मेन स्तूपा है वहाँ पे खाली है। आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी अब मन भटकाने वाली चीज़ नहीं है, एकदम शरीर अंदर से खाली है, शांत है, स्थिर है। तो यही चीज़ दिखाती है एनलाइटनमेंट। तो इस तरीके से आपने स्तूपा लिया, उसके हर एक पार्ट को अच्छे से देख के फिर उसके बाद उस पर हमने चर्चा की, और इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को टैकल करना था। और अल्टीमेटली कंक्लूड किया मैंने कि भाई आर्ट और आर्किटेक्चर जो थे, जो भी बौद्ध धर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, वो इसीलिए बौद्ध आदर्शों को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाते हैं। क्वेश्चन यही था, यहीं से हमने शुरू किया था, पूरी बात कह के वापस यहीं पे आ गए। तो अपने जो हमने स्टैंड लिया है, अपने पक्ष को मजबूती प्रदान की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है कृष्णदेव राय का, जो कि विजयनगर के राजा थे। क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो थे वो ना सिर्फ एक अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही, साथ में इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर को, बहुत सारे साहित्यों को, बहुत सारी विद्याओं को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, इन्होंने उसका संरक्षण किया। तो आपको बताना है वो ये दोनों ही चीज़ें थे। अल्टीमेटली आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना है। पहले बताइए कि किस तरीके से वो एक कुशल विद्वान थे, उस बात में आप डिस्कस करें। उसके बाद आप दूसरे पार्ट में लें कि किस तरीके से वो एक अच्छे संरक्षक भी थे, उन्होंने बहुत सारी जो साहित्य हैं, जो उस समय की विद्याएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसे डील करें तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह आंसर हो पाएगा। भाई इसमें जो क्वेश्चन का शुरुआत में वर्ड है वो है डिस्कस। डिस्कस में आपको क्या करना है, आपको विस्तार में बात करनी है लेकिन सटीक बात भी करनी है। क्वेश्चन को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए दो भागों में टूटता है ये। सबसे पहले तो कृष्णदेव राय की बात की गई है, जो पूरा क्वेश्चन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर कह रहा है सबसे ज़रूरी बात, तो ये अकम्प्लिश स्कॉलर, एक कुशल विद्वान थे, और साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, यानी कि महान संरक्षक भी थे विद्या के और साहित्य के। तो आपकी अप्रोच ये रहेगी, सबसे पहले तो बताएं कृष्णदेव राय के बारे में, फिर उसके बाद बताएं कैसे ये विद्वान एक अकम्प्लिश स्कॉलर थे, और फिर बताएं किस तरीके से ये लिटरेचर के पेट्रन भी थे, संरक्षक भी थे।
और फाइनली आपने जो ये यहाँ पे जो आपने छोर पकड़ा है उसी छोर को यहाँ तक पकड़े रहें और अपने स्टैंड को सॉलिडिफाई करें। देखिए आंसर में मैंने लिखा है विजयनगर किंगडम जो था वो रूल किया गया था कृष्णदेव राय द्वारा, जो कि तुलवा डायनेस्टी के राजा थे और उस समय के वन ऑफ द बेस्ट, और इनफैक्ट उस समय को गोल्डन एज कहा जाता है, ये जो कृष्णदेव राय का समय था मीडिएवल साउथ इंडिया के लिए, तो उस समय के वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन थे जो साउथ इंडिया ने प्रोड्यूस किए, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे काम करने में बहुत महान, सभी स्फेयर्स में काबिलियत रखते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ना तो सिर्फ एक ज़बरदस्त योद्धा थे, उसके अलावा एक संचालक थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उसके अलावा वो एक प्रेमी थे जो कि कला से, संस्कृति से, साहित्य से प्रेम करते थे। तो आपने बताया उनका जो है रेंज कितना बड़ा था। फिर जो आंसर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वही हम आंसर करते हैं कि कृष्णदेव राय शुरुआत में हम लोग बता रहे हैं कैसे एक अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे। सबसे पहली बात तो ये ग्रेट पेट्रन थे आर्ट और लिटरेचर के, ये तो हमको पता है, ये अगले भाग में हम इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका भी एक छोटा सा पार्ट है ये। उसके अलावा इनका नाम था अभिनव भोज, जो कि इनका नाम दिया गया था। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में अच्छे से साहित्य लिखने की, उसमें बातचीत करने की काबिलियत रखते थे, जैसे कि कन्नड़, संस्कृत और तमिल। इसके अलावा इन्होंने एक तेलुगु, इन्होंने एक वर्क लिखा है जिसको बोला गया है अमुक्त मर्यादा। ये जो है ये पेन को दर्शाता है, दुख है, और दुख किसका है, इसमें एक अंडल नाम का जो है व्यक्ति है, कैरेक्टर है, उसने लॉर्ड विष्णु से सेपरेट हुआ है, वो उसके बीच में और लॉर्ड विष्णु के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, तो ये अंडल का जो है दर्द दिखाता है, पेन ऑफ सेपरेशन। उसके अलावा इनका एक और संस्कृत में भी काम है जिसको हम कहते हैं मदलसा चरित्र। इसमें एक क्वीन है मदलसा, जिनके नाम पे ये वर्क किया गया है, उनके पूरी जीवनी को बताया, उनके पूरी लाइफ को बताया है। उसके बाद इन्होंने कई सारे प्ले भी लिखे हैं, जैसे कि जामवती कल्याण, उषा परिणायाम, रसमंजरी, सत्य वादु पारणिया। तो ये इनके कुछ संस्कृत प्लेज हैं। इनके नाम आप याद रखें क्योंकि जब ये विजयनगर पे क्वेश्चन आए या फिर जब कृष्णदेव राय पे क्वेश्चन आए तो हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे हमको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि नाम थोड़े मुश्किल हैं याद रखने में, लेकिन आप कुछ बार प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बताते हैं किस तरीके से इन्होंने संरक्षण किया साहित्य का। तो देखिए सबसे पहले तो इसको बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, जो कि कृष्णदेव राय की एज थी। यहाँ पे बहुत सारे तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल इस समय के पोएट्स आए जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वर्क लिखे हैं, इस समय बहुत ज़बरदस्त साहित्य लिखे हैं, और उनको पेटर्नेज दिया कृष्णदेव राय ने, उनको संरक्षण दिया कृष्णदेव राय ने। आठ उनके जो कोर्ट था, तो इनके कोर्ट में जो पोएट्स थे उनको अष्ट दिग्गजालू कहा करते थे, क्योंकि आठ लोग थे ऐसे, जैसे नवरत्न थे वैसे ही यहाँ पे एट पोएट्स थे अष्ट दिग्गजालू, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि एक है अल्लासानी पेदाना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, इनको वहाँ का आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, क्योंकि सभी उनकी कविताओं को सराहते थे, बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त कविताएं लिखते थे, तो उनको वहाँ का आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। इनका एक वर्क है मनु चरित्रमु, तो ये इनका एक वर्क है, ये याद कर लिया जाए आपके द्वारा। उसके बाद तेनाली रामकृष्णा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं तेनाली रमन की, ये वही है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी उस समय के, ये बहुत बड़े जीनियस थे, तो ये इनका एक वर्क है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पीरियड था इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु तो कहा ही जाता था, साथ में इस पीरियड को कहा जाता था प्रबंध पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें इतने ज़बरदस्त प्रबंध लिखे गए, साहित्य का एक हिस्सा होता है प्रबंध, इतने अच्छे प्रबंध लिखे गए कि ये एक्सेप्शनल क्वालिटी के प्रबंधों द्वारा ही इस पीरियड का नाम पड़ा, जिसको प्रबंध पीरियड भी कहा गया। फिर उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने पेटनाइज किए हैं कई सारे कन्नड़ पोएट, जैसे कि मल्लनार्या या फिर तिमन्ना, इन्होंने लिखी है ये देखिए वीर शैव मूर्ता भव चिंता रत्न, और यहीं पे आप तिमन्ना को लें तो उन्होंने भी लिखी है कृष्णदेव राय की खुद की योलॉजी जिसका नाम है कृष्ण राय भारत।
तो अल्टीमेटली ये पोएट्स के नाम लिखे, उनके वर्क के नाम लिखे, ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। ये तो कंटेंट भरने की बात है, आप कंटेंट याद कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप पहले कुछ उस टाइम के पोएट्स लिखें, उनके बारे में लिखें, फिर पोएट लिखें उनके बारे में लिखें, उनका वर्क लिखें, और ये सब पोएट जो है अल्टीमेटली किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। तो इससे ये दिखता है कि वो कितने बड़े संरक्षक थे, उन्होंने इतने सारे पोएट्स को संरक्षण दिया, सबके काम को सराहा, उनको पूरी तरह छूट दी कि वो इतने डेवलप हो पाए। प्रबंध पीरियड कहा जाता है उस समय को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत लिटरेचर में भी उन्होंने कुछ लोगों को पेटनाइज किया, जैसे कि व्यास तीर्थ, इन्होंने लिखी है न्यायमित्र, इन्होंने लिखी है तर्क तांडव। तो ये जो दो किताबें हैं ये इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये दोनों आप याद कर लें। तो ये आपका स्ट्रैटेजी थी ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। तो इसी वजह से ये पूरी तरीके से सही रहेगा अगर मैं कहूँगा कृष्णदेव राय ना कि सिर्फ एक विद्वान थे, वो अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे, लेकिन वो एक जबरदस्त संरक्षक भी थे। उन्होंने विद्याओं को, उन्होंने साहित्य को, सबको पेटनाइज किया, बढ़ावा दिया, अपने दरबार में बहुत सारे पोएट्स को पेटनाइज किया, जो पोएट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में महारत हासिल करे हुए थे, उन्होंने उस समय बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है कि वो पूरा पीरियड जो था वो गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर था। तो ये तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह एड्रेस किया। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये वाला जो सवाल है ये 1857 की क्रांति से आया हुआ सवाल है, कह रहा है किस तरीके से ये जो 1857 की क्रांति थी ये एक वाटरशेड की तरह आई, और किस में? इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। इसका मतलब ये है इस क्रांति के बाद ही ब्रिटिश ने अपनी बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए पॉलिसीज में। अगर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को एडमिनिस्टर करती थी, तो यहाँ के बाद से अब जो है ये कमान चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, सीधे ब्रिटिश क्राउन ही आपको एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये 1857 की क्रांति थी जिसने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक योगदान दिया है हिस्ट्री को परिवर्तित करने में। तो आपको उसी के बारे में लिखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन आपका कीवर्ड है, इसका मतलब क्या आपको डिटेल में बात करनी है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इसको डिस्कस करना है। अगर हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूट के हमारे सामने आता है। सबसे पहले लिखिए कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बारे में किस तरह वो एक वाटर शेड रहा, मतलब एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐतिहासिक मोड़, एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ ब्रिटिश पॉलिसी की बदलाव में। और कहाँ पे? जब कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही थी। अप्रोच आपकी सीधी रहेगी, सबसे पहले आप 1857 की क्रांति के बारे में बात करें, फिर उसने क्या चेंज लाया ब्रिटिश की पॉलिसी में, उसके बाद आप इस ये जो चेंज आपने यहाँ पे हल्का सा जिक्र किया इसको डिटेल में बताएं। यहाँ पे आप सिर्फ जिक्र करेंगे क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को डिटेल करेंगे। और फाइनली इसी बात को जो आपने पकड़ रखा है कि 1857 हाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इसी को पकड़े 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 पूरा आंसर करें और फाइनली इसी बात को वापस सॉलिडिफाई कर दें। तो देखिए आंसर में मैंने क्या कहा है कि हेल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कही जाती है, जो कि पहली स्वतंत्रता का जो युद्ध है ये भारतीयों द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो है क्या? वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसने बहुत भयंकर बदलाव लाया ब्रिटिश की पॉलिसीज में भारत के लिए। जो अब ब्रिटिश सोच रहे थे वो कह रहे थे अब हमको करना है कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, मतलब अब हमको वापस समेटना है, अब हमको बढ़ाना नहीं है एम्पायर। पहले उनकी नीति थी कि अगर एक उन्होंने जगह को कैप्चर किया है तो धीरे से इसके बगल वाली को भी कैप्चर कर लें, इसकी बगल वाली को भी कैप्चर कर लें। लेकिन अब उनमें दिख गया था कि भाई आने वाले समय में क्रांति ऐसी भड़क सकती है, इसीलिए जो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है उसी को हम समेट के अपने पास रखें, उसी का बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो ये उनकी नीतियाँ रहीं। फिर उसके बाद क्या चेंज रहे? बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से आपकी किसी भी किताब में मिल जाएगा, वो एज इट इज़ आपको लिखना है। सबसे पहले तो जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफ़र हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी रोल नहीं था, उनको हटा दिया गया, एक नई पोस्ट लाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट से था, कैबिनेट मिनिस्टर था लंदन में, उसको यहाँ पे भेजा गया। उसके बाद मिलिट्री में कुछ चेंजेस लाए गए, भाई जो नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स थे वो बढ़ा दिए गए, भारतीय सोल्जर्स की मात्रा कम कर दी गई। जिन लोगों ने भी ब्रिटिश का साथ दिया था इस क्रांति में, लॉयल रहे थे, उन लोगों को बेहतर पोस्ट मिली। उसके अलावा जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग
भिन्न भिन्न प्रजातियों से, अलग अलग जातियों से बुलाए गए, जिससे क्या उनमें एक यूनिटी की भावना कम रहे। उसके बाद उनका पूरा जो इस इन चार जो रिफॉर्म्स हैं उनसे उनकी एक ही मंशा थी कि कैसे यूनिटी को तोड़ा जाए, क्योंकि इस 1857 की क्रांति में हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी ज़बरदस्त थी और इसी यूनिटी के चलते इतनी बड़ी क्रांति फैल पाई। तो ब्रिटिश का एम था इस यूनिटी को तोड़ें, और यहीं से उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल शुरू हुई। इसमें क्या है, कास्ट बेस्ड सेंसस आने लगा। तो भाई सीधी सी बात है, अब आप लोग कास्ट पे जोर दे रहे हैं, हिंदू का सेंसस, मुस्लिम्स का सेंसस, तो आप दिखा रहे हैं कि आप दो अलग अलग गोले हैं, आप दो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। तो ये उनका पहला वो रहा। दूसरी बात, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको कैसे ना कैसे करके ख़त्म करने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ, बाद की स्टेजेस में हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो इंट्रोड्यूस हुए, ये भी उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ने का एक जरिया था। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो आई टी 1861 का, उसमें इंडियंस को और जगह दी गई। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट आते गए, वैसे वैसे लेजिस्लेचर में इंडियंस की एंट्री को लिबरलाइज कर दिया कि और इंडियंस अब भर्ती करने लगे। इलेक्शंस धीरे धीरे आ गए, इसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग में क्या ज़्यादा सेंसिटिविटी झलकने लगी। मतलब अब ब्रिटिश पॉलिसी में सेंसिटिव हो गए थे, उनको बड़े ध्यान से आगे बढ़ना था। उनको भारत की जो कमान उन्होंने पकड़ रखी थी, जो उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था भारत को, उसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं था। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे सेंसिटिविटी दिखाई। पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आई। काउंसिल एक्ट 1861 के बाद क्या हुआ, पहले जो सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड आ रहा था कि सारी पावर जो रहेगी बीच में एक आदमी के हाथ में रहेगी, वो धीरे धीरे छूट गई। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पावर वापस दे दी गई, कुछ प्रेसिडेंसीज के पास पावर चली गई, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, जो पहले उनसे ले ली गई थी और एक सेंटर के पास थी। उसके बाद और कुछ समय बाद जब हम देखेंगे 1883 के पास, तब तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जो आज पंचायती राज के रूप में, अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में आपके सामने है। तो वो, और इसके कौन रचयिता थे, ये थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद जो एनेक्सेशन की पॉलिसी चल रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये लॉर्ड डलहौसी ने शुरुआत की थी इसकी, इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई कि आप ऑटोनॉमस रहिए, बस ये है कि आप ब्रिटिश को अपना माई बाप समझते रहिए, उनकी पैरामाउंसी में ही रहेंगे आप। उसके बाद फिर पॉलिसी आई नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज। इससे पहले क्या हो रहा था, 1828-29 के आसपास सती प्रथा को बैन किया गया, फिर उसके बाद विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया, और ब्रिटिश पूरा साथ दे रहे थे इन सोशल रिफॉर्म्स में इंडियन रिफॉर्मर्स का। राजा राम मोहन रॉय ने इसमें बहुत काम किया है, ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने इसमें बहुत काम किया है, और ब्रिटिश ने इन सबको सपोर्ट भी किया है। लेकिन ये जो था, ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जिनकी पुरानी नीतियाँ हुआ करती थी, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। अब एक बार वो ब्रिटिश के खिलाफ हुए तो वो भी एक फैक्टर रहा 1857 की क्रांति का। तो ब्रिटिश ने सोचा कि भाई बस अब हम इनके रिलीजियस इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुमको जो करना है तुम अपने आप करो, तुम्हारे सोशल अफेयर्स में भी हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर बात आई भाई रेलवे और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या हुआ, इस डेवलपमेंट के तहत जो पहला एम था कि अब हम अपने एम्पायर को समेटेंगे, उसी को एक साथ बना के रखेंगे, कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प की गई। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हेल्प हुई, मिलिट्री एक्सपेंशन में हेल्प हुई, हर एक कोने तक इंडिया के ब्रिटिश की मिलिट्री जा सकती थी, उसका गुड़ जा सकता था। तो 1857 के बाद की जो चेंजेस हुए, देखिए मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा सिर्फ उसी समय के चेंजेस पे, उसके बाद धीरे धीरे और भी जो चेंजेस हुए बाद तक, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बाद में आया, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता गया, इंडियंस की भर्ती जो हुई वो भी शुरू हुई लेकिन बाद में आते आते और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप अपना जो पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं कि भाई हुआ तो सब 1857 के बाद है, लेकिन चेंजेस जो हुए वो आप यहाँ से आराम से विस्तार में दिखा सकते हैं। तो कंक्लूड आप इसको ऐसे करेंगे कि भाई जो 1857 की क्रांति थी, ये इसी वजह से वॉटरशेड की तरह कही जा सकती है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। हालांकि ये जो पॉलिसी थी, इन्होंने इंडियंस की मिजरी को कम नहीं किया, वो वैसे ही थे, इंडियंस वैसे ही परेशान थे, लेकिन उन्होंने
ब्रिटिश की बहुत काम किया, इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प की, पॉलिटिकली ग्रो करने में हेल्प की, उनकी मिलिट्री हर एक तरफ तक फैल पाई इसमें भी हेल्प हुई, और इंडियंस की मिजरी कंटिन्यू रही। लेकिन इसी से ये हुआ कि इंडियंस एकजुट हुए धीरे धीरे करके, और आगे जाके एक नेशनलिस्ट जो ट्रेंड आया है वो इंडिया में यहीं कहीं से आया है। तो ऐसे कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाई इसमें आपको रोल ऑफ वेमेन बताना है, महिलाओं का क्या रोल है हमारे आज़ादी के संग्राम में, और उसमें भी आपको फोकस करना है गांधीयन फेस के बाद। 1914-15 में जब गांधी जी की एंट्री हो गई थी उसके बाद से महिलाओं ने क्या रोल प्ले किया है। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप ज़रा सा जिक्र प्री गांधीयन फेस का भी करें, उससे ये होता है आपके आंसर की विड्थ दिखती है कि भाई हमको इतने से इतना आता है, प्री गांधीयन से हमको पोस्ट गांधीयन तक आता है। लेकिन आपने सिर्फ गांधी के आने के बाद की बात की है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा फोकस किया और फाइनली हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया। तो हम लोग अप्रोच भी यही फॉलो करेंगे, ये भी बताएं और ये भी बताएं, इसको थोड़ा कम तवज्जो दें और इसको बहुत विस्तार में बताएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड जो कि है डिस्कस। डिस्कस मतलब विस्तार में बताएं लेकिन सटीक बात करें। क्वेश्चन आप छोटे भागों में तोड़ेंगे तो आएगा वुमेन का रोल कहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और ये कब बताना है, मेन फोकस रखना है गांधीयन फेज पे। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा वुमेन का रोल, उन्होंने ओवरऑल क्या रोल प्ले किया, उसके बाद मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा बता के प्री गांधीयन फेज के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन का जो मेरा मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला, गांधीयन फेज में क्या क्या मूवमेंट हुए, कहाँ कहाँ वुमेन ने भाग लिया। और इस आंसर को आप जितना ज़्यादा कंटेंट से भर पाएँ आप भरें, जितने नाम मेंशन कर पाएँ आप करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो स्कोप दिलाता है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का, बहुत हटके लिखने वाले क्वेश्चन हैं जो। तो इसमें फिर आप कंक्लूड अल्टीमेटली करेंगे एक ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नोट पे। तो देखिए शुरू कैसे किया, शुरू मैंने किया वुमेन का रोल बता के, क्या कि भाई जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो ग्लोरी है वो उतनी ज़्यादा चमक के बाहर नहीं आ पाएगी जब तक मैं उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वुमेन ने। भले ही कोई भी एज ले लो, आप कोई भी जाति ले लो, कोई भी आप कास्ट ले लो, कोई धर्म ले लो, कोई क्लास ले लो, गरीब अमीर कोई भी, लेकिन हर एक स्फेयर से वुमेन आगे बढ़ी, उन्होंने एक टॉर्च बियरर का काम किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो देखिए शुरू मैंने किया है हल्का सा प्री गांधीयन फेज बता के, इसमें 1857 से मैंने शुरू किया। पहले तो मैंने 1857 लिया और उसके पहले का ज़रा सा बताया, फिर उसके बाद का ज़रा सा बताया। देखिए 1857 के पहले मैंने दो नाम लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें से एक है भीमाबाई होलकर और एक है रानी छेनम्मा। ये किट्टूर की थी, ये कुछ पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक संग्राम छेड़ा, इन्होंने आज़ादी के लिए शुरू किया लड़ाई। तो यहाँ शुरू होती है वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर मैं इस 1857 के बाद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ अर्ली फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब गांधी जी आने ही वाले थे। तो उससे पहले आपने एक जिक्र कर दिया एनी बेसेंट का, जिन्होंने होम रूल लीग बनाई अल्टीमेटली 1917 में। यहाँ तो गांधी जी आ चुके थे लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रिसाइड भी किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये पहली महिला थी जिन्होंने कभी भी आज तक के हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। उसके बाद मैं आता हूं गांधीयन फेस पे, ये हमारे क्वेश्चन का मेन भाग है, यहां पे आपको विस्तार में बात करनी है। तो देखिए इसमें मैंने शुरू में ये लिखा है कि वुमेन जो है वो टॉर्च बियरर के तरह इमर्ज हुई, उन्होंने बहुत सारे नए नए तरीके निकाले जिससे कि आज़ादी के मूवमेंट में भाग लिया जा सके, जैसे कि प्रभात फेरियां निकाली गईं, कविताएं लिखी गईं, गाने लिखे गए, इन सब से ही एक साथ मिलके लोगों को इकट्ठा किया गया, एकजुट किया गया। तो ये कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाए वुमेन ने। फिर उसके बाद मैंने फेज बाय फेज लिया है, सबसे पहले सत्याग्रह का फेज लिया है। तो इसमें जब गांधी जी शुरुआत में आए थे चंपारण अहमदाबाद खेड़ा के समय, तब उनका किसने मदद की थी, पार्वती देवी, राजवंशी देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे। उन्होंने और भी चीज़ें की, उन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इलिटरेसी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उसके बाद अगर हम अहमदाबाद लेबर मूवमेंट की बात करते हैं, चंपारण के बाद अहमदाबाद, हम लोग
अहमदाबाद की बात करते हैं तो देखिए उसमें अनसुईया बेन साराभाई जिन्होंने अपने ही भाई के अगेंस्ट खड़े होकर वर्कर्स की वेज के बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट किया, तो यहाँ पे भी वुमेन का एक रोल आ गया। देखिए मैं कितने सारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ नाम। उसके बाद मैं आ गया हूँ स्वदेशी मूवमेंट पे। यहाँ पे आपने वुमेन का मास पार्टिसिपेशन देखा, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, देखिए तो मैं इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि इसको आप प्री गांधियन फेज में भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। बहुत वुमेन का पार्टिसिपेशन था, बॉयकॉट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे, टिकटिंग ऑफ लिकर शॉप्स भी किया, बहुत सारे और भी एजिटेशंस किए। तो ये हमने एक छोटा सा पासिंग बाय रेफरेंस दे दिया। फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बारी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल सरोजिनी नायडू, इन्होंने अपना केसरी हिंद का टाइटल वापस लौटा दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। साथ में बंगाल और मैं बॉम्बे की बात करूं तो वहां पे छोटे छोटे वुमेन के संगठन इमर्ज हुए, जैसे कि नारी कर्म मंदिर, जैसे कि महिला कर्म समाज, जिन्होंने जो मूवमेंट है उसको और मजबूती दी। हर तरफ से, भारत के हर एक कोने से वहां पे एक ही आवाज़ आ रही थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इससे पूरे मूवमेंट को बहुत मजबूती मिली। फिर खुद कस्तूरबा गांधी जी जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपनी ज्वेलरी, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स थी उनको दान कर दिया। और क्यों दान किया? जिससे कि किसी गरीब का घर चल सके, मूवमेंट में किसी तरह की कमी ना आए, कोई भी फाइनेंशियल ज़रूरत हो तो इन चीज़ों से पूरी हो सके। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेशन दिखाया। फिर आप आगे बढ़े सिविल डिसोबीडियंस पे। देखिए इसमें सरोजिनी नायडू का अहम किरदार है, इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। उसके बाद कमला नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में बहुत अच्छे से पार्ट लिया। फिर मुथु लक्ष्मी रेड्डी और अनसुईया बहन, इन्होंने भी यहाँ पे पार्ट लिया और इन्होंने अपनी जो काउंसिल्स थी उसकी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया सपोर्ट दिखाने के लिए। फिर उसके बाद हम सत्याग्रह की बात करते हैं। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुए उसमें अरेस्ट की गई कुछ महिलाएं, जैसे कि सुचेता कृपलानी, प्रियंबदा देवी, महादेवी केजरीवाल, तो ये कुछ थे, इनको अरेस्ट किया गया। तो देखिए कहीं भी किसी भी स्फेयर में वुमेन पीछे नहीं है, वो आगे बढ़ बढ़ के वहाँ पे पार्ट ले रही हैं। तो ये पंजाब, उड़ीसा और बिहार की मैंने आपको बात बताई। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट में उषा मेहता, आपको पता है, अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी। फिर मतांगिनी हजरा, जो कि एक 73 ओल्ड वुमेन थी, जिन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और बंगाल में कांग्रेस का झंडा फहराया। उसके बाद अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे 1942 के मूवमेंट में। फिर हम बात करते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, जैसे कि प्रीतिलता वडेदार, कल्पना दत्त, जिन्होंने सूर्या सेन के साथ काम किया चित्तगोंग आर्मरी रेड में। तो आप देखिए कोई भी ऐसा स्फेयर खाली नहीं छूटा जहां वुमेन का रोल ना हो। हर एक मूवमेंट कवर किया है, हर एक मूवमेंट में कुछ कुछ वुमेन का नाम दिए हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली आपने ये क्वेश्चन कवर किया है। कंक्लूड आप ऐसे करेंगे कि हाँ, वुमेन का बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने सभी तरीके के जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो बैरियर थे, जो उनकी सोच थी, जो लोगों की सोच थी, उन सबको तोड़ के आगे कदम बढ़ाया और अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना स्वतंत्रता संग्राम में लगाया। तो इस तरीके से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें चेरिश करना चाहिए। इस तरीके से आपने ये वाला पूरा क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस करके इसको ख़त्म किया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो अप्रोचेस थी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में, उनमें डिफरेंस बताना है। तो आपको एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस की लेनी है, उसके अलावा आपको दूसरी तरफ जो है महात्मा गांधी की अप्रोच लेनी है। आप चाहें तो एक टेबल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे लिख दें कि भाई वर्ल्ड वॉर में उनकी नीतियाँ क्या थी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश के जो फॉलआउट थे, वो कमज़ोर पड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे नहीं, हमको उनका साथ देना चाहिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट लें और उसमें दोनों के जो डिफरेंसेस थे उस पर बात करें, ये आपका आसान तरीका हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं तो देखिए इसमें आता है कि सीधी सीधी बात, डिफरेंस बताइए सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच में और महात्मा गांधी की अप्रोच में। तो देखिए इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में आप बताएं दोनों ही लीडर्स के बारे में, फिर आप बताएं किस तरीके से इनकी अप्रोचेस अलग थी और इसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल किया है। शुरुआत मैंने की है देखिए सुभाष चंद्र बोस को बताते हुए कि वो तो महात्मा गांधी को फॉलो भी करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनका आदर करते थे पूरी जर्नी में अपनी, लेकिन फिर भी अप्रोच की बात करें तो दोनों की अप्रोचेस काफ़ी अलग थी। तो उस अब अप्रोच की बात करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन
इस एंड पे छोड़ा है कि मैं बॉडी में वहीं से कैच करूंगा, मतलब जो छोर आपने यहाँ पे छोड़ा है उसी छोर से आप यहाँ कैच करिए, तो इससे क्या होता है ये जो ब्रिज बन जाएगा तो इससे यहाँ से यहाँ आने में आसानी होगी। मैंने यहाँ बात की है कि उनकी अप्रोच, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, तो अब मैं बताऊँगा कैसे अलग थी। देखिए, एक तरफ मैंने सुभाष चंद्र बोस लिख लिए, एक तरफ महात्मा गांधी लिख लिए। जो देखिए बोस थे वो बहुत आइडियोलॉजी में भरोसा करते थे, किसकी, तिलक और अरबिंदो की। वो एक नेशनलिस्ट थे, एक फायर ब्रांड नेशनलिस्ट थे। लेकिन महात्मा गांधी भरोसा रखते थे टॉक्स में, डिस्कशन में, कैसे ना कैसे करके बात से, सहमति से, नॉन वायलेंस से ब्रिटिश को अपनी ओर करा जाए, कैसे अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। और उनके मेंटर थे गोखले और टैगोर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर थे। उन्होंने गांधी जी को भी क्रिटिसाइज़ किया था, कब, जब गांधी जी ने चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। गांधी जी एक मॉरल अप्रोच लेके चलते थे नेशन बिल्डिंग की तरफ, कि अगर मैंने ये माना है कि नॉन वायलेंस से हमको ही जीत हासिल करनी है, तो जहां हमने वायलेंस की वहां पे हम मूवमेंट सस्पेंड कर देंगे। उनके कुछ मॉरल कैरेक्टर्स थे, कुछ नीतियाँ थी जिसके आधार पर वो चलते थे। लेकिन बोस थे लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर, उनको चाहिए था कि फ्रीडम लाई जाए बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके आपको आज़ादी दिलानी है। बोस ज़्यादा प्रैग्मेटिक थे, वो जर्मनी और जापान तक से बात करना चाहते थे कि जिससे ब्रिटिश को देश से निकाला जाए। लेकिन गांधी जी का मॉरल स्टैंड था, वो कहते थे कि भाई जो जापान है, जो जर्मनी है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी वाला कम्युनिटी है, वो गलत है, वो सप्रेशन का एक जो है आइडियल है, वो पूरी मूर्ति है, कैसे लोगों को सप्रेस किया जाए, तो हम ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकते। बोस ने तो इनफैक्ट जर्मनी में, फिर उसके बाद बोस इस फेवर में थे कि भाई आप अगर हथियार उठाना पड़े तो वो भी उठाएं, हमको चाहिए आज़ादी। लेकिन गांधी जी इस चीज़ में अलग विचारधारा रखते थे, वो कहते थे कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, यही दो मेथड होने चाहिए आज़ादी को हासिल करने के लिए। इस तरीके से इनकी अप्रोच अलग थी। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर का दौर आया, तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जो ब्रिटिश की वीक पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाया जाए, अभी वो कमज़ोर हैं तो उन पे अभी वॉर कर दिया जाए तो वो इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। गांधी जी चाह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है, सामने वाले को भी मजबूत होने दो, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे अपनी परसूट। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश पे अटैक करना सही नहीं है, उनका साथ देना चाहिए। इनफैक्ट जो बोस थे वो रेडिकल टेंडेंसी के थे, वो चाहते थे कि मास आर्म्ड स्ट्रगल हो, सब लोग हथियार उठाएं और हथियार उठा के लड़ें। गांधी जी कह रहे थे नहीं, मास पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है, लेकिन वो भी होना चाहिए सत्याग्रह के चारों तरफ घूमता हुआ, नॉन वायलेंस के चारों तरफ घूमता हुआ। तो ये इनकी अप्रोच में डिफरेंस था। उसके बाद एक बार इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी इनकी अप्रोच कुछ अलग रही। बोस चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज बने जिसकी वजह से भारत जो है सेल्फ सफिशियंट बने। लेकिन गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलक्टेंट थे, वो चाह रहे थे कि विलेजेस का विकास हो, गाँव का विकास हो, शहर, जो भारत के छोटे छोटे हिस्से हैं उनका विकास हो, इस तरीके से भारत सेल्फ सफिशियंट बनेगा। तो ये आपने देखा कि कैसे इन दोनों की अप्रोचेज में काफ़ी फर्क था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, आगे के सवाल मैं अगले वीडियो में अपने डिस्कस करूँगा। मेरे साथ आप बने रहें, इस लेक्चर से आपने सीखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस पेपर डिस्कशन में। दोस्तों, इस डिस्कशन के तहत हमारा लक्ष्य है कि जब तक ये सीरीज हमारी ख़त्म हो, आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हो। इसी के तहत हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है। पहले वीडियो से हम लोग वही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ के उसकी मांग को समझ के उसका आंसर तैयार कर रहे हैं। हम लोग आपका ये वाला शस्त्र मजबूत करवा रहे हैं, जिससे कि जब आप मेंस एग्जाम में बैठें तो आपको किसी तरह की समस्या फेस ना करनी पड़े और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो इसी सीरीज के आज मैं वर्ष 2016 के GS1 के सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके आगे के सवाल डिस्कस करूँगा। उससे पहले मेरी गुजारिश ये रहेगी, अगर आपने मेरे बीच के वीडियोस मिस कर दिए हैं, देखिए शुरू हमने किया था ये जर्नी GS1 से वर्ष 2013 के साथ, और आज हम 2016 पे आ चुके हैं। इस दौरान के अगर आपने वीडियो मिस करे हो तो प्लीज़ उनको देखिए,
डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, सभी वीडियोज़ एक के बाद एक लगे हुए हैं, उनको देखें, उनसे सीखें और उनसे ली गई नॉलेज को अप्लाई करें। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हमारे आंसर से सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ करके उसको अपने आंसर्स में ढालें। वो आप कब कर पाएंगे? जब आप हर रोज़ एक या दो आंसर लिखेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। इसी नोट पे आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपके साथ इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के सवालों को लेके आया हूँ। तो आइए इस छठे क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर भारत के राज्यों का गठन किया जाए भाषा के आधार पे, तो क्या वो भारत की एकता को मजबूत करेगा या फिर उसको कमज़ोर करेगा। इसी पे आपको चर्चा करनी है। तो कोई इसमें आपसे कीवर्ड इसने दिया नहीं है, सीधे सटीक सीधे पूछ रहा है कि करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन को तोड़ते हैं तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर भाषा के आधार पे स्टेट्स का गठन किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए, तो क्या ये भारत की एकता को मजबूत करेगा, इस बारे में आपको बताना है। अप्रोच इसमें सीधी रहेगी कि शुरुआत आप करें इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करके, भाषा के आधार पे जो हमारे देश का वापस पुनः गठन हुआ है उसको डिफाइन करके, फिर उसके बाद आप बताएं किस तरीके से इस गठन के तहत ही भारत के जो एकता है उसको और मजबूती मिली है। लेकिन कुछ ना कुछ कंसर्न्स, कुछ ना कुछ चिंताएं अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस पार्ट में आप उन चिंताओं पे रोशनी डालिए और उसके बाद आप क्या करें, कंक्लूड करें एक होपफुल नोट के साथ कि हमें उम्मीद है अगर कुछ कुछ चेंजेस कर दिए जाएँ तो आने वाले समय में अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। तो होपफुल नोट पे एंड करें और आपने जो यहाँ पे छोर पकड़ा है उसी को पकड़े पकड़े यहाँ पे उसी पक्ष को मजबूती प्रदान करें। ये आपका तरीका रहेगा इसको अटेम्प्ट करने का। अब इसमें अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपना स्टैंड मेंशन किया है कि भाई हमने जब रिकग्नाइज़ किया कि भारत में अनेक भाषाएँ हैं और उस भाषा के आधार पर भारत की जो आइडेंटिटी है वो हेट्रोजीनस है, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ का मिक्सचर है, तो इस मेरे आइडियोलॉजी ने ही, इस मेरे रिकग्निशन ने ही क्या किया है, हमारे देश की एकता को मजबूती प्रदान की है। हालांकि फ़र्क है, भाषाओं के फ़र्क हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है, इसने अल्टीमेटली भारत की यूनिटी को मजबूत किया है। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है देश का, भाषा के आधार पर देश को वापस से पुनर्गठन किया गया, वही एक सबसे अच्छा तरीका दिखा है जिससे कुछ कल्चरली सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं। मान लीजिए आंध्रा के आसपास सब लोग एक तरीके की भाषा बोलते हैं, तेलुगु का वहाँ पे प्रचलन है, तो अगर वहाँ पे एक अलग ही स्टेट के तौर पे उसको बाहर निकाला जाए तो सभी लोग एक जैसे होंगे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी। तो ये बहुत एक मोस्ट ऑब्वियस आइडिया दिखता है कि अगर हम लोग इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दें स्टेट्स को। फिर उसके बाद अब देखिए, मैंने अपना स्टैंड तो यहाँ पे पकड़ लिया कि मैं कह रहा हूँ उसने मजबूती प्रदान की है, तो अब वही स्टैंड को मेरे को यहाँ पे कैसे करके दिखाना है सबूतों के आधार पे। तो मैंने बताया कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने, यानी कि भाषा के आधार पे किस तरीके से राज्यों ने भारत की एकता को मजबूती प्रदान की है। तो देखिए, पहला जो पार्ट है उसमें मैंने बोला कि अब क्या होता है, हर एक स्टेट अपने खुद की लैंग्वेज को पेटनाइज कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसको भाषा के आधार पर ही निर्मित किया गया है, तो अगर वो उस लैंग्वेज को वो बेस बना के उसका संरक्षण करेगा, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगा खुद की, तो इस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इससे होगा क्या, इससे भाई आपका जो कल्चर है, आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रिजर्व रहेगी, वो सिक्योर रहेगी, आपके मन में डर नहीं होगा कि कल को कहीं हिंदी या इंग्लिश या ऐसी कोई और लैंग्वेज हमारे कल्चर को ख़त्म ना कर दे, क्योंकि आपने पूरा स्टेट ही उसके आधार पर अब उसका निर्माण किया है। उसके बाद एक बिहेवियरल चेंज लाए लोगों में। आपने ये देखा होगा अगर आप किसी को उसका हक दे देते हैं तो वो फिर दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना रखने लगता है, वो सोचता है कि भाई कैसे करके अगर कोई कल्चर उसमें मिलना चाहे तो वो उसको समझना चाहता है। अब ये एग्जाम्पल के तहत मैं समझाता हूँ, देखिए क्या हुआ है, अगर आपने लोगों को उनकी लैंग्वेज पेटर्नाइज करने का हक दे दिया है, आपने उनके मन में ये आश्वासन दिला दिया है कि भाई आपकी लैंग्वेज को, आपके कल्चर को कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो लोग बाकी लैंग्वेज के प्रति लेस रिलक्टेंट हो गए हैं, ज़्यादा टॉलरेंट हो गए हैं
लोगों में एक सहनशीलता वाली भावना जाग गई है बाकी कल्चर्स के प्रति। जैसे कि अगर छठ पूजा की बात करें, तो अब ये छठ पूजा जो बाकी जैसे कि राजस्थान में होती है, ये छठ पूजा गुजरात में भी धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर आपने उनको उनकी लैंग्वेज उनकी सब कल्चर प्रिजर्व करने का मौका दिया, तो वो बाकी लैंग्वेजेस का बाकी कल्चर का स्वागत करने में पीछे नहीं हटते। तो इसीलिए इसने एक यूनिटी को प्रिजर्व किया, सब लोग एक दूसरे कल्चर अपना रहे हैं। उसके अलावा अब क्या होता है, ये लोगों को ये चीज़ फील करवाता है कि वो एक ऑटोनॉमस यूनिट के पार्ट हैं। आपको एक पॉलिटिकल यूनिट दिया गया है, एक स्टेट दिया गया है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग मेजॉरिटी है, तो आप उसी यूनिट के पार्ट हैं, आपकी बात सब समझेंगे। आप अगर आगे जाके पॉलिटिक्स में या किसी अच्छे लेवल पे अपनी बात उठाना चाहें, अपना ओपिनियन रखना चाहें, तो लोग समझेंगे। उसके अलावा इस तरीके के जो स्टेप्स लिए गए, इससे अगर रीजन सेंट्रिक कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई आपको दुख दर्द हैं, उसको वायलेंट फॉर्म लेने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। कल को कोई एजिटेशन कोई वायलेंट फॉर्म में हो जाए, दो भाषाओं के आधार पे, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, इस आधार पे लोगों में लड़ाई होने लगे, तो उससे बेहतर है लोगों को उनका हक दे देना, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कर देना। उससे इन सब चीज़ों को खतरा कम हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ग्लोबल इंडेक्स पे भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। आप इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ वर्नैकुलर लैंग्वेज थी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं, उसको इसी वजह से डेवलपमेंट मिला। तो क्या हुआ, अगर आपने एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बना दिया, एक सेपरेट तेलंगाना बना दिया, गुजरात बना दिया, तो उससे हुआ क्या, उससे वहाँ पे पर्टिकुलर गुजराती की, तेलुगु की, इन लैंग्वेज की एकदम से इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, इनकी अहमियत बढ़ी, तो इनमें एजुकेशन बढ़ा, इसकी वजह से लिटरेसी आई इन लैंग्वेज में ही, पार्टिसिपेशन बढ़ा लोगों का पॉलिटिक्स में। अब ये किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे, देखिए अगर आपको अपनी भाषा में कोई बात कहने को मिले, तो ये निश्चित बात है आप आसानी से कह पाएंगे। अगर आपकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी में आप अपने ओपिनियन को, अपना पक्ष आराम से रख पाएंगे। वहीं पे अगर आपको कोई बोल दे कि आप फ्रेंच में बोलो, जर्मन में बोलो, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लोगों को पक्ष रखने में उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेज, वहाँ का लोकल डायलेक्ट, वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही हेल्प करती है। तो ये बहुत हेल्प हुआ, जो आम आदमी है वो भी अब अपने ओपिनियन अपनी फेमिलियर लैंग्वेज में आगे रख सकता था। रीजनल रिप्रेजेंटेशन ने क्या किया, जितनी भी समस्याएं थी उनको चैनलाइज किया, और एक डेमोक्रेटिक मीन्स से आगे जाके उनको रखा, और उनको रेजोल्यूशन मिला। तो इसलिए आपकी अगर भाषा आपके पास है, तो आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान निकलवा पाएंगे। तो इस तरीके से इंडिया में यूनिटी बन के रही। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं भाई, इसने लोकल आइडेंटिटी को प्रमोट किया है, हम लोग तमिलियंस हैं, हम लोग तेलुगु स्पीकर्स हैं, हम लोग मलयालम स्पीकर्स हैं, हम लोग गुजराती स्पीकर्स हैं, हम लोग मारवाड़ी स्पीकर्स हैं, इस तरीके की जो लोकल आइडेंटिटी है इसका प्रचार हुआ है। उसके बाद रीजनलिज्म बढ़ा है, इसको आप जोड़ सकते हैं यहाँ से, लोग अपने रीजन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया महाराष्ट्र का, उसमें मराठी स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी बाहर के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से हो, यूपी बिहार से हो, तो वो लोग आपके सामने अपनी वहाँ की लैंग्वेज में बात करके एक रीजनलिज्म वाली फीलिंग दिखाते हैं। उसके अलावा क्या है कि एक डिस्टिंक्टिवनेस क्रिएट हो गई है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग अलग हो गए हैं, भाई ये तेलुगु स्पीकर्स हैं, अगर अपन यहाँ बनाएं तो देखिए ये तेलुगु स्पीकर्स हैं, ये तमिल स्पीकर्स हैं, ये मलयालम स्पीकर्स हैं, ये कन्नड़ स्पीकर्स हैं। तो इस तरीके से उनके एक डिस्टिंक्टिवनेस क्रिएट हो गई है। अब इंडियन से ज़्यादा वो ये चीज़ में भरोसा रखने लगे, हम भारतीय हैं, नहीं, हम लोग पहले तमिल स्पीकर्स हैं, हम लोग तेलुगु स्पीकर्स हैं। उसके अलावा इसने नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया, वो तो है ही, क्योंकि रीजनलिज्म प्रमोट किया है। उसके और आगे सोचे हम, बहुत सारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं, जैसे वाटर के ऊपर बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं। तो ये जो है इसको इसीलिए बढ़ावा मिला है क्योंकि हमने रीजनलिज्म को आधार बनाया है। उसके अलावा रीजनलिज्म ने और भी, जैसे कई लोग सन ऑफ द सॉइल की डॉक्ट्रिन फॉलो करने लगे, मतलब भाई मैं तो इसी मिट्टी का बेटा हूँ, ये मिट्टी में, और फिर उसके बाद कई रिजर्वेशन, लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं सरकार, वो सब चीज़ें बढ़ गई हैं, जिससे बाहर वालों के प्रति एक जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना जाग रही है। तो ये सब चीज़ें कुछ कंसर्न्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध तो नहीं है ये वाला आइडिया, लेकिन फिर भी एडवांटेजेस हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, हालांकि यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कैसे डायनेमिक पॉलिटिकल लीडरशिप देश में लानी है, तो ऐसे चैलेंजेस को आप ज़रूरी है कि आप टैकल करें। ओवरऑल स्केल पे अगर आप इसको नापेंगे, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना, भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाना,
अपने आपके देश की एकता को मजबूत करने के समान ही है। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन डील किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हुए हैं अफ्रीका में, वो जो ज़्यादातर वो लीड किए हैं न्यू एलीट ने, जो कि वेस्टर्नाइज एजुकेशन लेके आए थे। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। कुछ अफ्रीकन थे, समझ लीजिए, वो गए दूर में देश विदेश, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, वहाँ से वो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, विदेशी पढ़ाई पढ़ के आए, फिर वो वापस देश में आए अपने। उन्होंने देखा कि देश में तो बहुत ज़बरदस्त कॉलोनियल जो है मास्टर्स ने वहाँ पे अपना सप्रेशन चला रखा है, रिप्रेशन चला रखा है, ऑपरेशन चला रखा है। तो अब उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मूवमेंट लीड किया जाए, अपने देश को आज़ादी दिलाई जाए। तो इसमें इन लोगों की अहम भूमिका थी। आपको पूरी बात इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के साथ ही घुमानी है। अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स मेंशन करें, आपको कुछ नाम याद हो वो मेंशन करें, तो आपके क्वेश्चन में सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे नाम ज़रूर मेंशन करें। तो आइए देखते हैं, पहले एग्जामिन की बात हुई है, तो आपको तह तक जाना है भाई। तह तक जाके जो भी उससे जुड़े हुए फैक्ट हों वो जुटा के लाएँ, वो यहाँ पर लिखें और प्रॉपर इवैल्यूएशन करें कि किस तरीके से ये बात सही है या गलत है। इवैल्यूएट करें और उस आधार पर अपना जजमेंट दें। क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम। सबसे पहले तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की बात हो रही है वेस्ट अफ्रीका में। कह रहे हैं कि वो नए वहाँ के जो भी एलिट्स थे, ऐसे ऊपर के लोग थे, जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, वो लोग बाहर गए, विदेश में पढ़ाई करके आए, वापस लौटे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया है। अप्रोच इसमें रहेगी, पहले आप बताएंगे किस तरीके से इन लोगों का रोल था यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिलाने में, फिर उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। और फिर आपने यहाँ जो छोर पकड़ा है कि हाँ भाई इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान ज़रूरी था, वो यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत बनाए, कि इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए ये बात मैं साफ कह सकता हूँ कि हाँ ऐसे वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट अफ्रीकन्स का यहाँ पे योगदान बहुत ज़रूरी था। देखिए मैंने क्वेश्चन में शुरू ऐसे किया है, मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एरा था उसमें कुछ नई क्लास इमर्ज हुई अफ्रीकन्स की, जो क्या कर रही थी, जो बाहर से एजुकेशन लेके आ रही थी और अफ्रीका में आके, बेसिकली वेस्ट अफ्रीका में आके वहाँ पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को लीड कर रही थी। इसके इससे हुआ क्या, जो कॉलोनियलिज्म था वहाँ पे वो धीरे 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 ख़त्म हुआ। कॉलोनियलिज्म को देखा कैसे गया कि वो ह्यूमिलिएशन है, एक एक्सप्लॉयटेशन है, और जो वाइट कॉलोनियल मास्टर्स है वो वहाँ पे मौजूद जो भी ब्लैक क्लास थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे। इस वजह से ये जो नई क्लास इमर्ज हुई, इसने देखा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसने उनके आग एक जलाई है अपनी, उनके सीने में एक आग लगाई है जिससे वो आगे बढ़े। उन्होंने मेजर रोल लिया, उन्होंने झंडा पकड़ा, उन्होंने कहा आज हम आज़ादी दिलाएंगे। तो ये उन लोगों की बात है। मैंने एग्जांपल्स लिए, फिर मैंने क्या एग्जांपल्स को छोटे छोटे एरियाज में तोड़ लिया, जैसे कि गोल्ड कोस्ट, जैसे कि नाइजीरिया, और वहाँ पर जो भी प्रसिद्ध वेस्टर्न एलीट था उसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। जैसे कि मान लीजिए पहले गोल्ड कोस्ट, भाई ये कोई पहली ब्लैक अफ्रीकन स्टेट थी जिसको इंडिपेंडेंस मिला वर्ल्ड वॉर टू के बाद। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल था इनका, डॉक्टर क्वामे नक्रुमाह। तो ये जो है ये लंदन में पढ़ के आए थे, यूएस में भी पढ़ के आए थे, वहाँ से फिर यहाँ पे आके ये इमर्ज हुए एज अ लीडर। इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा एजिटेशंस किए, उसके बाद बहुत मेजर रोल प्ले किया गोल्ड कोस्ट की इंडिपेंडेंस में, जो 1957 में आई थी, और बाद में इन्होंने रीनेम किया उस कंट्री को घाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये कंट्री, ये जो है वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री। क्वेश्चन हमसे दो तीन बातें पूछ रहा है, देखिए मैं तोड़ूँ अगर तो पहले वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में बात करनी है आपको, उसके अलावा दूसरी बात करनी है आपको वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए जो भी एलीट क्लास आई है। तो ये देखिए मैंने बताया लंदन और यूएस में पढ़ के आए हैं, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए हैं, फिर उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया और फ्रीडम दिलाया। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा नाइजीरिया को ले लीजिए, नाइजीरिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, रीजनल डिफरेंस थे वहाँ पे, जातिवाद थी, डाइवर्सिटी की समस्याएं थी, और ट्राइबल्स इतने ज़्यादा थे कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। अब यहाँ पे एक जो इनका नाम सामने आता है, नामदी अजिकीव, ये यूएस में शिक्षा ग्रहण करके आए थे, वापस आके इन्होंने 1960 में नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। फिर अपन चलते हैं गिनी और बिसाऊ पे। तो यहाँ पे एमिलकार कबराल का नाम सामने आता है, पोर्चुगल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, और उसके बाद इन्होंने पोर्चुगल से ही अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाई। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया इंडिपेंडेंस के लिए अपने देश के,
और ये एक इंस्पिरेशन की तरह सर्व हुए बाकी लीडर्स के लिए जिन्होंने अपने अपने कंट्री में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को लीड किया है। फिर मैं बात करता हूँ सेनेगल और आइवरी कोस्ट की, तो यहाँ पे भी कुछ इंडिविजुअल्स थे जैसे कि एक लियोपोल्ड थे, एक फेलिक्स थे, तो इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट में पार्ट लिया है और अपने देश को आज़ादी दिलाई है। बाद में इसी तरीके से सियरा लियोन जो था 1961 में उसको आज़ादी मिली, गाम्बिया को 1965 में आज़ादी मिली, और वहाँ पे भी वेस्टर्न एजुकेटेड यूथ का बहुत अहम योगदान था जो खुद अफ्रीकन्स ही थे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा, आपने एग्जाम्पल्स दिए, कहीं आपका सवाल गलत नहीं हो सकता क्योंकि आपने अपने बुनियाद रख दी, आपने उसको सबूत दे दिए कि भाई ये देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, तो अब गलत नहीं हो सकता आंसर, मार्क्स कटने का स्कोप इसमें कम हो गया। फिर उसके बाद कंक्लूड मैंने कर दिया कि अब इसी आधार पर ये बात डिड्यूस की जा सकती है कि हाँ ऐसे अफ्रीकन्स जो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए थे उन्होंने अहम रोल प्ले किया अपने देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये आपने क्वेश्चन को जो मैंने छोर पे पकड़ा था उसी छोर को यहाँ पे मजबूती दे दी। और क्यों दी मजबूती? क्योंकि क्वेश्चन में मैंने यही पक्ष रखा था। और कैसे दी मजबूती? मैंने इन एग्जांपल्स के तहत मजबूती दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है कल्चरल डाइवर्सिटी को भारत के। अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने ग्लोबलाइजेशन के एल्डर्स पे इफेक्ट देख लिए, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इसके, ग्लोबलाइजेशन के हमने वेमेन पे इफेक्ट देख लिए, आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है कल्चरल डाइवर्सिटी पे। तो आप ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन कितना हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके जितने भी पक्ष हैं आप पढ़ लीजिए, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे इसने क्या रोल प्ले किए हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, वो सब पढ़िए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका ग्लोबलाइजेशन से भिड़ता है तो हम लोग उसी नॉलेज के आधार पर इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत 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 इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को, इसको एक्सप्लेन कीजिए। करना क्या है, आप दुनिया भर की चीज़ें पकड़ लीजिए कि भाई अगर फूड का एग्जांपल ले तो देखिए आज भारत में पिज़्ज़ा चलता है जो कि इटालियन है, चाइनीज़ में चाउमीन खाते हैं आप, मंचूरियन खाते हैं वो चाइना से है, उसके अलावा आप कोई और चीज़ पकड़ें और कहीं होगा, अगर आप बिरयानी पकड़ें या कुछ पकड़ें तो ये मुगलाई फूड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाहर से आई हैं और आके हमारे देश में इन्होंने बिल्कुल अपना घर जैसा स्थापित कर लिया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा को भी बहुत पसंद किया जाता है, चाउमीन को बहुत पसंद करते हैं, बिरयानी को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फ़र्क है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन में क्या है, गुड्स सर्विसेज कल्चर एक कंट्री के और दूसरी कंट्री के बीच में एक्सचेंज होते हैं, तो ये हमने अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीज़ें ली। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा। अब देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अपन समझते हैं, इसमें एक्सप्लेन की बात की गई है तो आपको बहुत विस्तार में जाकर डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन तोड़े तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है क्वेश्चन। कह रहा है कि जो कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको ग्लोबलाइजेशन ने कैसे असर किया है और किस हद तक असर किया है। तो देखिए इसमें अप्रोच ये रहेगी, पहले आप बताएं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, फिर ये डाइवर्सिटी पे किस तरीके से असर डाल रहा है, और डाइवर्सिटी भी कौन सी है आपकी बात करनी है आपको कल्चरल डाइवर्सिटी की। उसके बाद कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में बताएं क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। हर चीज़ में प्लस माइनस तो होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ माइनस भी लिख दें। फाइनली आप एक ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक अपना कंक्लूजन दें और जो आपने यहाँ पे बात पकड़ी है, जो पक्ष आपने रखा है, उसी को यहाँ पे मजबूती प्रदान करें। और मजबूती आपके इस पार्ट से ऑलरेडी आ चुकी है, आपने बताया है कि हाँ कल्चरल डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे सॉलिडिफाई कर दिया। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को पहले मैंने डिफाइन किया है क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे एक्सचेंज होता है किसका, आइडियाज़ का, लोगों का, कल्चर का, उनके सामान का और उनकी सर्विसेज का। और ये क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं सभी ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं, और इससे क्या होता है, अब मान लीजिए भारत में अगर चाइना का कोई या यूएस का कोई आइटम आ रहा है तो यूएस का जो कल्चर एक्सपैंड हो रहा है, देश विदेश तक जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन इसमें भी जो है बहुत हेल्प करता है आपके कल्चर को एक्सपैंड करने में। और उसके बाद एक ये प्रोसेस है, ये एक सिग्निफिकेंट ट्रेस छोड़ देता है, एक अपनी पीछे छाप छोड़ देता है भारत के कल्चर पे, भारतीय कल्चरल डाइवर्सिटी पे, भारत की सांस्कृतिक विविधता पे। तो ये जो चीज़ें हैं
यही अपने क्वेश्चन में हमको एड्रेस करनी है। ये मैंने यहाँ पे पकड़ लिया अपना पक्ष कि भाई हाँ, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब कैसे करता है मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, पहले लिंग्विस्टिक की बात करते हैं अपन। इसको मैंने छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया। कल्चर में लैंग्वेज आती है आपकी, आपका फूड आता है, आपकी वेशभूषा आती है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैंने सबसे पहले लैंग्वेज पकड़ा। इससे क्या है, मेरे जो आंसर है उसको हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा रीच मिल जाती है। लैंग्वेज पकड़ा आपने, उसके अलावा आपने फूड पकड़ लिया, आपने अपनी जो है ड्रेसिंग सेंस पकड़ लिया, आपने अपनी वेशभूषा पकड़ ली। तो देखिए, इस इतने एंगल से आप डिस्कस कर रहे हैं। अगर वहीं पे आप सिर्फ एक लैंग्वेज ले लेंगे और उसके बारे में बात करते रहेंगे तो आपका आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। आपके आंसर को आपको बहुत विस्तार में बताना है कि ये देखिए मेरी यहाँ तक पहुँच है, इतनी नॉलेज है मुझे, तो ये सब आपको यहाँ पर दर्शानी है। तो हर एक एंगल लें, उसको छोटा छोटे में डिस्क्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ली लैंग्वेज। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, एक सेंट्रलिस्ट लैंग्वेज बना दी है। जो सेंट्रल लैंग्वेज जनरली क्या आपकी रीजनल लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है, जैसे कि आजकल इंग्लिश है। तो आप देखें, आजकल हर एक घर में लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते वो सीखते हैं कि हम लोग इंग्लिश में बात करें। हालांकि आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन लोग सोचते हैं क्यों ना हम इंग्लिश में अपना जो है धाक जमाएं, उसको स्ट्रांग बनाएं। तो ये जो है एक चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। ग्लोबलाइजेशन से एक लैंग्वेज है जो भारत में आ गई है, जिससे अब भारत के लोग अगर इंग्लिश सीख पाएंगे तो वो आगे अगर कल देश विदेश में जाते हैं, किसी से बात करनी पड़ती है, तो वो आराम से कर पाएंगे। तो ये जो असर है ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे ग्लोबलाइजेशन ने डाला है। और दूसरी बात, आज के ज़माने में अगर आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं किसी बड़ी MNC में, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो आपके इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं। तो ये जो चीज़ है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इस तरीके से भारत के लिए हेल्पफुल भी साबित हुई है। फिर अपन कास्ट की डाइवर्सिटी समझते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के आने से एक कास्ट का जो एम्फेसिस है वो थोड़ा कम हो गया है। आज भी प्रेवलेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन कम हो गया है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पर आज भी एग्जिस्ट करती हैं, हालांकि कास्ट पे एम्फेसिस थोड़ा कम हो गया है। रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे ऐसे पुरानी परंपराएं थी, पुरानी प्रथाएं थी जो असहनीय हैं, जो आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं। जैसे कि देवदासी, जिसमें आप अपनी घर की महिला को, अपनी बच्ची को टेम्पल में दान कर देते थे, जिससे कि वो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के सोर्स की तरह यूज़ की जा सके, उसको डांस कराया जा सके। तो वो परंपरा, ट्रिपल तलाक की पर्दा सिस्टम, सती प्रैक्टिस, ये जो है पुराने समय में प्रेविलेंट थी, लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया इस वजह से इनकी जो है थोड़ी सी प्रेविलेंस कम हुई है। अच्छी बात है ये। उसके अलावा लोग और रिलीजन, दोनों के दोनों, हर धर्म और वहाँ के लोग ये समझने लगे हम हमको बड़ा माइंड सेट रखना पड़ेगा, नैरो माइंडनेस से काम नहीं चलेगा, छोटी सोच नहीं रखनी है, वो थोड़े लिबरल हुए हैं। फूड की डाइवर्सिटी हमने क्वेश्चन की शुरुआत में बात की है। देखिए, अब चाइनीज़, इटालियन, मुगलई, कितने सारे आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके दरवाजे पे अवेलेबल हैं, डोर स्टेप्स पे आपके आ जाते हैं आज। तो ये कैसे हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन का असर है। इटली से फूड आ रहा है आपके पास, चाइना से फूड आपके पास आ रहा है, मोमोज जो आ रहे हैं तिब्बत चाइना इस तरफ से आ रहे हैं। तो आप देखिए कितने ज़्यादा आपके पास डाइवर्सिटी हो रही है। क्लोथिंग की डाइवर्सिटी देखें, क्लोथिंग आप देखेंगे आजकल वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग हो गई है। अगर अब देखें तो कुर्ता पजामा या फिर धोती कमीज़ में बहुत कम लोग रहते हैं। आजकल लोग अपना जो कल्चर है उसको वेस्टर्नाइज्ड करते जा रहे हैं। तो ये कब संभव हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन ने इसको संभव बनाया। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने आपके सभी डाइवर्सिटी पे फ़र्क डाला है। ये जो पांचों पार्ट हैं ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी के ही हिस्से हैं। तो मैंने उसी के छोटे छोटे भाग तोड़ लिए और उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कुछ दिक्कतें तो हैं भाई। सबसे पहले क्या, लोकल कल्चरल जो हैं ट्रेड्स, वो सब कम हो गए, धीरे धीरे इरोड हो गए। अब आजकल कंज्यूमरिज्म की भावना बढ़ गई कि हम लोग तो जीन्स लेते हैं, सबसे महंगी जीन्स लेते हैं। किसी ने अगर 500 की जीन्स ली तो सामने वाला 800 की जीन्स लेगा, उसके सामने वाला 3000 की जीन्स लेगा। तो एक कंज्यूमरिज्म की भावना बढ़ गई है। पहले धोती कुर्ता लोगे आप तो कितने में, कितना फ़र्क होगा, 60 रुपये और 100 रुपये, इतना ही फ़र्क होगा। अब आजकल इतने फ़र्क आने लगे। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन की बात करें तो इसने इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया है। मतलब अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों के सोशल कैपिटल कम हो रहे हैं, जान पहचान लोगों की कम हो रही है। आज अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप अपने पड़ोसी को ही नहीं जानते। आपकी बिल्डिंग में अगर 10 लोग रहते हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3 लोगों से बात होती है। क्यों? क्योंकि सोशल कैपिटल कम हो रहा है, लोग खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये भी ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। लोकल ट्रेडिशंस जो हैं आजकल, देखिए आप जो भी त्यौहार होते हैं उनका उत्साह कितना कम होता जा रहा है। पहले के समय में दिवाली हो, होली हो, सब पूरी
एक साथ सब लोग मिलने आते थे आपके घर पे, मिठाइयाँ खाते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, पर वो ट्रेडिशन आजकल खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वेस्टर्न ट्रेडिशन में आ गए हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन की देन है। और आपके बहुत सारे और भी, जैसे कि वेस्टर्न ड्रेसिंग बढ़ रही है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो वहाँ पे हो रही हैं, आपकी जॉइंट फैमिली जो है वो ब्रेकअप हो रही है, लोग पैसा कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, माता पिता पीछे रह जाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है कहीं ना कहीं। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देखी। अब आप कंक्लूजन करें, कंक्लूजन करना है हमको सकारात्मक। इसी वाले पॉइंट से आप नकारात्मक कंक्लूजन ना करें, सकारात्मक करें। तो देखिए कैसे, ग्लोबलाइजेशन ने हालांकि लिबरलाइजेशन बढ़ाया है, कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाया है, हालांकि आइडिया जो है उसमें अभी भी कुछ कुछ जो है लूप होल्स हैं, कुछ फॉलआउट्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मॉनिटरी करें और इस चीज़ को फिर उसके बाद आप थोड़ा ध्यान दें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने पे, तो आपके लिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये ख़राब साबित नहीं होगा। आप अपनी कल्चरल भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी मल्टी लिंगुअल सोसाइटी, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, मल्टी कास्ट सोसाइटी, इन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ में आप ग्लोबलाइजेशन के भी अच्छे जो उसने एडवांटेजेस दिए हैं, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई देखिए, अगर आपको, अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी के लिए, अगर आपको पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो फिर ज़रूरी है गरीब लोगों को जो अलग अलग तरीके की डिप्राइवेशन है, कुछ चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना, उनके डिप्राइवेशंस को ख़त्म करना, तो ही आप गरीबी मिटा पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ डील करना है। यहाँ पे वर्ड है आपका सब्सटैंशिएट। सब्सटैंशिएट बराबर होता है डिस्कस के। डिस्कस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत गंभीरता से एग्जॉस्टिव बात करते हैं, विस्तार में बात करते हैं, लेकिन सटीक भी रहते हैं, और अपने आंसर को मजबूती देने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं, एविडेंस की मदद लेते हैं, और इससे हमारे आंसर को मजबूती मिलती है। तो अब क्वेश्चन को तोड़ते हैं छोटे भागों में। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है पॉवर्टी ख़त्म करनी है, इराडिकेट करनी है। तो कैसे होगी, जब आप गरीबों को किसी भी तरीके से वंचित ना रहने दें, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करें, तो डिप्राइवेशन हटाएं, तभी आपकी गरीबी ख़त्म होगी। इसके एग्जाम्पल्स आप लीजिए और उसके साथ अपने स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को रखिए। तो अगर मैं यहाँ पे अप्रोच बोलूँ, तो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मेंशन करके, जो पॉवर्टी के संदर्भ में है। ये आपके जो आंसर है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा चमक देगा। उसके बाद आप बताएं कैसे पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, उस वजह से लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। फिर उसके बाद आप अलग अलग एंगल लें, तीन चार एंगल लें, और उन सब पे बात करें कैसे पॉवर्टी और ये जो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं, आपके डिप्राइवेशन है, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। फाइनली एक होपफुल, एक उम्मीद के साथ आप इस क्वेश्चन को एंड करें, और अपने जो यहाँ पे आपने पक्ष लिया है उसी को सॉलिडिफाई करें, मजबूती दें। अब देखिए, शुरुआत में मैंने की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से जो पहला गोल है वो आपसे बात करता है पॉवर्टी को आपको ख़त्म करना है हर फॉर्म में और हर जगह से। तो ये देखिए, मैंने आपको याद करने के लिए फिगर लगाया, यहाँ पे नंबर वन गोल जो है वो पॉवर्टी के लिए है। तो अगर आपको ये पूरा चीज़ याद ना रहे तो आप इस इमेज को याद रखें, इससे आप लिख सकते हैं पहला गोल SDG का है पॉवर्टी रिमूवल। और दूसरी बात, फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज़ का उदाहरण लिया है कोपेहेगन डिक्लेरेशन का। इस डिक्लेरेशन में ये बताया गया था कि भाई पॉवर्टी जो है वो एक साथ बहुत सारी जो है डिप्राइवेशन को अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे कि ह्यूमन नीड्स, आप इनसे वंचित रह जाते हैं, खाना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इससे वंचित रह जाते हैं, आपको छत नहीं मिलती सोने के लिए, आपको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ये सब जो है, जो आपकी सभी तरीके के जो वंचित रहने वाले कारण हैं, ये किस वजह से हैं, ये है आपकी गरीबी की वजह से। और ये सब कहा गया था इस डिक्लेरेशन में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये मैंने अपने दो फैक्ट शुरुआत में ही मेंशन कर दिए, अपने आंसर को शुरुआत से ही मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया है। फिर मैंने बोला कि पॉवर्टी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है पॉवर्टी का कि गरीबी है, क्यों, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, नहीं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं गरीबी। हो सकता है वो पहले गरीब ना हो, वो अबव पॉवर्टी लाइन हो, लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई हों जिसके तहत उसने सारा पैसा लगा दिया, उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हुआ कि वो धीरे से उसी के चलते पॉवर्टी लाइन के नीचे सरक गया। तो शुरुआत में गरीब नहीं था वो। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, आप एक डायमेंशन में इसको नहीं बांध सकते, और इसमें सभी तरीके के जो आपके डिप्राइवेशन हैं उसको भी इसने एक साथ समेट रखा है। तो अब मैं ये बात करूँगा किस तरीके से आपके डिप्राइवेशन पॉवर्टी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया हेल्थ डिप्राइवेशन।
अगर आपकी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड नहीं होगा तो आप उतनी प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आज मैं हेल्दी नहीं हूँ और मेरे को आप बोल दें कि आप एग्ज़ाम दो जाओ, तो मैं एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जब लोग काम करते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो उनकी क्या है, वेजेस कम मिलती हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस वजह से आप पॉवर्टी की रेखा के नीचे सरक जाते हैं। दूसरी बात, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी तो आपकी मोर्टैलिटी कम होगी, आपकी मॉर्बिडिटी कम होगी, कम लोग जो है बीमारियों का शिकार होके मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा लोग ठीक होंगे। अगर हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी वर्कफोर्स है हमारी, तो हम लोग ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, देश, पूरा देश तरक्की करेगा, प्रोडक्टिविटी के तौर पे हमारी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी प्रॉस्पेरिटी होगी, अच्छा पैसा आएगा, इनकम आएगी, तो पॉवर्टी के ऊपर जाएंगे आप। लेकिन क्योंकि आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, आप उनसे वंचित रह गए, इसी वजह से आप पॉवर्टी की रेखा के नीचे सरक गए। तो देखिए, दूसरी अपन ने ये जो अपन ये बता रहे हैं कि कैसे आपकी हेल्थ एज अ फैक्टर, इससे आप वंचित रह गए तो आप पॉवर्टी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यही सारे एग्जाम्पल्स के तहत हम समझा रहे हैं। दूसरी बात आप देखें तो बहुत सारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि यूके, इसमें क्या हो रहा है, स्टेट अपनी खुद की ऐसी हेल्थ केयर स्कीम चलाता है जिससे कि सब लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधा मिल सके कम से कम पैसे में। होगा क्या, उसकी वर्कफोर्स बेहतर होगी। अगर वर्कफोर्स बेहतर हुई तो फिर देश का विकास अच्छे से होगा। हम लोगों ने भी कर रखा है, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये मैंने अपने देश के लिए भी कुछ बता दिया। फिर उसके बाद मैं एजुकेशनल डिप्राइवेशन की बात करता हूँ। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा एजुकेशन ना मिलने की वजह से आप में स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, भले ही वो प्राइमरी लेवल पे हो, उसके सेकेंडरी हो या फिर टेक्निकल हो, अच्छी स्किल्स डेवलप नहीं होने की वजह से आप अनएजुकेटेड रह जाएंगे। और एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंट, एज अ वर्क फोर्स आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होगा, कम लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में भर्ती करा जाएगा और लोगों को फोर्स किया जाएगा, ये एजुकेशन की जो बिल्कुल उनकी डिप्राइवेशन है, यही उनको फोर्स करती हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें। एक बार जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुस गए, वहाँ पे आपको बहुत कम वेजेस मिलती हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो इस वजह से आप फिर से पॉवर्टी लाइन में आप पहुँच जाते हैं। अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ तो ज़रूरत है आज लोगों को स्किल एक्वायर करने की, क्योंकि इंडस्ट्री की भी यही ज़रूरत है। इंडस्ट्री चाहती है आजकल स्किल्ड वर्कफोर्स, एजुकेटेड वर्कफोर्स। अगर आपकी एजुकेशन में आप किसी तरीके से वंचित रह गए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने नहीं आएंगी और आपकी अपने आप ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कमज़ोर होगी, आप गरीबी की तरफ पड़ेंगे। इंडिया में इसके लिए हमने कुछ कुछ स्कीम्स चालू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप मिशन, स्कॉलरशिप हम देते हैं माइनॉरिटीज़ को। तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, उसके बाद और भी कुछ स्कीम्स हैं जो आपकी इस पे एजुकेशन पे फोकस करती हैं। आज अब तो समग्र शिक्षा अभियान है आपका, तो ये जो है ये आपके इस तरीके से एजुकेशन से वंचित रहने को बचाती हैं। उससे क्या होगा, आप प्रोडक्टिविटी अच्छी कर पाएंगे और आप पॉवर्टी की रेखा के नीचे नहीं जाएंगे। उसके बाद अपन चलते हैं स्किल। अगर आदमी में स्किल नहीं होगी तो आज के युग में डिमांड है इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा स्किल की। एक स्किल्ड वर्कफोर्स अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ बाहर आएगी। तो आपकी स्किल नहीं होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप बेरोजगार रह जाएंगे, आपके पास पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अपने आप ही आप गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो देखिए, अगर आप स्किल्स से वंचित रह गए तो कैसे आप गरीबी की तरफ धकेल दिया गया आपको, तो ये एक और फैक्टर हो गया। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ लिखा है स्किल सेट जो आपको ज़रूरत है, उससे क्या है, उससे आपके एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ता है, देश की जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कुछ महीने मिल गया कुछ महीने नहीं मिला। उसके लिए भी हमने कुछ स्कीम चला रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको वेजेस प्रोवाइड करता है, हालांकि यहाँ पे आपके स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। उड़ान स्कीम जो कि माइनॉरिटी की तरफ फोकस्ड है। तो इस तरीके कुछ स्कीम्स हमने चला रखी हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी डिप्राइवेशन। अब देखिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन स्कीम नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है जो कि जनरल देखा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपके सेविंग रेट बहुत कम है, कोई सेविंग आपकी हो ही नहीं रही। तो अगर कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास पैसा निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप खुद सेव करें तो करें, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब जो स्कीम्स हैं ये आपकी सेविंग हैबिट को बढ़ाती हैं। अगर सेविंग हैबिट नहीं बढ़ी तो आपके पास कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप सीधे गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो ये भी समस्या है, इससे वंचित रह जाएं तो फिर आप गरीबी की तरफ धकेल जाते हैं।
उसके अलावा मान लीजिए हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कोई फंड नहीं है आपके पास, तो आपको पॉवर्टी की गोद में ये सरका देता है। इसके लिए भी हमने कुछ स्कीम चला रखी हैं, जैसे कि जीवन ज्योति, उसके बाद अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस के लिए और आपकी पेंशन के लिए। तो इन स्कीम से भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे इस तरीके की जो वंचितताएं हैं तो उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे डिप्राइवेशन को हटाया जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो रिसोर्स का डिप्राइवेशन, अगर आपको रिसोर्स नहीं मिलेगी, कैपिटल नहीं है, तो आप कैपिटल के बिना कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, छोटा मोटा भी। अगर आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे तो फिर आप बैठे रहेंगे, कोई जॉब नहीं लग पा रही, बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो उससे भी आप पॉवर्टी की तरफ और ज़्यादा पुश हो जाएंगे। फिर हम सोशल डिप्राइवेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कई जगह क्या होता है, कास्ट और सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं, मतलब लोगों ने बांट रखा है कि ये कास्ट यहाँ पे, ये कास्ट यहाँ पे, इस तरीके की जो मानसिकता है उसके तहत आपको प्रोफेशन में चॉइस जो आप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप मान लीजिए इस स्ट्रेटा ऑफ द कास्ट के हैं, इस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के हैं, और किसी का मानसिकता ये है कि अगर अगर आप निचली कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपसे एक पर्टिकुलर काम ना कराया जाए, आज भी भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो उसके बाद आपके सामने फिर से बहुत सारे डिप्राइवेशन आ जाते हैं। आपको फिर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको छोटे मोटे मेनियल वर्क करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको गिना चुना पैसा मिले, फिर आप पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ निकलेंगे। तो ये भी जो डिप्राइवेशन है ये भी आपको पॉवर्टी की तरफ धकेलता है। ज़रूरत क्या है आज देश में, ज़रूरत है सोशल इक्वालिटी की, सोशल इक्विटी की। सभी लोगों को सेम नज़र से देखें, सभी लोग बराबर हैं, कोई कास्ट डिफरेंस नहीं है, और तभी देश आपका तरक्की कर पाएगा। फाइनली कंक्लूड करेंगे अपन इस पे कि ट्रुथ तो ये है कि कोई भी डिप्राइवेशन अकेले काम नहीं करता, सारे डिप्राइवेशन आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन में आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपकी स्किल्स नहीं बढ़ी, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि एक मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच निकाली जाए जिससे आप सभी चीज़ों को एक साथ टैकल कर पाएँ और इन डिप्राइवेशन से ओवरकम कर पाएँ, और पॉवर्टी की तरफ आप जो बढ़ रहे हैं वो आप उस तरफ रुक पाएँ, आगे ना बढ़ें, और पॉवर्टी हम अपने देश से मिटा पाएँ। और साथ ही साथ हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला गोल है, हम उसको भी मीट कर पाएँ। तो ये आप कुछ कुछ तरीके से, इन तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसमें आपने बहुत सारे एंगल्स बनाए, फायदा ये होगा इस एंगल से आपके आंसर की जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये बहुत बड़ी हुई दिखेगी, ये आपको वहां पे एक्स्ट्रा मार्क कभी भी दिला सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जो अगला सवाल है वो कहता है कि भारत में जो ट्राइबल्स हैं उनको हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहते हैं, ये शेड्यूल वर्ड कहाँ से आया, और उसके अलावा इंडिकेट कीजिए कि हमारे संविधान में कौन कौन से बड़े बड़े प्रावधान हैं विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल ट्राइब्स और उनके अपलिफ्टमेंट से। तो आपको ये बताना है। यहाँ पे यूपीएससी ने अपने आप ही जो आंसर है उसमें जो मार्क्स दिए गए उसका ब्रेकअप दिखा दिया कि जो पहला भाग है उसको 4.5 मार्क्स दिए हैं हमने और दूसरे भाग को 8 मार्क्स दिए हैं। तो इस हिसाब से आपको आंसर भी वैसे ही करना है। आइए तो चलते हैं इसके आंसर पे। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन ब्रेक करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में ट्राइबल्स हैं उनको क्यों हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। सबसे पहली पार्ट ये, इसको आपको 4.5 मार्क्स के हिसाब से ही टैकल करना है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में ना बताएं, थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं, फिर उसके बाद रुक जाएं। आपको अच्छे नंबर भी स्कोर करने हैं और साथ में आपको कंटेंट का भी ध्यान रखना है। ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका करीब 8 नंबर का है, तो इसमें आप ज़्यादा समय व्यतीत करें, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। अप्रोच आपकी इसमें रहेगी, पहला पार्ट मैंने लिया है कि क्यों इन ट्राइब्स को कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, दूसरा पार्ट पूरी तरह मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे फोकस किया है क्योंकि वो इसका मेजर पार्ट है, वो आपका 8 मार्क्स का है। तो देखिए, शुरुआत में मैंने लिखा है कि भाई जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तो उस समय एक इशू उठ के आया, इशू था कि किस तरीके से हम ट्राइबल्स के डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो भाई इसके लिए कुछ कुछ लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ बताई, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ट्राइबल्स हैं तो उनका अपना खुद का कल्चर है तो इसलिए उनको एकदम अलग कर दो, उनके पास कोई आदमी जा नहीं सकता, उनका कल्चर किसी और के पास बाहर नहीं आया, तो यही एक तरीका है उनका कल्चर प्रिजर्व करने का। कई लोग ने दूसरा ग्राउंड पकड़ा, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि ट्राइबल्स को भी हम में ही शामिल कर लो,
तो ये कह रहे हैं कंप्लीट एसिमिलेशन, मतलब हम लोग ट्राइबल सब एक साथ हो जाएं, फिर उनका कल्चर धीरे धीरे चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर उन तक आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन उनको और बेहतर स्थिति में ले आएगा। हालांकि ये दोनों के दोनों जो बातें हैं, आपको ये पता पड़ रहा है कि दोनों एक्सट्रीम है, एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, ये दो बहुत एक्सट्रीम बातें हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉलिसी का इजाद किया, पॉलिसी थी ट्राइबल पंचशील पॉलिसी। पंचशील मतलब इसमें 5 पॉइंट्स हुआ करते थे, जिसमें थे 5 पॉइंट, और ये बेसिकली ट्राइबल्स को एकदम बीच में रखते थे, ना इनको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करना है ना इनको बिल्कुल एक्सक्लूड करना है, फिर भी इनका कल्चर प्रिजर्व करना है, तो उसके ऊपर थी ये पॉलिसी। और यही पॉलिसी आगे जाके अल्टीमेटली ट्राइबल्स का कल्चर प्रिजर्व करने और उनके डेवलपमेंटल प्लान्स को तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। एक बार हम लोग इस पंचशील पॉलिसी को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये पंचशील पॉलिसी आपके दिमाग में फिट हो गई तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है आपकी पंचशील पॉलिसी जो फोकस करती थी ट्राइबल्स पे। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई पॉलिसी थी, इसका मेन एम क्या था कि आपको ट्राइबल्स जो हैं उनको अपलिफ्ट करना है, उनमें धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन लाना है, ध्यान रखिए धीरे धीरे ही लाना है, और उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। तो पंचशील मतलब पांच पांच पॉइंट्स को लिए हुए, तो ये हैं आपके वो 5 पॉइंट्स। सबसे पहले तो नॉन इम्पोजिशन, कि आपको कोई भी जो बाहरी वैल्यूज़ हैं उन पे थोपनी नहीं है, उनकी खुद के वैल्यूज़ हैं, उनके खुद के कल्चर हैं, तो उनकी संस्कृति उनको प्रिजर्व करने दो, बाहरी संस्कृति उन पे थोपो मत। दूसरा पॉइंट था लैंड एंड राइट्स, उनकी ज़मीन और उनके अधिकार, उनके ज़मीन के उनके अधिकार की आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट करिए, उन सबका आदर करिए, ना उनसे उनका लैंड छीनिए ना उनसे उनके अधिकार छीनिए। तीसरी बात, ट्राइबल्स को एक छोटी छोटी टीम में आप बांट दीजिए, और उसके बाद उस टीम को आप ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे अपने खुद के एरिया को एडमिनिस्टर करना है। फिर उसके बाद आप ऐसे एरिया को ओवर एडमिनिस्टर ना करें, मतलब उनमें उतने में सिर्फ उतनी ही स्कीम लाए जितनी की ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्कीम लाने से एरिया ओवर एडमिनिस्टर होगा और वहाँ पे ज़बरदस्ती का इंट्रूजन, ज़बरदस्ती के लोग अंदर आएंगे तो वहाँ के लोग भी परेशान होंगे, तो ट्राइबल्स को इस तरीके से परेशान ना करें। फाइनली इन सब का जो रिजल्ट आएगा उसको आप सिर्फ नंबर के आधार पर जज ना करें कि भाई ट्राइबल्स में लिटरेसी सिर्फ 10% बढ़ी, 5% बढ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको जज करें कि उनका ह्यूमन कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ, उनके चरित्र में क्या चेंजेस आए, किस तरीके से वो आज बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। तो ये हुई आपकी पंचशील पॉलिसी। तो दोस्तों आपको याद करने के लिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, जैसे आप ट्राइबल्स का नाम सुने वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल मतलब सफ़र करना। तो याद ऐसे रखेंगे, टी से आप रखेंगे ट्रेनिंग, तो यानी कि जो आपके छोटे छोटे टीम्स बनाई हैं उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे अपने एरिया को एडमिनिस्टर करें। आर से आपका बनेगा राइट्स, आप उनके राइट्स को ध्यान में रखें, उनसे उनके अधिकार छीने नहीं। ए से बनेगा कि उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसको ओवर नहीं करें, तो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, जो कि आपका चौथा पॉइंट है। वी से बनेगा उनके वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़ का पूरा ध्यान रखें, बाहर की संस्कृति को उनके ऊपर थोपे नहीं। ई से आपका बनेगा इवोल्यूशन, आप जो उनका जो आप रिजल्ट्स देखें वो ह्यूमन कैरेक्टर के इवोल्यूशन पे देखें, कितना उनमें विकास हुआ है, कितना उनके चरित्र में विकास हुआ है, इस चीज़ को मद्देनजर रख के देखें। और एल से फिर आपका हो गया लैंड, जो कि आपके आर से कॉमन है, आपको इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़ आ जाए, राइट और लैंड, तो दोनों आर और एल दोनों को ही हमको प्रिजर्व करके रखना है। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे अगर मेंस में आप जाएं तो आपको ये, अगर ट्रैवल करके ये वाला एब्रिविएशन याद रह गया, ये ट्रिक याद रह गई, तो आप ये 5 पॉइंट्स को वहाँ पे अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और पंचशील पॉलिसी के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो आइए अब वापस चलते हैं अपने आंसर पे। तो भाई ये हमने डिस्कस कर लिया, फिर दो एक्सट्रीम पॉइंट के चलते JLN ने बोला कि भाई मेरे पास एक पॉलिसी है जिसको बोला मैं पंचशील पॉलिसी। ये पंचशील पॉलिसी में मेरे पास 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट से मैं चाह क्या रहा हूँ,
ट्राइबल्स का मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन धीरे धीरे हो, और साथ में उनके खुद के कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखें, उस पर कैसी भी करके आँच ना आने पाए। तो अब क्या था भाई, अब ये जो पॉलिसी बनाई है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको ये तो ज़रूरी है पता लगाएं कि ट्राइबल है कौन कौन, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल ज़रूरी है। अब ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको रखना पड़ेगा आपको एक शेड्यूल में। तो आपने ट्राइबल, आपने बोला कि भाई जो भी इस वाले शेड्यूल में है वो सब मैं ट्राइबल्स घोषित करता हूँ। तो क्योंकि इन ट्राइबल्स को इस शेड्यूल में रखा गया इसीलिए इनको बोला गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस शेड्यूल में रखी गई ट्राइब्स। तो ये आपने पहले क्वेश्चन के भाग को आंसर किया। अब दूसरा भाग, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशनल और कल्चरल सेफ गार्ड्स हैं। आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज कहता है कि इनके एडवांसमेंट के लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं। आर्टिकल 29 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में, इंक्लूडिंग ST। आर्टिकल 46 जो है वो DPSP से बात करता है, वो कहता है आप एजुकेशन को प्रमोट करें, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। उसमें दोनों का जिक्र किया गया है, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 350 कहता है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपनी संस्कृति, इन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 350 का ही ये कहता है क्लॉज कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो आपकी मातृभाषा में दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सेफगार्ड्स दिए गए हैं कुछ आर्टिकल 244 में, आर्टिकल 275 में। ये आपको कुछ नहीं, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है वो एज इट इज़ आपको लिखना है, लक्ष्मीकांत की बात है। फिर पॉलिटिकल सेफगार्ड में 164 का एक हो गया जो कुछ स्टेट्स से डील करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इनमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर होना चाहिए। 330 आर्टिकल है सीट्स का रिजर्वेशन, 337 आर्टिकल है ये भी सीट्स का रिजर्वेशन, लेकिन ये है स्टेट में और ये है लोकसभा में। 243 आर्टिकल जो है वो पंचायत की बात करता है। 371 आर्टिकल बात करता है महाराष्ट्र की, गुजरात की, नागालैंड की, आसाम की, मणिपुर की, सिक्किम की, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट्स को जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन अच्छी है। फिर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, आर्टिकल 338 के तहत दो है, जिसमें एक आपकी नेशनल कमीशन बननी चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स की। और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ और सेफगार्ड्स मिले हैं, जैसे कि आर्टिकल 23 के अंदर ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, बेगारी अलाउड नहीं है, किसी से आप बंधुआ मजदूर की प्रैक्टिसेस प्रीवेल करवाएं वो अलाउड नहीं है। तो इस तरीके के आर्टिकल 23 में दिया गया है, हालांकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सब में अगर आप सबका अगर गोला बनाएं तो उसमें शेड्यूल ट्राइब भी तो आती है, तो शेड्यूल ट्राइब को भी एप्लीकेबल है। तो ये आप अपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने के लिए इन दोनों को भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जहाँ पे आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। ये आपका एज इट इज लक्ष्मीकांत से है, मैंने बस बताया कि कैसे इसको स्ट्रक्चर करना है, कैसे इसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल और आपने शुरुआत में एजुकेशनल, कल्चरल किया, ऐसे कैसे इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर के मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए, इसको इस तरीके से करिए, एक तो हो सकता है कि आप सीधे सारे आर्टिकल लिखते चले जाएँ, उससे बढ़िया रहेगा आप इसको सब हेडिंग्स के अंदर लिखें, तो इससे एग्जामिनर को आसानी रहेगी पढ़ने में कि भाई इसमें कौन से आर्टिकल हैं, इसमें कौन से आर्टिकल हैं, इसमें कौन से आर्टिकल हैं, और सिर्फ ऊपर की एक वर्ड देख के समझ जाते हैं 44 आर्टिकल कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात कर रहा होगा, 275 आर्टिकल फिर से इकोनॉमी की बात कर रहा होगा, तो आसान हो जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप बताइए कि आज के समय में अर्बन लाइफ है, जो शहरों की जो जिंदगी है, जो भारत में नगरीय जीवन है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्या खराब है, क्या वो अच्छा है, क्या पॉल्यूशन से भरा हुआ है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, इन चीज़ों पे प्रकाश डालें। उसके बाद आप बताएं एक प्रोग्राम के संदर्भ में, जो कि है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, इसके संदर्भ में बताएं क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो इस प्रोग्राम में मेंशनड है। तो यहाँ पे कीवर्ड आपका कुछ है नहीं, आप क्वेश्चन को तोड़ते हैं छोटे हिस्सों में, क्वेश्चन निकल के आता है दो भागों में। सबसे पहले तो अर्बन लाइफ की क्वालिटी क्या है, सबसे पहले वो यही पूछ रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या ऑब्जेक्टिव और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की। तो इन दो क्वेश्चन को आपको डील करना है। अप्रोच साधारण रहेगी, शुरुआत में आप अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ डेटा मेंशन करें, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स मेंशन करें, जैसे कि सेंसस के समय बताया गया था 2011 में कि जो हमारे भारत में अर्बनाइजेशन है वो 31% के हिसाब से बढ़ रहा है अभी। लेकिन कुछ अगर मैं रिपोर्ट्स देखूं, जैसे प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स आई थी कोई, जिन्होंने कहा था कि अब वो 34% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यानी कि इस दौरान ही 3% इंक्रीज़ हो गया है। तो ये एक रिपोर्ट है, डेटाज हैं। उसके बाद अभी क्या हालात हैं, क्या सिनेरियो है
अर्बनाइजेशन को लेके भारत में, उसके बाद आप बताएं क्या समस्याएं हैं अर्बनाइजेशन की, जो लोग इतने ज़्यादा शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उससे कुछ समस्याएं तो कॉज हो रही हैं, तो क्या है वो। उसके बाद आप बताएं कि भाई स्मार्ट सिटी एक सल्यूशन की तरह कैसे यूज़ में आ सकता है इन सभी समस्याओं के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यही दोनों क्वेश्चन के भाग हैं। देखिए क्वेश्चन पहला भाग तो ये है, दूसरा भाग ये है, दूसरे भाग के अंदर भी दो भाग हैं। फाइनली आप कैसे कंक्लूड करेंगे, आप जोड़िए कि स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकता है, तो इन दो एस्पेक्ट्स को आप जोड़ दीजिए, आपका एक अच्छा आंसर उभर के सामने आ जाएगा। देखिए सबसे पहला मैंने पॉइंट लिया है कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2018, जो ये रिपोर्ट थी इसके आधार पे ये देखा गया कि 34% जो भारत की पॉपुलेशन है ये अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि इतने लोग अब शहरों में रहते हैं, गांव छोड़ के शहरों में रहने लगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 2011 के सेंसस की, तो मैंने बताया आपको ये 31% था डेटा, तो यहाँ से यहाँ तक ही अगर आप देखें तो अभी 3% की बढ़ोतरी हो गई है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक एक और रिपोर्ट में कह रहा है, जो कि रिपोर्ट थी साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में, ये पैटर्न कहता है कि मेसी है, मतलब बहुत हैपहज़र्ड है, बहुत बुरी तरह से बसावट है, और हिडन है, मतलब बहुत सारे पीछे जो हैं इसके चैलेंजेस छुपे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ चिंताएँ छुपी हुई हैं, तो वो अभी छुपी हुई हैं, हिडन है, और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हैपहज़र्ड है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है, तो इस तरीके की अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। अब देखिए फिर उसके बाद मैं बॉडी पे आता हूँ, मैंने आज के हालात बताए, सेंसस 2011 मुझे कहता है कि भैया अभी तो 31% के हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन की ओर, लेकिन 2040 आने दो ये 50% कर देंगे हम, तो ये बहुत चिंताजनक बात है भाई। अगर इतने लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे तो पहले ही जो शहर हैं वो पहले ही ओवरक्राउड हो रहे हैं, वहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं रही, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनको स्लम्स में रहना पड़ रहा है, उनको झुग्गी झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा है, वहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला भविष्य उज्ज्वल नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ में आप ये भी चीज़ ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, बहुत अव्यवस्थित है ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बहुत अनवॉरेंटेड है, जो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ग्रोथ हो रही है, तो इसकी वजह से अर्बन एरिया जो हैं, जो आपके शहर हैं, वो धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, तो इनकी क्या समस्याएं हैं। देखिए स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, मैंने बोला झोपड़पट्टियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर उनको ज़मीन पर सोना पड़ता है, बहुत ख़राब इलाके में सोना पड़ता है, हाइजीन का कोई स्कोप नहीं है, तो बीमारियाँ उनको कैच कर लेती हैं, बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। वहाँ की सिविक एमिनिटीज़ के बारे में बात करूँ, पानी के बारे में बात करूँ, खाने के बारे में, शेल्टर के बारे में, आपके सर के ऊपर के छत के बारे में बात करूँ, तो ये सब एडिक्वेट नहीं है, इनफ नहीं है अगर आपको सस्टेन करना हो तो। और ये बेहतर क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि भाई जो आपकी अर्बन लोकल बॉडी है, जो आपकी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उसको आप इनफ रुपया नहीं दे रहे। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप खुद की हालत कैसे सुधारेंगे और दूसरे की हालत कैसे सुधारेंगे, तो इसलिए आप कैसे भी करके हालत में सुधार नहीं ला सकते, तो ये है आपके इनएडिक्वेट फंडिंग की वजह से। उसके बाद इलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, आपको पता है मान लीजिए नदी बह रही है तो लोगों को दिखता है कि यहाँ पे इलाका भाई अच्छा है रहने के हिसाब से, तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाता है धीरे धीरे करके, यहाँ पे झोपड़पट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ पे इन सबको अपने प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, अपने जो भी आपके पास कैपिटल गुड्स हैं उनका नुकसान होता है, आपको अपने जान माल का नुकसान होता है, तो ये समस्या है। और इसी सब के चलते भाई अब देखिए इतने ओवरक्राउडिंग है, इतने जॉब तो जनरेट होंगे नहीं, और अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा है लेबर की, मेरे को हर जगह लेबर अवेलेबल है मेरे लिए, तो भाई मेरी डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे। अब आपको 50 रुपये में अगर कोई काम करने को तैयार है तो दूसरा आदमी 30 रुपये में भी तैयार होगा, कि उस वो सोचेगा 30 रुपये में खाना तो आएगा दिन भर का, तो इसलिए जो वेज है वो कम होती जा रही है, उतने कम वेज में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो अब आपको क्या, अभी धीरे धीरे लोग क्राइम का सहारा लेने लगते हैं। ये सब समस्याएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप माइग्रेट कर रहे हैं, शहर में ओवरक्राउडिंग हो रही है, ओवरक्राउडिंग हो रही है, तो उसके बाद क्या, अब इतनी ख़राब जगह पर आप रह रहे हैं कि आपकी हेल्थ को खतरा है,
फिर उसके बाद इतनी सारी लेबर सप्लाई है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा। मेरे को मान लीजिए कुल मिला के 30 रुपये मिल रहे हैं खाने पीने के लिए, उतने में क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रह रहा हूँ तो मेरे परिवार में किसी को कोई बीमारी लग जाए तो मेरे पास उसका इलाज कराने के पैसे नहीं है तो मैं क्राइम की तरफ बढ़ूंगा, मेरे पास और किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है तो मैं क्राइम की तरफ बढ़ूंगा। तो इस तरीके से क्राइम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। उसके बाद आपने जो अर्बन लोकल बॉडी है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको आपने इनफ पावर नहीं दी जो वो लोगों का भला कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है और कंजेशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, आप देख रहे हैं कितनी दिक्कतें हैं। इसी सब के चलते सरकार ने सोचा भैया अब वक्त आ गया कि एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए, इससे अपने शहरों को स्मार्ट बनाया जाए, इससे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए जिससे कि शहर का हम विकास कर सकें। भाई आपके शहर के विकास के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इससे स्मार्ट सिटी डेवलप होगा। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहले देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कराना। आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो फिर आप अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगा पाएंगे, घर लगा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। हेल्थ में अगर आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप अच्छे हॉस्पिटल्स खड़े कर पाएंगे। एजुकेशन में होगा तो आप अच्छे स्तर पे एजुकेशन दे पाएंगे जिससे स्किल डेवलपमेंट होगा, आगे जाके उससे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये देख लीजिए अगर आप ये करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर आप करेंगे तो आप कोशिश करेंगे सैनिटेशन बना रहे, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट रहे, हम जो कचरा फेंकते हैं उसको मैनेज करने की कोई स्ट्रैटेजी हो, रिसाइकिल करें हम कचरे को, कैसे हमारा जो कचरा है उससे हम एनर्जी जनरेट करें, इन सब पे फोकस किया जाएगा। बायोगैस पे फोकस होगा। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करूँ मैं तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस होगा, कैसे हम ट्रैफिक को अपने अच्छे से मैनेज करें और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से इस पर फोकस किया जाएगा तो कंजेशन नहीं होगा, आपको भीड़ भाड़ नहीं फेस करनी पड़ेगी, लंबे लंबे 2-3 घंटे के ट्रैफिक जाम नहीं होंगे, आपका एनवायरमेंट जो है वो अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके लिए भी एक घर का जो है व्यवस्था हो पाएगी, पूरे रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके कि कौन कौन माइग्रेट करके शहर में आया, तो सरकार उस हिसाब से व्यवस्था भी कर पाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। मेडिकल में क्या करेंगे हम, ऐसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाएंगे जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छी वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं दे सकें, कोई स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें जिससे आपको माइग्रेट ना करना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन को हम ऐसे बनाएंगे कि वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, ज़्यादा धुआं ना छोड़े, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, कम्युनिकेशन उसमें कहीं ना कहीं स्थित हो, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब हमको बेहतर करना है। तो इस वजह से हम ये सब चीज़ें सोच रहे हैं एक परफेक्ट सिटी, एक आइडियल सिटी बनाने के लिए। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, देखिए इसमें सबसे पहला है पैन सिटी इनिशिएटिव। इसका मतलब मैं पूरे सिटी को एक साथ लेके चलूँगा, मैं अगर कोई मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी लगाऊंगा, मैं अगर कोई भी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, मान लीजिए सिटी को मॉनिटर करने की लगा रहा हूँ कि उसमें एक मैं हवाई जहाज़ यानी कि ड्रोन को उड़ा दूंगा, हवाई जहाज़ तो नहीं वो ड्रोन है उसको उड़ा दूंगा, वो सब जगह ट्रैफिक को देखेगा तो वो पूरे शहर में होगा, एंटायर सिटी। तो पैन सिटी मतलब पूरे शहर में, इससे क्या पूरे शहर का ही जो कम्यूटेशन टाइम है, जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ एरिया बेस्ड अप्रोच की, इसमें तीन तरीके हैं, सबसे पहले रेट्रोफिटिंग, फिर रीडेवलपमेंट और फ्री ग्रीन फील्ड। रेट्रोफिटिंग भाई डील करता है एक चीज़ से कि जो आपका एग्जिस्टिंग एरिया है, जो अभी आपके पास एरिया है, मान लीजिए आपके पास झोपड़ियाँ हैं, अभी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो इसी एरिया को डेवलप करो एक बेहतर एरिया में जिससे वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो पाए। फिर उसके बाद आता है रीडेवलपमेंट या सिटी का रिन्यूअल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके सिटी के आसपास जो भी इलाके हैं उनको आपको डेवलप करना है तो आप उनको एज अ पूरा होल एक सिंगल गोला देख के फिर उसमें डेवलपमेंट अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो पूरा शहर डेवलप होगा। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है नए सिरे से हमको कुछ डेवलप करना है। तो अगर आपको उस नए सिरे से डेवलप करना है, मान लीजिए अपने सिटी को बढ़ाना है, अभी आसपास के इलाके डेवलप नहीं है, जैसे कि अगर दिल्ली को आसपास के इलाके गुड़गांव नोएडा ये भी डेवलप कराने हैं तो ये पूरा आएगा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के तहत। ये है स्ट्रैटेजी जो स्मार्ट सिटी मिशन आपका फॉलो करता है। कंक्लूड हम इसको इस नोट पे करेंगे कि भैया अर्बनाइजेशन की दिक्कतें तो हैं, अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ रहा है, ये भी बात मान ली, लेकिन अगर आप स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाएंगे तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके बढ़ोतरी होगी,
इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ेगा तो आप बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। तो ये मुझे एक सटीक सलूशन लगता है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम आप आगे चलाएं। ज़रूरत अभी है कि ये जो आपने प्रोग्राम चालू किया है इसको समय रहते सही टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही ख़त्म करें, और जो आपने गाइडलाइंस तय की है उन्हीं के अनुसार ख़त्म हो। ज़बरदस्ती इसमें डिलेज ना हो, रेड टेपिज़म ना आए, तो तभी ये प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिव हो पाएगा, तभी इंडिया बेहतर बन पाएगा। वरना तो सेंसस आपका धमकी दे ही रहा है कि भाई 2040 तक 50% हो जाएगा अर्बनाइजेशन। उन चीज़ों को रोकने के लिए आपको ये प्रोग्राम टाइम पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्लीज़ हमारा वीडियो देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस पेपर डिस्कशन में। आज इस डिस्कशन के तहत हम लोग मौजूद हैं आपके सामने वर्ष 2016 का डिस्कशन लेके। उसमें भी दोस्तों ये GS1 का तीसरा वीडियो है। इसके पहले भाई मैंने शुरुआत के दो वीडियो डिस्कस किए और उसमें हम लोगों ने करीब 10 से 12 क्वेश्चंस को हल किया। हर एक क्वेश्चंस को मैंने आपको सिखाया कैसे छोटे भागों में तोड़ते हैं, उस अनुसार कैसे हर एक अंश की डिमांड को समझ के उसके उत्तर तक पहुंचा जाए। और ये जो आपका आंसर आया है, ये आंसर अच्छे से लदा हुआ है कंटेंट से। इसमें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसमें एविडेंसेस मौजूद हैं, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी मौजूद हैं। और इस तरीके से मैंने कोशिश की कि ये मेरा ये आंसर एक बेहतरीन आंसर में कैसे परिवर्तित हो पाए। इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि अपने मेंस में बैठने से पहले आप लोगों के आंसर बहुत बेहतरीन हो चुके हों, आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हों कि आपके मन में ये अप्रोच छप जाए। अगली बार से आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो आपका उस क्वेश्चन के प्रति वही नज़रिया हो जो हम यहाँ पे डेवलप कराना चाह रहे हैं। इसी वजह से, यही कारण है दोस्तों कि पहले वीडियो से आज तक के सभी वीडियो में हमने अप्रोच अपनी सेम रखी है, कहीं भी हम लोग अपने अप्रोच से डिविएट नहीं हुए। वो इसलिए जिससे आप ये अप्रोच इतनी बार देख देख के समझ जाएँ। तो मेरी गुजारिश है, अगर आपने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है, अगर ये आपका पहला वीडियो है तो प्लीज़ पुराने सभी वीडियो देखें, उससे ये अप्रोच पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिससे आप अपने आने वाले आंसर्स में ये वाली अप्रोच की मदद से एक अच्छे आंसर को तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मेरा एक और निवेदन है आपसे, मेरे वीडियोज़ देखने के बाद कोशिश करें आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। कोई भी आज के मुद्दों पर क्वेश्चन उठाएं, उनको समझें, उनकी अप्रोच तैयार करें और उनका आंसर लिखने की कोशिश करें। जहां भी आप पीछे रह रहे हों, जहां भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपना पेस्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस डाउट को रिजॉल्व करने की। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की लेक्चर सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके साथ डिस्कस कर लिए, आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद के सवाल। तो आइए सीधे अटैक करते हैं क्वेश्चन पे। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है रीजनलिज्म क्या होता है। प्रादेशिक स्तर पे जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं लोगों में, जो प्रादेशिकता उत्पन्न हो रही है, वो क्या है आखिरकार, और क्या जो भी आपके विकास के, जो भी डेवलपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो बेनिफिट हैं, वो अनइक्वल हैं। कई एरियाज़ में अच्छे से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत आगे निकल गए, कई एरियाज़ थोड़े पीछे रह गए। क्या ये एक जो मानसिकता है, ये जो एक ट्रेंड है, ये प्रमोट करता है ऐसी रीजनलिज्म को? आपको इस बारे में प्रकाश डालना है। इसके बाद यहाँ पे कीवर्ड है आपका सब्सटैंशिएट। तो भाई सब्सटैंशिएट में करना क्या होता है, आपको ये डिस्कस के जैसे ही देखना है। डिस्कस क्या होता है, उसमें आपको बहुत विस्तार में उत्तर देना होता है। अपने इस विस्तार में उत्तर देते वक्त आप कोशिश करें कि आप एक पॉइंट पकड़ें और उसी पॉइंट पे बात करें, आप अपने मार्ग से भटके नहीं। फाइनली आप कोशिश करें एविडेंस एग्जांपल्स देके अपने पक्ष को मजबूत करने की। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के ब्रेकअप पे। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बात करता है रीजनलिज्म की, प्रादेशिकता की। उसके बाद वो कह रहा है जो डेवलपमेंट के, जो विकास के लाभ हैं, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
कहीं पे बहुत विकास ज़्यादा हो गया है, कहीं पे विकास कम हुआ है। ज़्यादा विकास वाले एरियाज़ हर एक चीज़ में आगे हैं, कम विकास वाले एरियाज़ अभी उस दौड़ में थोड़ा पीछे हैं। तो क्या ये जो है ये पूरा ट्रेंड है, ये इस प्रादेशिक जो स्वभाव है इसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है? आपको इस बारे में बात करनी है। अप्रोच हमारी सिंपल रहेगी। सबसे पहले रीजनलिज्म क्या होता है ये बताएं, किस वजह से रीजनलिज्म बढ़ता है आप इस बात पे चर्चा करें। उसके बाद बॉडी में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से भाई आज जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे भारत में, और उस वजह से रीजनलिज्म बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आप बताएं कि किस तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं ये अकेला रीज़न नहीं है। देखिए, शुरुआत में तो मैंने बताया कि भाई जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कहीं पे कोयले की खान है तो वहाँ पे कोयले से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पनपेंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, धीरे धीरे वो जो एरिया है वो एक्सपोर्टर बनेगा उन सभी चीज़ों का जो सब कोयले से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप वो विकास के मार्ग पर आ जाएगा। लेकिन कोई एरिया जहाँ पे कोयला नहीं है, जहाँ पे कुछ ऐसी रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम प्रिफर करेंगी, और अगर वहाँ कोई भी एडवांटेज नहीं है तो वो एरिया पीछे रह जाएगा। तो आपको बताना है कि भाई रिसोर्स का होना ही एक कॉज है, लेकिन ध्यान रखें रिसोर्स का होना अकेला कॉज नहीं है, वो सोल रीज़न नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इन दो मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, फाइनली हम लोग इसका एक सल्यूशन देंगे और उसी के साथ अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने शुरू किया है रीजनलिज्म को डिफाइन करके। प्रादेशिकता होती क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके तहत लोगों के इंटरेस्ट प्रमोट होते हैं, लोगों के कॉज प्रमोट होते हैं जो अलग-अलग रीजन से आते हैं। भाई रीजनलिज्म जो है उसके बहुत सारे आधार हो सकते हैं, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। सबसे पहले एक तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वहाँ का जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक विचारधारा है वहाँ की, उस वजह से उसने अपने आप को अलग रखना महसूस किया, तो ये एक रीज़न बन गया, एक बेस बन गया वहाँ में रीजनलिज्म के डेवलपमेंट का। ऐसे ही अगर मैं बताऊँ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी एक रीज़न बन सकता है। यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र का केस लेंगे तो यहाँ के लिए परफेक्ट बैठेगा। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो चलाते हैं नॉर्थ इंडियंस, यूपी बिहार इस तरफ से आए हुए हैं लोग, तो ये धीरे धीरे जो है मराठियों के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न कर रहा है कि बाहर से लोग आके हमारी नौकरियां खा रहे हैं, तो इस वजह से उनमें रीजनलिज्म डेवलप हो रहा है। सब मराठी एक साथ एकत्रित होके, तो सभी मराठी एक साथ एकत्रित होके, अक्यूमुलेट होके नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें रीजनलिज्म की भावना डेवलप हो रही है। उसके अलावा इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे अगर आप देखें कुछ गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के रीजन एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर गए, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ टाइप के रीजन्स जो हैं वो इस दौड़ में अभी पीछे हैं। तो ये एक रीज़न बन सकता है इन एरियाज़ में, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ हैं उनके खिलाफ एक भावना उत्पन्न कराने में, रीजनलिज्म की भावना। और इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते देखा गया है कि लोगों में अपने रीजनलिज्म के जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसी भावना बढ़ रही है कि ये रीजन हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो हमारे नहीं हैं। लोकल आइडेंटिटी को बढ़ावा दे रहा है ओवर द नेशनल आइडेंटिटी। आप पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, आप गुजरात से, आप महाराष्ट्र से, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप भारत से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लेकिन नेशनल आइडेंटिटी है ये दब रही है, ये छुप रही है पीछे लोकल आइडेंटिटी के। तो अब मैं बताऊंगा अपनी बॉडी में दो वजह कि कैसे रिसोर्स एक रीज़न है इस तरीके की प्रवृत्ति जो उभर के आ रही है उसके लिए, और किस तरीके से रिसोर्स अकेला रीज़न नहीं है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बात की ग्लोबल लेवल पे, तो आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पे ही शुरुआत हुई है ऐसे जो डिफरेंसिएशन है उसकी कैसे है। देखिए, ग्लोबल लेवल पे हम लोग कंट्रीज़ को बांट देते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड नेशन कंट्रीज। तो ये जो तरीके हैं डेवलपमेंट के वो अपने आप में ही ये दिखा रहे हैं कि ये तो डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, हम लोग अभी डेवलप हो रहे हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री तो अभी बहुत ही पीछे हैं। तो आपने जो दौड़ है यहीं से शुरू कर दी, और वो क्यों है? क्योंकि रिसोर्सिस था। ब्रिटेन आगे क्यों निकल गया, यूएस आगे क्यों निकल गया, जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, कहीं पे रॉ मटेरियल था, कहीं पे टेक्नोलॉजी थी, कहीं पे और अलग फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे वो रिसोर्सेज थी, इसी वजह से ये आगे निकल गए दौड़ में। अगर मैं कंट्री के अंदर ही बात करूँ तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का।
इनके आसपास के एरियाज तो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे थे, लेकिन ये खुद कंट्रीब्यूट कर रहे थे डेवलपमेंट में, फिर भी वो डेवलपमेंट का जो असर है इन तक नहीं आ पा रहा था। इसी वजह से इनमें रीजनलिज्म की भावना डेवलप हुई अपने पेरेंट स्टेट के खिलाफ, जैसे कि झारखंड में बिहार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में एमपी के खिलाफ और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं हमसे हमारे डेवलपमेंट के, हमारे विकास के जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनको छीन रहे हैं। तो अगर इस तरीके से छीनते रहे तो हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा और ये लोग अपने अलग बढ़ते रहेंगे। तो उन लोगों में भावना डेवलप हुई, एक पूरे पेरेंट स्टेट के अंदर रहते हुए भी उनमें लोकल आइडेंटिटी डेवलप हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे रीजनलिज्म प्रिवेल किया। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम भारत में ही देखें तो हम ये मानते हैं कि भाई भारत में जो है उत्तरी भाग के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, ये कम डेवलप्ड हैं एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। अगर आप कोई भी इंडिकेटर लें तो आप पाएंगे कि हम लोग इस दौड़ में थोड़ा सा पीछे हैं, अगर नॉर्थ के स्टेट्स माने, और अगर साउथ के स्टेट्स माने तो वो लोग थोड़ा सा आगे हैं। ये जो हम लोग और वो लोग वाली प्रवृत्ति है, ये आपके देश के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है, और इस वजह से ही आपके देश में जो प्रादेशिकता है, जो रीजनलिज्म है, उसकी भावना और उभर के सामने आती है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से, भाई ये जो रिसोर्स है ये अकेला कॉज नहीं है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें रिसोर्स की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि जो बाहरी लोग आते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में दूसरे लोग आ रहे हैं, उससे हमारा कल्चर जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है, कल्चर हमारा ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट दिया जाए। वहाँ पे नागालिम की भी डिमांड हो रही है, आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट है, उस वजह से कई बार क्या होता है, खुद की ज़मीन से उनको भगा दिया जाता है और उस ज़मीन पे डेवलपमेंट किया जाता है। तो क्योंकि उनका घर छिन जाता है, उनका जो है जीने का साधन है, जो उनकी जीवनी है, वो सब छिन जाता है, तो इस वजह से भी उनमें रीजनल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। वो ये सोचने लगते हैं कि जो पूरे भारत से जो बाकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो बाकी सरकारी इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसके तहत डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमसे अलग हैं, वो हमारा अच्छा नहीं चाहते, वो हमारा बुरा चाहते हैं। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले मिलके इनके अगेंस्ट एजिटेट करें। तो भाई बेसिकली यहाँ पे जो कॉज है वो कल्चर बन जाता है, वो आप उनको लैंड से उनके हटाते हैं वो बन जाता है। महाराष्ट्र में हम देखें तो महाराष्ट्र तो आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट है, वो रिसोर्सेज से लदा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ रीजनल टेंडेंसीज हैं। वो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको ऐसा लगता है नॉर्थ इंडिया के लोग उनके पास आके उनकी अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं, तो ये वहाँ पे रीजनलिज्म का कारण बन जाता है। तो मैंने आपको एक तरफ तो बताया कि भाई रिसोर्स कारण है, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया रिसोर्स अकेला कारण नहीं है, और भी यहाँ पे कारण है। फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, उसे फोकस करना चाहिए हर एक एरिया के डेवलपमेंट पे। आपको इक्विटेबल डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। अगर आप FDI प्रमोट कर रहे हैं तो वो ऐसे एरिया में करिए जो अभी पिछड़े हुए हैं, जिससे कि वो आगे आ सकें, वो दौड़ में जो है हाथ से हाथ मिलाकर चल सकें। ज़रूरी है कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, उनको बोलें कि हमको एक देश बनाना है, एक नेशन बिल्ड करना है, तो उसमें आप सबके पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा माइल चलने की ज़रूरत है, जिससे वो इन सब के ऑल्टरनेटिव निकाल सके। अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं, रोज़गार नहीं बन रहा है लोकल पीपल के लिए, तो वो और कुछ ज़रिया निकालें, उस रीजन के डेवलपमेंट में वो सेंटर के साथ कोलैबोरेट करें, लेकिन रीजनलिज्म की भावना डेवलप होने देना ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन एड्रेस किया, इसके दो पहलू देखे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई जो अगला क्वेश्चन है वो है एयर मास के ऊपर, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। उसके अलावा एयर मास जो है वो किस तरीके से वहां पे मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस लाता है, किस तरीके से वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की जो है वायु को, वहाँ के जल को किस तरीके से वो परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो भाई इसमें डिस्कस है पूरा मुद्दा, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत विस्तार में बात करनी है, लेकिन सटीक रहना है, अपने मार्क से भटकना नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम, तो पहला भाग है क्वेश्चन का एयर मास, पूरा क्वेश्चन एयर मास के ही इर्द गिर्द घूम रहा है।
तो आपको शुरू एयर मास से ही करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझाना है, कैसे वो डेवलप होता है। अगर आप मैप बना सकें तो बहुत ही बढ़िया है। मैप में आप पूरे दुनिया में दिखाएं कि भाई यहाँ यहाँ पे ऐसे एयर मास होते हैं, यहाँ यहाँ पे ऐसे एयर मास होते हैं। उसके अलावा आप इसके रोल समझाएं कि कैसे ये वहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस लाता है। तो इसकी अप्रोच अप्रोच इसकी कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए, सबसे पहले आप डिफाइन करें एयर मास क्या है। माफ़ कीजिएगा, ये किसी और स्लाइड का है, तो आप यहाँ पे देखें कि एयर मास क्या है। उसके बाद आप बताएं कि किस तरीके से ये माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करते हैं वहाँ के। और उसके अलावा अगर आप कोशिश करें मैप बना पाएँ तो मैप ज़रूर बनाएं। उसके पहले आइए मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ, एक बैकग्राउंड समझा देता हूँ ये एयर मास होता क्या है। देखिए, हमारे जो वेदर फिनोमिनाज हैं जो इंडिया और ट्रॉपिकल कंट्रीज के हैं, वो कुछ अलग तरीके से हैं। वो बेसिकली थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब अगर आपके सूरज की रोशनी पड़ी, ये वाला एरिया आपका गर्म हुआ, यहाँ पे बना लो प्रेशर, इधर उधर से हवाएं आई, उससे आपकी बारिश हुई और बाकी सारे काम हुए। लेकिन जो दूसरी तरीके के टेम्परेट रीजन के क्लाइमेट्स हैं, वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, थर्मली में तो क्या हुआ कि आपका ये सूरज है, इसने इस एरिया पे गर्मी डाली, ये जो एरिया है ये आपका धीरे धीरे लो प्रेशर बनाएगा, और इस लो प्रेशर के बनने की वजह से आपकी हवा ऊपर उठेगी। क्यों? वो एक्सपैंड होगी, वो हल्की होगी। लेकिन डायनेमिकली अलग चीज़ें होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, क्या या तो जो हवा है उसको ज़बरदस्ती ऊपर धकेला जाता है, या फिर वो अपने आप एक्टिव होके ऊपर चली जाती है। तो ये दो तरीके होते हैं। ये आपके डायनेमिक इंडक्शन है, इसमें टेम्परेचर का रोल बहुत कम है। तो अब देखिए कि एयर मास को ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। देखिए दोस्तों, तो एयर मास है क्या? एयर मास समझ लीजिए एक बहुत बड़ा पैकेट है, एक टुकड़ा है हवा का, और ये करीब 1000 किलोमीटर तक की ज़मीन के ऊपर है। ये देखिए, ज़मीन है जहाँ पे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, कुछ लेक है, कोई पानी का छोटी वाटर बॉडी है। तो इस सब के ऊपर एग्जिस्ट कर रही एयर जो है वो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ अक्वायर कर लेती है। अगर ये एरिया थोड़ा सा गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर अक्वायर कर लेगी। अब अगर इसकी ऊपर की तरफ मैं लेंथ बताऊं तो ये एक्सटेंड करती है ट्रोपोस्फेयर तक, इतना बड़ा पैकेट होता है। और अगर मैं इसकी इस तरीके से आपको विड्थ बताऊं तो करीब 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है ये। तो इतना बड़ा एयर का टुकड़ा, एयर का पैकेट जो होमोजीनियस प्रॉपर्टीज एक्वायर करे हो। होमोजीनियस का मेरा क्या मतलब है, देखिए अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी 29 से 30 डिग्री तक ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो पूरे में काफ़ी हद तक जो है समान प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हम कहते हैं एयर मास। एयर मास एक एरिया के ऊपर घूम रहा पैकेट है जो करीब 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अगर आप लेंथ वाइज बात करें तो फिर ये ट्रोपोस्फेयर तक जाता है ऊपर, नीचे के अपनी प्रॉपर्टीज़ को ये अक्वायर कर लेता है, वहाँ की टेम्परेचर अक्वायर कर लेता है, और सबसे ज़रूरी है कि इसमें समान प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। अब क्या, हर एक एरिया पे अलग अलग एयर मास होता है। अब इस एरिया पर आप ऐसा माने, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ये सब हटा के अगर बर्फीले पहाड़ लगा दूँ तो फिर समझ लीजिए यहाँ का टेम्परेचर हो जाए करीब 10 डिग्री। तो ये जो एयर मास है वो 10 डिग्री सेल्सियस एक्वायर कर लेगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जो नीचे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उसके ऊपर के एयर मास की प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब भाई इसी आधार पे ये तय होता है कि कैसे एयर मास हैं। समझ लीजिए, अगर एयर मास जो है वो ज़मीन के ऊपर है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर है, वो ज़मीन से संबंधित सारी ही प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर करेगा, उनको ग्रहण करेगा। अगर वहीं पे वो पानी के ऊपर है तो हम उसको बोलते हैं मैरीटाइम, तो वो हो जाएगा आपका मैरीटाइम एयर मास। उसके फिर आगे आधार पे अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया के ऊपर, मान ली दिल्ली और मुंबई आपका, उत्तर प्रदेश आपका, तो इन जगहों के ऊपर जो एयर मास है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पड़ते हैं। तो यहाँ का जो एयर मास है हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास। वहीं पे अगर आप देखें, आप इंडियन ओशियन के ऊपर देखें, आप अरेबियन सी के ऊपर देखें, तो अगर ये जो एयर मास है ये पानी के ऊपर है तो ये पानी की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, तो ये हो जाएगा मैरीटाइम ट्रॉपिकल। तो इस तरीके से आप इसको नेमिंग करते हैं। इस तरीके से हम पूरे जो हमारे विश्व है उसमें छोटे 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 एयर मास को बांटते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं।
देखिए, काम सारा तभी शुरू होता है जब एक ठंडा और एक गर्म एयर मास मिलता है। अब मान लीजिए ठंडा एयर मास मिला है, अब जरूरी है कि इसमें से एक्टिव कौन सा है। अगर मान लीजिए ये कोल्ड वाला एक्टिव है, आपको ये तो पता है कि भाई जब हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, तो ऊपर तो किसी भी केस में गर्म वाला एयर मास ही उठेगा। लेकिन अब क्राइटेरिया होते हैं, अगर कोल्ड वाला एक्टिव है आपका, तो फिर क्या करेगा ये, जबरदस्ती गर्म वाले को ऊपर धकेलेगा और ये नीचे चला जाएगा उसके। तो ये जो गर्म वाला ऊपर उठा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जबरदस्ती उठने की वजह से एक स्लोप डेवलप हुई। स्लोप डेवलप कुछ इस तरीके से हुई, और ये बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत तीखी स्लोप है। तो जब भी ऐसी तीखी स्लोप डेवलप होती है, तो बादल इसी इतने से एरिया में ही कन्फाइंड रह जाते हैं, उसको दूर तक ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो है आपकी बहुत हैवी रेन होगी। तो बाहर आप अगर टेम्परेट जोन्स में समझें, तो इस तरीके के कुछ रेन आपको मिलती है। लेकिन अगर वहीं पे आपका हॉट वाला ज़्यादा एक्टिव है, अगर आपका ठंडा वाला एयर मास थोड़ा शांत है, हॉट वाला ज़्यादा एक्टिव है, तो वो अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा, उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो उठना तो उसी को है, क्योंकि मैंने बताया वो हल्का है, जो इस केस में वो अपने आप उठता है। तो जो स्लोप बनती है वो आपकी इस तरीके से थोड़ी सी कम तीखी बनती है, जो ढलान है वो कम है, इसी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे बादल फॉर्म होंगे, क्योंकि हवा को ऊपर उठने का पूरा मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये बादल हल्की हल्की बारिश करेंगे, इस जगह पे आपकी ड्रिजलिंग पाई जाएगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था एयर मास का, हॉट और कोल्ड एयर मास का। अच्छा, और जहाँ पे ये लोग एयर मास मिलते हैं, इस एरिया को आप बोलते हैं फ्रंट। ये हमने समझा कि क्या है, कॉन्सेप्ट समझा, अब आइए आंसर पे चलते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने डिफाइन किया एयर मास क्या है, ऐसा पैकेट है एयर का जो उसके तापमान और उसके मॉइस्चर की वजह से ही कैटेगराइज किया जाता है। ये हज़ारों किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है, और अगर मैं इसकी लेंथ मानूँ तो लेंथ इसकी होती है, आपको मैंने बताया, ट्रोपोस्फेयर तक। उसके अलावा ये उसकी नीचे जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, और काफ़ी समय तक अपने सोर्स रीजन पे रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे मूव करने की कोशिश करता है। अब मैं बॉडी में समझता हूँ क्या क्या टाइप्स के होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ठंडे और गर्म, वो ठंडे और गर्म कैसे होंगे, अगर पोलर पे होगा, अगर आर्कटिक एरिया में होगा तो वो ठंडा होगा, अगर वहीं पे ये चीज़ ट्रॉपिकल एरिया में हुई, भारत के आसपास कहीं हुई, तो वो गर्म होगा हमारे टेम्परेचर के अनुसार। फिर उसके बाद अगर वो ज़मीन पे होगा तो वो सूखा हुआ होगा, लेकिन अगर वहीं पे वो समुद्र पे किसी और पानी वाली बॉडी पे होगा तो वो नमी से भरा हुआ होगा, तो ये मॉइस्ट है। उसके आधार पे, इन चारों के आधार पे आपने एयर मास को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे कि मैरिटाइम और कॉन्टिनेंटल, ये हमने उस टाइम सीखा। अगर वो मैरिटाइम है, अगर वो पानी के ऊपर है, और समझ लीजिए वो आर्कटिक एरिया से आ रहा है, तो उसको आप मैरिटाइम आर्कटिक बोलेंगे। अगर वो पोलर एरिया से आ रहा है और वो पानी के ऊपर है, तो आप उसको मैरिटाइम पोलर बोलेंगे। अगर वो ट्रॉपिकल एरिया से आ रहा है, भारत के आसपास किसी एरिया से आ रहा है और पानी के ऊपर है, वो समझ लीजिए इंडियन ओशन के ऊपर है वो, तो आप उसको मैरिटाइम ट्रॉपिकल बोलेंगे। इसी तरीके से आप अगर वो कॉन्टिनेंट के ऊपर हुआ तो तीन हिस्से कर देंगे और कॉन्टिनेंटल बोलेंगे। तो ये होता है बेसिकली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास। अब देखिए, मैंने इसको, ये जो हमारा विश्व का मैप है उस पर मैंने इसको दर्शाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर है, ये देखिए कॉन्टिनेंट है, तो इसको मैं कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोलता हूँ। आर्कटिक के थोड़ा नीचे आता है पोलर। अब ये देखिए कॉन्टिनेंट पे है, इसी वजह से मैंने इसको बोला कॉन्टिनेंटल पोलर। अगर ये समुद्र पे होता तो आप इसको मैरिटाइम पोलर बोलते। देखिए यहाँ पे ये समुद्र पे है, तो हमने इसको बोला मैरिटाइम पोलर। उसके नीचे हम ये ट्रॉपिकल जोन में आ गए। देखिए, तो अगर आप ट्रॉपिकल जोन में आ गए हैं तो यहाँ पे आपके जो है ट्रॉपिकल होंगे। तो अगर समुद्र पे है तो मैरिटाइम ट्रॉपिकल, अगर कॉन्टिनेंट पे है तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको डिवाइड करने का। अब देखिए, इसके बारे में समझते हैं। जो एयर मास है वो स्टेशनरी नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाता है। अगर वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, तो वो दूसरे एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ग्रहण करना शुरू कर देता है, और साथ में वहाँ पे जो ऑलरेडी एयर मास मौजूद होगा उससे इंटरेक्ट करता है। मान लीजिए ये वाला है और ये ऐसे जा रहा है, और इस एरिया में ऑलरेडी ये एयर मास मौजूद है, तो ये इससे इंटरेक्ट भी करेगा और नीचे से प्रॉपर्टी भी ग्रहण करेगा। अब इन दोनों में से एक्टिव कौन सा है, ये आपकी आगे के प्रोसेस को तय करेगा। तो अगला है एक्टिवनेस दोनों की। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन दोनों के जो मिलने का स्थान होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। तो ये हो गया पूरे एयर मास के बारे में। अब समझते हैं कैसे ये चेंजेस लाता है। देखिए, ये कुछ लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस भी लाता है। जब इंटरैक्ट करते हैं दो एयर मास,
जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग है, मतलब या तो कोल्ड है और एक हॉट है, या पहला हॉट है और दूसरा कोल्ड है। अगर हॉट हॉट इंटरेक्ट करे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोल्ड कोल्ड में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे कई सारे आपके चेंजेस आते हैं। सबसे पहले टेम्परेट एरियाज़ में, मिड लेटिट्यूड में जो आपके साइक्लोन्स आते हैं, ये टेम्परेट है, तो वहाँ पर आपके इसी वाले जो फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होके आते हैं। उसके बाद भाई सेंट्रल एशिया जो है, वहाँ पे कभी कभार बहुत ठंडी कंडीशंस बन जाती हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि साइबेरिया जो है वहाँ से ठंडा एयर मास बह के आ जाता है आपके सेंट्रल एशिया के ऊपर। उसके बाद ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे लगातार बारिश होती है, तो वो जो बारिश है वो आपकी फ्रंटल रेन है, वो इस फ्रंट के बनने की वजह से रेन आई है। फ्रंट कैसे बना, जब गर्म और ठंडा इंटरेक्ट किया तो इस वजह से फ्रंट बना। और ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि कैरेक्टराइज होता है अपने रेनफॉल की वजह से, वहाँ पे रेनफॉल आती है बेसिकली फ्रंटल। फिर उसके बाद लेक स्नो इफेक्ट में बताता हूँ आपको। देखिए, जब कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास जो कि कनाडा के ऊपर है, वो धीरे धीरे सरक के आता है ग्रेट लेक के ऊपर, यहाँ पे एक ग्रेट लेक पाई जाती है ग्रेट लेक के ऊपर, तो आप समझिए लेक जो है, जो तालाब है उसके ऊपर तो ये नमी से भरा हुआ होगा, मॉइस्ट होगा। जो पोलर आ रहा है और कॉन्टिनेंटल है वो ड्राई है, क्योंकि वो ज़मीन से आ रहा है, उसमें किसी भी तरीके की नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, और उसके ऊपर वो ठंडा भी है क्योंकि कॉन्टिनेंटल पोलर है वो। तो वो कनाडा से जब यहाँ तक चलते हुए आता है, तो ये नमी वाले से वो इंटरेक्ट करता है। जब नमी से इंटरेक्ट करता है तो अनस्टेबल होता है और वहाँ पर बारिश करता है, लेकिन इतना ठंडा होता है कि बारिश की जगह गिरती है स्नो। तो जैसे ही ये लेक के पास आता है, ये स्नो इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इसको लेक स्नो इफेक्ट कहते हैं हम लोग। ये उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडियाँ ला देता है, ये तो निश्चित बात है। अगर कहीं बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ ठंडी तो आएगी। उसके अलावा कहीं पे ये ड्रॉट का भी कारण बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मेक्सिको के ऊपर का ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास, पहली बात तो वो ड्राई है, दूसरी बात वो कॉन्टिनेंटल एयर मास है, तो वो मेक्सिको के ऊपर है, वो धीरे धीरे जब सतह की तरफ जाता है, ज़मीन की तरफ जाता है, ग्रेट प्लेन्स की तरफ जाता है, वहाँ पे वो क्योंकि ड्राई है, इस वजह से और ज़्यादा एरिडिटी कॉज करता है, और ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ पे, जिस वजह से उस एरिया में ड्रॉट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ लोकलाइज्ड वेदर चेंजेस, जैसे कि कभी भी इसकी वजह से तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन सकता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है? एक ऐसा क्लाउड जो वर्टिकल, जिसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, काला जो आपका बादल होता है जो बहुत भयंकर बारिश करता है, उसको आप कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इसकी वजह से हीट वेव भी आती हैं कई बार, आपके जो वेदर है उसमें आपको धुंध का आभास होता है, ये आपका नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी एयर मास की वजह से ही होता है, लोकलाइज्ड है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को ही ये सीमित रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्लाइमेट पे तो असर डालता ही है, साथ ही साथ में वहाँ के वेजिटेशन पे भी ये बहुत असर डालता है, ये तो निश्चित बात है। अगर किसी एरिया में तेज़ बारिश है तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे। अगर कोई एरिया में बहुत कम बारिश है तो वहाँ पे बहुत डेसीडियस या फिर उससे भी नीचे के कोई पेड़ होंगे। कोई एरिया जो बिल्कुल सूखा हुआ है वहाँ पे कैक्टस टाइप के पेड़ होंगे। तो अगर आप क्लाइमेट को चेंज करेंगे तो वहाँ का वेजिटेशन तो चेंज होगा ही होगा। इस तरीके से हमने ये वाली चीज़ डिस्कस की। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिमालय के बारे में, कि हिमालय जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड्स को देखा गया है। अब आपको बताना है ऐसा क्यों है और क्या होना चाहिए जिससे हम इस आपदा से हो रहे डैमेजेस से, इस आपदा से हो रहे जो भी नुकसान है उनसे बच सकें। क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने की बात करता है, तो देखिए डिस्कस मतलब क्या है, विस्तार में बताइए, लेकिन अपने मार्ग पे ही रहिए, उसी पे डटे रहिए, मार्ग से भटके नहीं। अगर मैं क्वेश्चन को तोड़ूं तो सबसे पहले बात करता है हिमालय की, और कह रहा है हिमालय जो है वहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स आती हैं। आपको बताना है तो आती हैं तो क्यों आती हैं, और अगर आएंगी ही तो हम कैसे बचें इससे। अप्रोच आपकी सिंपल रहेगी, आप सबसे पहले बताएं लैंडस्लाइड होता क्या है, फिर ये लैंडस्लाइड क्यों आती हैं, फिर ये लैंडस्लाइड हिमालय में ही ज़्यादा क्यों आती हैं, और अल्टीमेटली क्या करें इन लैंडस्लाइड से बचने के लिए। और फाइनली ऐसे क्वेश्चन पे जब आप कंक्लूड करें तो आप एक यहाँ पे हल निकाल के उसके सामने प्रस्तुत करें, एक सॉल्यूशन दें। इस तरीके क्वेश्चन जहाँ पे आपने प्रॉब्लम डिस्कस की है, यहाँ पे सॉल्यूशन देना आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए, शुरू में मैंने डिफाइन किया है लैंडस्लाइड क्या है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट है
मान लीजिए ये पहाड़ की चोटी है, ये पहाड़ की चोटी है, तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण और यहाँ का जो सॉइल है वो ढीला हो जाता है, उस कारण जब कभी भी थोड़े बहुत भी यहाँ पे डिस्टरबेंस होंगे, मान लीजिए अर्थक्वेक से डिस्टरबेंस हुए, ये सतह हिली, तो इस वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है वो सबकी सब नीचे आ जाएगी और इसी को आप कहते हैं लैंडस्लाइड। तो यहाँ पे मैंने बताया ग्रेविटी की वजह से, और वहाँ पे जो रॉक सॉइल है वो ढीला हो जाता है। ढीला क्यों हो रहा है? एक समय पे ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला की जो ढलान है उस पे इतने सारे पेड़ हुआ करते थे, आपने डेवलपमेंट करने के चक्कर में ये सारे पेड़ काट डाले। अब वो ऐसा है, पेड़ जो है वो नीचे की जो ज़मीन है उसको पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों से। अब जब पेड़ ही नहीं रहे तो जड़ें कैसे रहेंगी? तो धीरे धीरे यहाँ पे जड़ें ख़त्म हो गई, कोई रहा नहीं है जो इस मिट्टी को पकड़ के रखे। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ऐसे हिलेगा अर्थक्वेक की वजह से, तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे ये सारी मिट्टी नीचे आ जाएगी और इसको लैंडस्लाइड कहेंगे हम लोग। क्या रीजंस होते हैं? मैंने बताया मिट्टी ढीली हो जाती है क्यों, बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसमें मैन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग वहाँ पे जो वहाँ की टोपोग्राफी है उसको चेंज कर देते हैं, स्टीप स्लोप होती है कई बार, तो उस वजह से भी इतनी ज़्यादा जो ढलान है वो तीखी है कि तुरंत अगर थोड़ा सा भी इसमें अर्थक्वेक या कोई भी संभावना उत्पन्न हुई तो मिट्टी नीचे आ जाएगी। ग्रेविटी एक रोल प्ले करता है। उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि रिवर जो आपकी इरोड करती हैं वो धीरे 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 काटती चली जाती हैं वहाँ की ज़मीन। वहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर होता है वो ढीला हो जाता है बहुत तेज़ बारिश की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। धीरे धीरे जो है वहाँ पे रॉक्स, आपके पत्थर, आपके ओर्स, ये सब क्या इकट्ठे होते जाते हैं। अब इकट्ठे हो गए हैं, अगर उसको ज़रा सी भी कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे वो हिले तो वो तुरंत नीचे आ जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब बात करते हैं हम हिमालय पे ही क्यों हैं। देखिए हिमालय सबसे पहले तो बहुत एक्टिव टेक्टोनिक जोन में है। अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये है आपकी, ये वाली है आपकी इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट, जहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है ये, और ये है आपकी यूरोपियन प्लेट। जो हिमालय बने हैं इन्हीं के टकराव की वजह से यहाँ पे आपके हिमालय देखने को मिलते हैं। तो ये प्लेट्स तो आज भी मोशन में हैं, कुछ सेंटीमीटर ही सही और कुछ सालों में ही सही, लेकिन मोशन तो कर रहे हैं। तो इस वजह से हिमालय जो हो गए वो हाईली टेक्टोनिक जोन वाले एरिया में हो गए, यहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बताऊँ मैं तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बहुत हैं। क्यों? आजकल ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन का इंटरफेरेंस हर जगह हो गया है, जिसकी वजह से उसने हर एक लैंडस्केप को कुछ ना कुछ हद में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपने जो पेड़ काटे हैं उसकी वजह से नीचे की ज़मीन ढीली हो गई है, मिट्टी ढीली हो गई और वो कभी भी नीचे सरक सकती है। उसके अलावा यहाँ के जो टोपोग्राफी है वो अभी इमेच्योर है, हम इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, वो अच्छे से मेच्योर नहीं हुई। हाई सीस्मिसिटी है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की संभावना है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में देखें तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत अधिक मात्रा में है। इन सब फैक्टर्स के चलते हिमालय में लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हम क्या करें, हमको ऐसी मैपिंग करनी चाहिए कि हमको पता पड़ जाए भाई ये वाले एरियाज प्रोन है। तो अगर आपको एक बार पता पड़ गया तो आप यहाँ पे जो विकास के कार्य हैं उनको रुकवा दीजिए, डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप लैंड यूज़ पैटर्न सही करें, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे कि पेड़ नीचे की मिट्टी को पकड़ के रखे अपनी जड़ों से। कुछ अच्छे सॉल्यूशंस, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लगाएं, जैसे कि टेरेस फार्मिंग में भरोसा रखें। देखिए टेरेस फार्मिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, अगर मान लीजिए एक समय ये आपकी जो थी ये आपकी इस तरीके से ढलान थी, अगर मैं यहाँ पे फार्मिंग करता तो ये नए नए पेड़ पौधे उगाता, फिर मैं प्लाउइंग करता इस मिट्टी को, पहले नीचे से पूरी ढीली करता, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पौधा लगाता, इस तो ये इतनी स्लोप पे है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ आया तो ये सब ले जाएगा। अगर मैं इसको टेरेस पे बना दूँ, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे पेड़ उगाऊँ, यहाँ पे पेड़ उगाऊँ, तो ये जो ज़मीन है ये एकदम प्लेन हो गई, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए टेरेस फार्मिंग प्रमोट करें। आप रिटेनिंग वॉल्स बनाएं, अगर मान लीजिए ऊपर से आपका पानी आ रहा है, अब बंध बनाएं तो उससे क्या होगा, देखिए पानी आ रहा है तो इससे टकरा के उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर आप जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं आपके, उससे टकरा के, स्पीड ब्रेकर से टकरा के आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, तो इन बंध से टकरा के पानी की स्पीड कम हो जाएगी। तो पानी की स्पीड कम हो गई तो पानी जो ला रहा था अपने साथ, मिट्टी जो फोर्स ला रहा था वो कम लाएगा, लैंडस्लाइड के चांस कम होंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है,
तो आपने यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी जिससे कि अगर लैंडस्लाइड हो भी तो ये दीवार कुछ हद तक आपको बचा सके, आपका जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री है, घर बार हैं, तो सबको बचा सके। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को मना करिए, अर्बनाइजेशन कम से कम करिए, ऐसे एरियाज़ में अपना घर ना बसाएं, स्लोप्स पर अपना घर ना बसाएं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कम करिए, ग्रेजिंग यहाँ पर कम करिए, अपने गाय भैंसों बकरियों को चराने आप ऐसी जगह पर ना जाएँ, आप कहीं नॉर्मल प्लेन्स पर उनको चराएँ, आप इस तरीके के स्लोप्स पर चराएंगे तो वो लोग भी खाएंगे, पेड़ फिर से हार्म होगा, अगर पेड़ का हार्म होगा तो वो नीचे अपनी जड़ों को लूज़ करेगा, फिर सॉइल लूज़ होगी, फिर हल्का सा अर्थक्वेक आएगा और सारी लैंडस्लाइड आपके साथ आ जाएगी। फिर मैंने कंक्लूड किया कि भाई जो हिमालय है वो नेचर ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है, तो हमारे को ज़रूरत है कि उसको प्रिजर्व करें। हाँ, हालांकि वहाँ जो अर्थक्वेक्स हैं वो हैं, लैंडस्लाइड्स भी हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसने इन चीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो अगर हम कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे तो आपकी लैंडस्लाइड्स पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपका कंक्लूडिंग नोट था। जो अगला सवाल है वो आपका कह रहा है कि कैसे आप लैंड और वाटर की रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएँ जिससे कि आप ह्यूमन मिजरी को, मानव विपत्तियों को कम से कम कर सकें, इसको आपको करना है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक अच्छे से अंदर तह तक जाके डिस्कशन करता हूँ मुद्दे का। अब भाई क्वेश्चन को मैं तोड़ूँ तो आता है कैसे ज़मीन का और पानी से जुड़ी हुई रिसोर्सेज को आप अच्छे से मैनेज करो कि आपकी जो मिजरीज हैं, आपकी जो विपत्तियाँ हैं वो कम हो सकें। अप्रोच इसमें रहेगी, शुरुआत में आप बताएं कि क्यों ज़रूरी है ऐसी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, उसके बाद आप दो हिस्सों में क्वेश्चन को तोड़ें। अगर आप लैंड को अच्छे से मैनेज करेंगे तो क्या होगा, वाटर को अच्छे से मैनेज करेंगे तो क्या होगा, फिर आप अंत में इसका सल्यूशन दें। तो देखिए, आंसर में मैंने शुरुआत में बोला है कि अगर मानव जाति को जिंदा रहना है, अगर मानवता को रहना है इस धरती पे, तो ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन रोका जाए। अगर आप रिसोर्सेज डिप्लीट करते रहेंगे तो जिस रेट पे आप आज ज़मीन को और पानी को बिल्कुल डिप्लीट कर रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए आपकी जो विपत्तियां हैं, अगर उसको आपको कम करना है तो ज़रूरी है कि आप इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, आप एक सस्टेनेबल अप्रोच अपनाएं। सस्टेनेबल अप्रोच का मतलब क्या है, मैं आज जो मेरे पास रिसोर्स मौजूद हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करूं कि मेरी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचें। लेकिन आज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, आज हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, जितना इसको यूज़ कर सके कर लो, भले ही पूरा ख़त्म हो जाए कोई चिंता नहीं, फ्यूचर में आने वाले खुद देखेंगे। और ये वाली जो हमारी अप्रोच है ये आज हमारी विपत्तियों का कारण है, तो आपको ये अप्रोच हटानी है, सस्टेनेबल अप्रोच लानी है, एफिशिएंट स्ट्रीमलाइंड मैनेजमेंट करना है जिससे कि आप एक रिसोर्सेज को बढ़ा सकें, उनको प्रिजर्व कर सकें। तो इसमें अब आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड है और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ वाटर है। देखिए, सबसे पहले तो लैंड का यूज़ जो है, आजकल आप क्या कर रहे हैं, हर एक लैंड को आप लेके वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। जो खराब लैंड है, जो फैलो लैंड है, वही आप या तो डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें जहाँ पे एग्रीकल्चर उगना संभव नहीं है, या फिर आप वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स बना दें। शेल्टर बेल्ट क्या है, ऐसे बहुत सारे पेड़ आपने एक साथ लाइन में लगा दिए जिससे कि वहाँ से अगर हवा आएगी तो आपकी वो मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जाएगी। ये जो आपके पेड़ हैं ये एक शेल्टर बेल्ट की तरह काम करेंगे, उनसे बचाव करेंगे हमारे यहाँ पे मिट्टी का, जिससे सॉइल इरोजन आपका रुक पाएगा। तो इस तरीके के शेल्टर बेल्ट्स को प्रमोट करें, लेकिन वो भी कहाँ, जहाँ पे आपकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। उसके बाद जो आपका लैंड ओनर है उसको भी पार्टनर बनाएं डेवलपमेंट में, नए मेथड्स निकालें लैंड एक्विजिशन के, जैसे कि लैंड पूलिंग, ऐसा जैसे अमरावती में हुई है लैंड पूलिंग। ये उससे क्या होगा, हर आदमी को लगेगा कि अगर हमारा जो लैंड इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कोई ना कोई बेनिफिट है, तो वो अच्छे से अच्छा उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अपन बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड का, उपजाऊ ज़मीन का आज बहुत डाइवर्जन हो रहा है आपकी इंडस्ट्री को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपका एग्रीकल्चर जो है कमज़ोर पड़ गया, अगर आपके पास ज़मीन नहीं हुई एग्रीकल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए, तो आपका जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, वो पूरा नीचे गिरेगा, और ये भारत में फूड सिक्योरिटी ला सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट ला सकता है और बहुत सारी परेशानियाँ ला सकता है। तो आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकें, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करें। अगर आप
वहाँ पे अर्बनाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के करें कि भाई अगर मैं इस एरिया पे बना लूँगा घर तो क्या ठीक रहेगा, क्या कल को यहाँ पे ज़मीन की प्रेशर पड़ने की वजह से कोई आपदा आ सकती है, मेरी इंडस्ट्री ख़राब हो सकती है, यहाँ की ज़मीन ख़राब हो सकती है, ये सब चीज़ें सोचें तो उसके बाद ही प्लानिंग करें। कई बार अर्बन प्लानिंग इतनी हैपहज़र्ड होती है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से हर जगह जाके लोगों ने अपना घर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बसा लिया है कि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे बढ़ानी है। उसके बाद आपको ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जो एग्रो क्लाइमेटिक चॉइस ऑफ क्रॉप के आधार पे हो, यानी कि अगर आपका कोई एरिया मान लीजिए रेन फेड एरिया में पड़ रहा है, अगर वहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो आप वहाँ पे ऐसे जो क्रॉप उगाएं जो बारिश के अनुसार वहाँ पे सूट करें। अगर आपका कोई एरिया जो है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, वहाँ की फर्टाइल लैंड नहीं है, तो आप वहाँ पे ऐसा क्रॉप उगाएं जो आपके कम फर्टाइल लैंड में भी उग जाए, तभी आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के दौर में हो क्या रहा है, आज MSP अवेलेबल है सरकार की तरफ से, तो फार्मर जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो बेसिकली कमर्शियल नेचर देख के उगा रहे हैं। अगर हमको इस क्रॉप के बदले अच्छा पैसा मिलेगा तो हम उगा लेते हैं, भले ही वो ज़मीन उस चीज़ को अलाउ कर रही हो या नहीं कर रही हो। कुछ समय तक उस पर वो क्रॉप उगेगा, वहाँ की ज़मीन ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं वाटर पे आऊँ तो भाई वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इस्तेमाल करें, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरिगेशन, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या फ़ायदा होता है, ड्रिप इरिगेशन समझ लीजिए एक छोटा सा बम्बू है, जैसे मान लीजिए बांसुरी को आपने उल्टा रख दिया, आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, बांसुरी को आपने उल्टा रख दिया और आप एक तरफ से उसमें पानी चलाएं, तो जहाँ 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 बांसुरी में छेद है वहाँ पे पानी गिरेगा। इससे क्या होगा, आपका वेस्टेज ऑफ वाटर रुक जाएगा। ये आपका आपके पेड़ों की जड़ों के पास लगाएं तो जो पानी जाएगा सीधे पेड़ों की जड़ों में जाएगा, इधर उधर के एरिया में नहीं जाएगा, पानी का वेस्टेज कम होगा। तो यही होती है ड्रिप इरिगेशन की प्रैक्टिसेस। बांसुरी की जगह एक आपने लंबी सी पाइप ले ली या बैम्बू ले लिया, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए और उसमें से पानी चला दिया, इन छोटे छोटे छेदों से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वहाँ पर गिरेगा। उसके अलावा माइक्रो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स आप बनाएं जिसके आप वाटर को कंजर्व कर सकें। वाटर पे टैक्स लगाएं, अगर आप वाटर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको एक्वीफर्स मैप करने की ज़रूरत है। एक्वीफर क्या होते हैं, नीचे जो है ज़मीन के नीचे समझ लीजिए एक टंकी बनी हुई है नेचुरल, उसमें पानी जाके स्टोर होता है। ये आप आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकलिटीज इसके पीछे अलग हैं, बस ये समझ लीजिए एक्वीफर्स होते हैं ज़मीन के नीचे बनी हुई टंकी। कैसे बनी है, जो आपके पत्थरों में कई क्रैक्स हैं, कई छेद हैं, उसमें पानी घुस जाता है, धीरे धीरे जाके जमा हो जाता है। तो ऐसे आपको एरियाज को मैप करना है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज लगानी है। ग्राउंड वाटर को मैनेज करें, सरफेस वाटर को भी मैनेज करें। एक नया प्रोग्राम चला रही थी सरकार उस समय जिसमें वो कह रही थी कि हम रिवर्स को इंटरलिंक करेंगे, मतलब कोई ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं जो पानी से भरपूर है, और कोई ऐसे एरिया जैसे कि राजस्थान जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो सरकार दो नदियों को जोड़ देगी, उससे इस नदी का पानी यहाँ पे आ पाएगा और इस एरिया में भी ओवरऑल पानी जो है वो बढ़ पाएगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करना ज़रूरी है। वाटर की रिसाइकलिंग होना ज़रूरी है, अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो उसको ही क्लीन करके उसी को दूसरे इस्तेमाल में आप यूज़ कर सकें, मान लीजिए किचन का पानी इस्तेमाल कर सकें आप वापस किचन के ही पानी के तौर पर, तो रिसाइकलिंग ज़रूरी है, तभी आप वाटर का वेस्टेज कम करेंगे। उसके अलावा जो रिवर्स है उनको वापस जागृत करना, उनको जीवित करना ज़रूरी है। आज इतना पॉल्यूशन है कि उनकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। जैसे कि गंगा का एग्जाम्पल लिया मैंने और गंगा से जुड़े हुए तीन प्रोग्राम का यहाँ पे जिक्र कर दिया, तो मैंने अपने वाटर कंजर्वेशन को बहुत अच्छा एंगल प्रोवाइड कर दिया। इसमें कंक्लूड मैं ऐसे करूँगा कि भाई अगर आप पॉलिसी अपनी अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से स्ट्रक्चर करें, तो आपके रिसोर्स अच्छे से ही चलेंगी, अच्छे से मैनेज होंगी, सस्टेनेबल नेचर में चलेंगी। हर आदमी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज आएंगी, किसी के पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी, और देश भी आगे विकास करेगा, हमारा जो भविष्य है वो भी उज्जवल रहेगा और हमारा आज भी उज्जवल रहेगा। तो ये सोसाइटी को आज ज़रूरत है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आया साउथ चाइना सी का, ये लगातार UPSC अपने हर साल करीब करीब रिपीट कर रही है, तो चाइना जो है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो चाइना पे विशेष ध्यान दें। UPSC ने वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी पूछी है, UPSC ने साउथ चाइना सी पूछा है, UPSC ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूछा है, लगातार वो चाइना से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है, तो ये वापस पूछ सकता है। चाइना पे आप विशेष ध्यान दें।
क्वेश्चन है कि क्या उसको जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो उसने अभी अज्यूम कर लिया है उसको आप आज कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं, इसको आज के कंटेक्स्ट में कमेंट करें। कमेंट का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन जो है उससे मेन मेन पॉइंट्स उठाएं और उनको अच्छे से डिस्कस करें और इस पर अपना ओपिनियन दें एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको बैकिंग मिल जाएगी। अब मैं क्वेश्चन को तोड़ता हूँ तो देखिए साउथ चाइना सी के बारे में है और कह रहा है कि आज उसने बहुत अच्छी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को अक्वायर कर लिया है, आज उसका भू राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको बताना है क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और अगर सही गलत जो भी आप बता रहे हैं उस पर एग्जाम्पल्स के तहत अपने आंसर को मजबूत करें। इसकी अप्रोच रहेगी सबसे पहले बताएं साउथ चाइना सी के बारे में, फिर उसके बाद आप बताएं क्यों वो आज जो है जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इसको एक एंगल से बताएं, वहाँ पे बढ़ती यूएस की प्रेजेंस को एक एंगल से बताएं, बहुत सारे नेशंस जो अलग अलग एरियाज क्लेम करते हैं उसको एक एंगल बताएं, वहाँ पे स्ट्रैटेजी के एडवांटेज क्या है, वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को लें। फाइनली आप भारत का भी एक छोटा सा रोल बताएं और इस तरीके से आपका आंसर 4 से 5 एंगल में पूरी तरह से आप दे पाएंगे। देखिए आंसर में मैंने शुरुआत में साउथ चाइना सी के बारे में बताया है, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे विवाद चलते ही रहते हैं और इसमें कुछ नेशन तो ज़रूर इन्वॉल्व हैं जैसे कि चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई। ये जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अलावा मैरिटाइम भी इन्वॉल्व करता है, आइलैंड का डिस्प्यूट भी इन्वॉल्व करता है, वहाँ पे मैरिटाइम डिस्प्यूट्स भी हैं और कुछ आइलैंड भी है जो डिस्प्यूटेड हैं, कोई कहता है कि मेरा है, कोई कहता है मेरा है। अब बताते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस क्यों गेन कर लिए इसने। सबसे पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, देखिए पार्सल और स्पाटले जो आइलैंड है, चाइना कहता है कि ये आइलैंड मेरे हैं, और क्यों, क्योंकि ये मैंने जो पुराने ऐतिहासिक दौर में एक 9 डैश लाइन बनाई थी वो इसी के अंदर आते हैं, तो ये मेरे हिस्से में हुए तो मेरे हो गए। वियतनाम कह रहा है भाई ऐसे कैसे तुम्हारे हो गए, हमारे पास रिटन एविडेंस है, लिखित रूप में लिखा हुआ है कि ये दोनों आइलैंड हमारे हैं तो ये हमारे होने चाहिए। पर अब ये युद्ध क्यों है, क्यों, क्योंकि जो इसके ऊपर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएगा, जो भी कंट्री इस एरिया के ऊपर अपनी सॉवरेंटी घोषित करेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएगा, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक वैल्यू के होंगे। यहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो जो भी यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करेगा, जो भी यहाँ पे बताएगा कि ये एरिया मेरा है, उसको ये वाला फ़ायदा ज़रूर होगा। अब यहाँ से जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, आप समझ लें कोयले की ट्रेड ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, वो दोनों के दोनों इसी रीजन से पास होके जाती है, तो जिसका कंट्रोल हुआ इस रीजन पे वो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकता है। फिशिंग राइट्स, देखिए फिर से साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे फिशिंग राइट्स जिसके पास हुए वो एक फिशिंग इकोनॉमी डेवलप कर सकता है, मरीन इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक कंट्री के पास वो राइट्स हों। अभी जो है मुद्दा भिड़ा हुआ है 5 से 6 कंट्रियों में कि ये हमारा जोन है, ये हमारा जोन है, ये हमारा जोन है, तो किसी के पास भी एक्सक्लूसिव फिशिंग राइट्स नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो यूएस की बढ़ती प्रेजेंस, यूएस जो है वो फिलीपींस के साथ पार्टनरिंग कर रहा है। देखिए ये रहा फिलीपींस, यहाँ पे यूएस आके उसके साथ पार्टनरिंग कर रहा है, उससे हो क्या रहा है, उससे भाई चाइना नाराज़ हो रहा है, क्योंकि यूएस की जो पॉलिसी है जिस पॉलिसी का नाम है एशिया पैसिफिक पॉलिसी, उससे वो चाह रहा है कि वो चाइना को रोक सके, चाइना जो अपनी धीरे धीरे पहुंच बढ़ा रहा है उसको रोक सके, तो यही यूएस का मेन एम है। उसके बाद बहुत सारे नेशंस क्लेम करते हैं, देखिए सबसे पहले चाइना और वियतनाम के बीच में जो विवाद है उस पर बात करते हैं अपन, चाइना ये है, वियतनाम ये है। अब ये देखिए जो लाल लाल लाइन जा रही है ये आपके सामने, ये देखिए मैंने थोड़ा और गहरा कर दिया, ये जो लाल 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 लाइन जा रही है आपके सामने, इसको चाइना कहता है ये है हमारी 9 डैश लाइन। जो ये 9 डैश लाइन है, अगर ये पाला मेरा है तो इसके अंदर पड़ने वाली सभी चीज़ें मेरी हैं, तो इसके अंदर देखो पार्सल आइलैंड पड़ रहा है वो मेरा है, स्पाटले आइलैंड पड़ रहा है वो मेरा है। वियतनाम बोल रहा है भाई ऐसे कैसे, हमारे पास ऐतिहासिक तौर पे लिखे हुए रिटन एविडेंस हैं कि पार्सल आइलैंड हमारा है, स्पाटले हमारा है। तो इस तरीके से ये पहला जो है क्लेम हो गया, एक पहला विवाद हो गया। फिर चाइना और फिलीपींस, अब देखिए ये जो 9 डैश लाइन है इसी के आधार पे ये एक है स्कारबोरोग शोल, ये देखिए आप ये जो है ये अंदर पड़ रहा है इस 9 डैश लाइन के, तो चाइना कह रहा है भाई मेरे पाले में है तो हिस्सा मेरा है। फिलीपींस बोल रहा है अरे भाई ये कैसे तेरा है, ये देखो ये तो मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, ये मेरे एरिया में है तो ये मेरा होना चाहिए। फिर इसमें एक विवाद आ गया, मलेशिया और ब्रुनेई, ब्रुनेई इस मैप में है नहीं, मलेशिया और ब्रुनेई दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है उस पे हमारा हक हुआ, तो उस पार्टली का ये हिस्सा हमारा है। तो
इस तरीके से बहुत सारे विवाद फंसे हुए हैं इस एरिया में। फिर अगर मैं स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की बात करूं, तो जो भी इन आइलैंड्स को कंट्रोल करेगा वो अपनी यहाँ पे मैरिटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ा सकता है, अपनी नेवल प्रेजेंस रख सकता है यहाँ पे, जिससे कि इस एरिया में उसको एक स्ट्रांग होल्ड मिल जाएगी। अब बात करता हूँ मैं भारत के रोल पे। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की। भारत वियतनाम के साथ मिलके वहाँ पे तेल का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहा है। चाइना इन चीज़ों से नाराज़ है, वो कह रहा है हमारे एरिया में आप कैसे किसी और को अलाउ कर रहे हो। उसके अलावा इंडिया चाहता है कि उसको यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सके। तो यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इस वाले मुद्दे में एक दर्शक बन के ना बैठा रहे और यहाँ पे एक स्टैंड ले। अगर वो स्टैंड लेगा तो ये दिखेगा कि वो विश्व के मुद्दों में एक से रखता है, उसका कोई ओपिनियन है, और उसी ओपिनियन के आधार पे लोग उसको बैकिंग देंगे, जिससे उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलने में हो सकता है मदद हो। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर जो है पावर बैलेंस है वो अफेक्ट होगा। पावर बैलेंस क्यों अफेक्ट होगा? देखिए, चाइना जो है वो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, अच्छे रिलेशन नहीं है, और अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में बढ़ा तो चाइना और ज़्यादा नाराज़ होगा। तो पावर बैलेंस जो चल रहा है विश्व में वो गड़बड़ा सकता है। ये आपने इसको पूरी तरह से डिस्कस किया। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो बात कर रहा है कि भारत के प्रमुख जो नगर हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे फ्लड कंडीशन से ज़्यादा वल्नरेबल बनती जा रही हैं। वहाँ पर ज़्यादा अब बाढ़ की आशंका हो गई है। इस बात पे आपको डिस्कस करना है। डिस्कस में करते हैं क्या है हम लोग, भाई आप विस्तार में बात करें लेकिन सटीक बात करें, अपने मार्ग से भटके नहीं, जिस पथ पे चल रहे हैं उसी पे चलते रहें, उसी पे विस्तार रूप से बात करें। अब मैं अगर क्वेश्चन को तोड़ूं तो ये कुछ भागों में टूट के आता है। सबसे पहले बात हो रही है मेजर सिटीज़ की। भारत के जो प्रमुख नगर है वहाँ पर धीरे धीरे बाढ़ की दशा बढ़ती चली जा रही है। अब आपको इस बारे में बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, शुरुआत में आपको बताना है कि भाई जो सिटीज़ में आने वाली बाढ़ है, जो कि अर्बन फ्लड है, वो आखिर है क्यों। फिर आपको बॉडी में जाना है और बॉडी में आप बताएंगे कि किस फैक्टर्स के चलते, क्या रीजंस हैं जिसके चलते ये अर्बन फ्लड्स आते हैं, और तीसरा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें इससे बचने का मौका मिले, क्या हमारी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, मैंने शुरू किया है अर्बन फ्लडिंग से और कहा है क्या एक डिज़ास्टर है, एक आपदा है ये, जो होता क्या है अर्बन एरियाज़ में आती है, जिससे कि वहाँ के एरियाज़ पानी में डूब जाते हैं। ये जो है कैसे होता है, कई जगह पे बहुत ज़बरदस्त एक सी बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, काफ़ी दिनों तक चलती रहे, इस वजह से ये फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अल्टीमेटली पानी जो जमा होता है इस बारिश में वो निकल क्यों नहीं पाता, क्योंकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना प्रॉपर नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है कि वो इस कंडीशन को टैकल कर सके। हमने फ़िलहाल में पिछले कुछ 10 सालों में ऐसे बड़े बड़े मेजर फ्लड्स देखे हैं जिसने शहरों की हालत को ख़राब कर दिया था। शुरू करते हैं 2005 से, जब मुंबई में फ्लड आया था, 2014 में श्रीनगर में आया था, और 2015 में चेन्नई में आया था। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपसे अर्बन फ्लड की बात कर रहा है, अर्बन फ्लड यानी कि शहरों में आने वाला फ्लड। तो इसमें आप केदारनाथ में आई हुई बाढ़ का जिक्र ना करें, कोशिश करें आप अपने आप को कन्फाइन रखें अर्बन फ्लड्स पे ही, जो शहरों में आई हुई बाढ़ है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स दिए। अब मैं बताऊंगा क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये आता है। सबसे पहला हमने डिस्कस किया ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, आपका जो पानी जमा होता है उसको निकलने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों में एकदम से वेरिएशन ला रहे हैं, जैसे कि 5th IPCC रिपोर्ट ने भी बोला है कि क्लाइमेट चेंज के चलते ही क्या हो रहा है, जगह जगह पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से हो क्या रहा है, बहुत जगह पे बहुत हैवी रेन हो जाती है। उस हैवी रेन के चलते और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन के चलते ही जगह जगह पे अर्बन जो है फ्लड्स आ रहे हैं। उसके बाद एक और फैक्टर है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में सिखाया था कि भाई जब किसी अर्बन एरिया में जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारे रीज़न है वेंटिलेशन की वजह से ये क्या हीट बाहर नहीं निकल पाती।
तो ये यहीं पे ट्रैप हो जाती है, ये एक हीट आइलैंड इफेक्ट बनाता है। आइलैंड क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये जो एरिया है ये गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इसके आसपास के थोड़े सेमी अर्बन एरियाज़ या फिर जो आसपास के गांव हैं उसके कंपैरिजन में ये जो शहर है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के चलते आप देखिए, ये अगर एरिया ज़्यादा गर्म होगा तो ये लो प्रेशर ज़्यादा इंटेंस बनाएगा, ज़्यादा लो प्रेशर होगा तो ये हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हवाएं अगर इसकी तरफ आकर्षित हुई और उन्होंने मॉइस्चर लिए हुए, वो नमी हुई है उसमें हवाओं में, तो यहाँ पे आके ये बारिश करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे कि आपकी रेनफॉल होती है अजीबोगरीब तरीके से। उसके बाद लैंड यूज़ का पैटर्न बदल गया है, जो एक समय जंगल हुआ करते थे आज वो जंगल सब कट गए हैं। वहाँ पर या तो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर घर बार बन रहे हैं या कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो अल्टीमेट जो वो लैंड के पैटर्न्स थे वो सब बदल गए हैं, तो उस वजह से क्लाइमेट ने भी अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। जो एक समय बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ, स्वैम्प्स हुआ करते थे वो आज बिल्कुल सूख गए हैं, वो छोटे हो गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो पानी होल्ड नहीं कर पा रहे। ये सब काम करते थे पानी होल्ड करने का, अब ये पानी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो नदियों में ज़्यादा पानी आ जा रहा है, वो जाके आपके शहरों में अर्बन फ्लड्स की समस्या पैदा कर रही है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जैसे हमने बताया जहाँ पे जंगल थे आज वो कट चुके हैं, इस वजह से कैपेसिटी भी कम हो रही है। देखिए पेड़ जो हैं उनकी जड़ें छोटे छोटे जो है बांध की तरह काम करती हैं, छोटे छोटे डैम्स हैं जिससे वो पानी को पकड़ के रखती हैं। लेकिन अगर आपने पेड़ ही ख़त्म कर दिया तो उनकी जड़ें कहाँ से रहेंगी, तो वो जो पानी पहले पकड़े हुए थी वो बांध का काम वो नहीं करेंगी। इससे क्या, वो सारा पानी आपके शहरों में आएगा और अर्बन फ्लड्स की समस्या बढ़ेगी। अगली बात करते हैं, तो आपने जो है देखिए ये नदी बह रही थी, यहाँ पे नदी के ही बैंक में मैंने एनक्रोच कर लिया और यहाँ अपना घर बसा दिया। धीरे धीरे मेरे घर को देख के और भी लोग यहाँ आ गए और यहाँ पे अपना घर बसाने लगे। अब जब भी यहाँ पे मान लीजिए एक रीज़न के तहत जैसे कि बारिश हो गई तेज़ या फिर मान लीजिए मानसून सीज़न है उसके तहत अगर इस वाली नदी में पानी की मात्रा बढ़ी, तो ये बात निश्चित है कि अपने इन वाले एरियाज़ में भी पानी घुसेगा। तो जब इन एरियाज़ में पानी घुसेगा, धीरे 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 पानी अंदर जाएगा, तो इसको अर्बन फ्लड्स की समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर बारिश हुई तो ये मिट्टी में पानी अंदर परकोलेट हो जाता था। भाई ये देखिए मिट्टी है, यहाँ से बारिश हुई तेज़ लेकिन मिट्टी के अंदर पानी चला गया, सारा पानी ग्राउंड वाटर में मिल गया। पर आज क्या है, आज अब जहाँ देखे दूर दूर तक हमने सीमेंटेड एरिया बना दिया है, सीमेंट हो गए हैं, कंक्रीटाइजेशन हो गया है, जिसके चलते अब मिट्टी नहीं रही तो पानी परकोलेट होने की तो संभावना ही खत्म हो गई। तो इस वजह से क्या होता है, आपका सारा पानी जो है वो टपकता है बारिश के साथ और वो इस तरफ बहने लगता है, और ये पानी जब सरफेस पे आ जाएगा बहेगा तो ये आगे जाके बाढ़ का कारण बनेगा। ये भी एक फैक्टर हो गया। उसके अलावा फिर वही डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जो पेड़ों की क्षमता थी पानी को पकड़ के रखने की वो अब खत्म हो रही है, जिससे चलते धीरे धीरे करके बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। करप्शन इतना ज़्यादा है, करप्शन के चलते कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे और हैप हजर्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर उधर कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वो नहीं सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट का असेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस सब के चलते भी आपका जो है बाढ़ के कारण बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बात करें हम, अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो एरिया है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। एक समय अर्बन एरिया सिर्फ इतना था, आसपास गांव थे, अब ये इतना एक्सपैंड हो चुका है कि पूरा जो आसपास है वो एरिया इसने अपने अंदर ले लिया है, वो एरिया भी अर्बन या फिर सेमी अर्बन तो हो ही गया है। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ मैं, आज जो गुड़गांव की बसावट है तो उसको लोग कहते हैं सीमेंटेड जंगल, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से हैप हजर्ड मैनर में बसा है कि लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी आपदा आई तो उसके पास क्षमता नहीं है कल को उसको टैकल करने की। इस वजह से उसको सीमेंटेड जंगल भी बोला गया है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो दिल्ली है धीरे धीरे उसने अपने डेवलपमेंट का जो एरिया है उसको बढ़ाया है। अब वो जब उसका एरिया बढ़ जाएगा तो नोएडा हो या फिर गुड़गांव हो या और भी आसपास के एरिया हो, धीरे धीरे उनमें भी विकास आने लगेगा। अब विकास आएगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगी, लोगों के घर बनेंगे, तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन लेकिन होना चाहिए प्लान्ड, अगर ये अनप्लान्ड हुआ तो फिर यही चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है फ्यूचर में। तो यहीं ये जो बात है, यहाँ पर मैंने इसीलिए गुड़गांव का एग्जाम्पल लिया क्योंकि उसमें जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो अनप्लान्ड है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
फिर देखिए क्या करना चाहिए आपको इन चीज़ों को रोकने के लिए। सबसे पहले तो जो आप एनक्रोचमेंट कर लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। नदी के आसपास घर ना बसाइए, थोड़ा दूरी बनाए रखें। कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नियम होने चाहिए जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है। आज हम लोग टेक्नोलॉजिकल युग में हैं, इस युग में टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ किया जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को भी मॉनिटर कर सकते हैं। पेनल्टीज इम्पोज कीजिए जो लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं उनके बात पे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो कि भाई अगर वहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट अलॉट कर रहे हैं तो फिर क्या पर्यावरण पे वो नुकसान, क्या उसके लाभ होंगे, क्या नुकसान करेगा वो, इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। उसके अलावा लेक जो हैं, जो आपके तालाब हैं, जो आपकी झील हैं, उनके आसपास कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करें। कोशिश करें आप सीवेज के पाइप्स को लगातार क्लीन करवाएं जिससे कि वो चोक ना हो और ड्रेनेज सिस्टम आपका सही बना रहे। उसके अलावा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक्स एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी पाइप को चोक करने में, और आपका यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसकी व्यवस्था को ख़राब कर देते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो आपको ऐसे डिज़ास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। बेटर कोऑपरेशन की ज़रूरत है लोकल सरकार में और राज्यों की सरकार में। लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। जो हमारा, आप देखिए, अगला सवाल है, यह है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। आपको पता होगी ये बहुत प्रख्यात संधि है, सिंधु जल संधि। भारत और पाकिस्तान, इसमें दो ऐसी पार्टीज हैं जो लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। आपको बात करना है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, फिर आपको बताना है कि भाई इसके इकोलॉजिकल, इसके इकोनॉमिक और इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं आज के समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के रिश्तों को बनाने में या बिगाड़ने में। तो इस संधि के बारे में आप बात करें, और उसी का जिक्र करते हुए अब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करें। तो देखिए, इसमें एग्जामिन लिखा है कीवर्ड। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन का मतलब आपका होता है कि आप एकदम डिटेल तक जाएं, टॉपिक की जो सूत्र है उसको पकड़ें और उसके ऊपर चर्चा करें, फिर उसी से बाकी चीज़ों को कनेक्ट करें। अब ये जो आपने कनेक्ट किया है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल का सहारा लें। तो ये आपका तरीका है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को तोड़ूं तो तीन अंश इसके बाहर आते हैं। पहला अंश है भाई सिंधु की जो जल संधि है उसके बारे में, उसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। दूसरा, उसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तीसरा, उसके राजनीतिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में बात करें और फिर इस आंसर को अपने जोड़ दें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेके। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। अब अगर मैं बताऊं आपको, तो अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आप पहले इस संधि के बारे में बात करें, फिर इसके बारे में इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बताएं कि भाई इस टाइम पे हुई ये पार्टीज इन्वॉल्व थी, वर्ल्ड बैंक ने पूरा मीडिएट करवाया था, इस सब चीज़ों में बात करें। उसके बाद आप बताएं क्या चिंताएं हैं आज। फाइनली आप जो इम्प्लीकेशंस है वो बताएं, इकोलॉजिकल, आर्थिक, पॉलिटिकल, सब इम्प्लीकेशंस पे बात करें। और यहाँ पे आप साथ ही साथ में जो बायलैटरल रिलेशन की बात है उसको भी जोड़ दें, तो इससे क्या आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आप जब एंड करें तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड नोट पे करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, ये जो ट्रीटी है, ये संधि है, ये क्या पानी के शेयरिंग के बारे में, वाटर शेयरिंग के बारे में 1960 में, 19 अक्टूबर 1960 के आसपास इसको मीडिएट करवाया गया था। वर्ल्ड बैंक द्वारा मीडिएट हुई थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये अक्टूबर नहीं, शायद मेरे हिसाब से सितंबर है, एक बार मैं और चेक कर लूँगा, आप भी चेक कर लें। बाकी ये 1960 में हुई थी ट्रीटी। अगर डेट याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सन ज़रूरी रहता है, सन लिख दें आप तो भी चलेगा। इसमें हुआ क्या, इसमें जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया। भाई ये हो गई आपकी पूर्वी नदी और ये हो गई आपकी पश्चिमी नदी। अब जो पूर्वी नदी थी, ऐसी तीन नदियां थी जो पूर्वी नदी हुई, और उसका जो पानी है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, भारत कर सकता है। तो उसमें थी रावी, ब्यास और सतलज। उसके अलावा बाकी जो थी वो पश्चिमी नदी थी, वो थी इंडस, झेलम और चेनाब। इसका जो है इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। इस तरीके से हमने बांटा, इसका हम लोग 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके पानी का शायद हम लोग 20% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी जो है इन तीनों नदियों के भारत सिर्फ 93 से 94% इस्तेमाल कर रहा है पानी, और बाकी पानी को अलाउ कर रहा है कि वो पाकिस्तान में चला जाए। अब
फिर उसके बाद धीरे से मुद्दा उठा जब पाकिस्तान ने टेररिस्ट को स्पॉन्सर किया, जब भारत में कुछ अटैक्स हुए और ये मुद्दा शुरू हुआ था उरी अटैक्स से, और अभी अभी आपको पता है जब पुलवामा अटैक्स हुए तो भारत ने ये तय किया कि भाई हम लोग इस पे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, पूरा 100% हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके तहत 3 प्रोजेक्ट बने, उसमें हम बात करेंगे, एक शाहपुर कांडी है और दो एक ऊझ है, ऐसे इस प्रोजेक्ट में हम अभी बात करेंगे अपने आंसर्स में इसकी। तो देखिए ये मैंने आपको बताया, ये 2 तरीके से डिवीजन हुआ, उसके बाद भारत को परमिशन थी कि आप इस वाले हिस्से को इस्तेमाल कर लें और इस हिस्से का आप 20% इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल जो करेंगे वो इरिगेशन करें, ट्रांसपोर्ट करें, पावर जनरेशन करें, लेकिन उसका पानी आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको पानी अलाउ करना पड़ेगा जाने देने में। आप रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना लें, मतलब रिवर का नेचुरल फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ा और आपने यहाँ से पानी के इस्तेमाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, तो आपको बनाना है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसके बारे में आइए और बात करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई जो आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी, अगर आगे आने वाले समय में कोई भी डिस्प्यूट्स इस रिगार्डिंग अराइज होते हैं तो। उसके बाद अगर मैं मेथडोलॉजी की बात करूँ तो कोशिश की जाएगी कि मीडिएशन से रिजॉल्व हो, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व हो, और आपको कहीं आगे नहीं जाना पड़े, हम इसी दोनों मेथडोलॉजी के तहत आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाएं। उसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें तो इसमें यह भी बात हुई थी कि आपको इन्फॉर्मेशन, आपको डेटा एक्सचेंज करना है दोनों जो हमारे देश हैं उनको कुछ कुछ समय के अंतराल में, तो ये 2 पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ चिंताएं अभी भी हैं। देखिए हालांकि कुछ युद्ध हुए, लेकिन उन युद्धों को 1960 के आसपास जो युद्ध हुए उन युद्ध को इस ट्रीटी ने सरवाइव कर लिया, झेल लिया, पर जब से उरी अटैक हुआ 16 में और उसके बाद अभी पुलवामा अटैक हुआ तो भारत ने बोला अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, अब जो 6-7% पानी जो हम अलाउ कर रहे हैं पाकिस्तान में चला जाए हम वो भी नहीं भेजेंगे, और हम उसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए हमने 3 प्रोजेक्ट स्थापित किए, एक है शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, एक है सतलज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट जो पंजाब में है, और एक है ऊझ डैम प्रोजेक्ट। इन 3 प्रोजेक्ट्स के तहत ये बांध बनाए हमने, दो एक लिंक बनाया है सतलुज और ब्यास के बीच में, इन लिंक्स के थ्रू हम लोग पानी जो जा रहा था पाकिस्तान में उसको रोक देंगे, अब वो पानी हम नहीं जाने देंगे, अब वो सारा पानी हम लोग भारत में ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, उस टेररिज्म को रोकने के बजाय वो और बढ़ावा दे रहा है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, देखिए प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, अगर भारत के केस में बोलें तो अगर वो ये ट्रीटी तोड़ देता है, यूनिलैटरली तोड़ देता है, तो भारत को अच्छी चीज़ तो ये होगी कि भाई आपके पास आपके पानी का शेयर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली सारी नदियाँ भारत से होके गुजर रही हैं, तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान में ये हम जाने से रोक दें तो जो पानी जा रहा था वो सब रुक जाएगा, पाकिस्तान में हो सकता है अकाल पड़ जाए, हो सके ड्रॉट पड़ जाए और अपने पास अच्छे मात्रा में पानी आ जाए, तो ये हमारे हो सकता है, हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ सकता है, फिशिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, टूरिज्म बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी जो जा रहा था अब नहीं जाएगा, उनका एग्रीकल्चर डूब जाएगा, इरिगेशन डूब जाएगा, वहाँ पे पानी की कमी आ सकती है, वहाँ पे अकाल पड़ सकता है, वहाँ पे सूखा पड़ सकता है। फिर इकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो देखिए पानी रोकना अगर आपको है, इंडस, झेलम, चेनाब, इन सब का पानी आपको रोकना है, और आपकी साइड के जो नदियाँ हैं रावी ब्यास और सतलज, इसको पानी आपको 100% यूटिलाइज करना है, तो आपको ज़्यादा बांध बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये बात निश्चित है, ये बात प्रूवन है कि जब आप बांध बनाते हैं तो आप एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए बांध बन गया, तो बांध बनता है तो पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है, जो इसका शुरुआत में बहाव होना चाहिए था अब वो नहीं है, क्योंकि हमने बांध से इसको कंट्रोल कर लिया, एक समय इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि आपको या तो बांध के गेट खोलने पड़ते हैं, और आपने नहीं खोले तो ये बांध टूट जाता है, और फिर उसके बाद एक साथ ये जो पानी असर करता है उससे जान माल का बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए जो डैम है, जो बांध है, वो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारा पानी जो है आपके आसपास के एरिया को सबमर्ज कर लेगा, फ्लोरा फौना वहाँ के जीव जंतु सब लोग तबाह हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपसे पर्यावरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा हिमालय आपको पता है पहले से ही सीस्मिक जोन है, वहाँ पे भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें आपने ज़्यादा डैम बनाए और कल को भूकंप आ गया तो आपका डैम टूट जाएगा, और उसके साथ आपके आसपास के एरिया जो है पूरे के पूरे बाढ़ से प्रभावित होंगे, तो ये भी एक चिंता की बात है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पानी की कमी के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं का
नाश हो जाएगा। तो ये होगा अगर भारत ने पानी रोक लिया। अगर पॉलिटिकल बोलें तो देखिए, आज तक भारत की एक इमेज रही है कि हम लोग एक अकोमोडेटिव स्टैंड मेंटेन करते हैं, हम लोग दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत है तो भारत अपनी बात भी रखेगा और पाकिस्तान की बात भी सुनेगा, तो हम लोग दोनों ही पक्षों को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन अब अगर आपने किसी बात के चलते ये ट्रीटी ही तोड़ दी, तो फिर विदेश में, पूरे विश्व में आपकी एक ऐसी इमेज जाएगी जो आपके इतने साल से बनाई हुई इमेज को तबाह कर देगी। तो वहाँ पे इंडिया नुकसान में जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो उसके टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो उसके आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उनको लगेगा कि भाई यही मौका है, अब एक ये तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आओ और ज़्यादा टेररिज्म फैलाओ। तो इससे टेररिज्म और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद चाइना जो है वो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, आपको पता है ये बात। हो सकता है आने वाले समय में वो ब्रह्मपुत्रा के साथ भी कुछ खिलवाड़ करे, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्रा का पानी ना आ पाए अच्छे से। तो ये कुछ समस्याएं हैं, और तीन हमने अलग अलग एंगल से देखा। कंक्लूड मैं करूंगा कि भाई इंडिया को ऐसे जो इतने भयंकर स्टेप्स अकेले नहीं लेने चाहिए, इसमें आपको सभी देशों का मत लेना चाहिए। जो भी इन्वॉल्व है कम से कम उन पार्टीज का तो मत लीजिए, और उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं। आप इससे बढ़िया पाकिस्तान को प्रेस करें, सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप एक साथ लाएं, और एक साथ लाके पाकिस्तान पे दबाव बनाएं कि आप टेररिज्म को ख़त्म कीजिए, आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद कीजिए, और उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आपकी इमेज भी बची रहेगी और सब चीज़ें भी ठीक रहेंगी। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे नक्शा लिया है, इसमें आपको बताया गया है कि तीन जो नदियाँ हैं उसका पानी, ये देख लिए, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी जो है पाकिस्तान में जाता है। हम लोग इसका 20% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा है राबी, ब्यास और सतलज, RBS जो है वो हम लोग की नदी है, हम लोग इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा। ये ईस्टर्न यानी कि पूर्वी नदी कही गई हैं। इसमें अभी भी हम सिर्फ 93% पानी इस्तेमाल करते हैं, और 6 से 7% पानी जो है पाकिस्तान में हम जाने देते हैं। ये देखिए, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए एक मैंने नक्शा लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो भाई ये जो है एन्यूमरेट करता है यहाँ पे बात, एन्यूमरेट मतलब बहुत सारे एंगल हैं क्वेश्चन के, हर एक एंगल को पकड़ें और सबको अच्छे से विस्तार में बताएं। यहाँ पे आप एविडेंस से अपने आंसर को मजबूत करें। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स बतानी है, प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं। अप्रोच आपकी रहेगी कि आप पहले बताएं इनलैंड वाटरवे क्या होते हैं, फिर इनसे क्या फ़ायदा है, क्या समस्याएं हैं, और इनसे आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए, मैंने शुरुआत में बोला कि भाई जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है वो आज के समय में सबसे चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में आप कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें एबिलिटी है कि ये बहुत सारा सामान एक साथ एक सिंगल ट्रिप में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। साथ ही में इसके जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं करता। उसके अलावा जो सड़कों पे बढ़ रहा है कंजेशन, उसको भी ये कम करेगा। और बाकी जो रोडवेज और रेलवेज, अभी हमारे सामने दो ही मोड हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, इन दोनों पे ये प्रेशर कम करेगा। इंडिया के पास बहुत सारी नदियां हैं, तो हमारे पास एडवांटेज भी बहुत है इसको इस्तेमाल करने का। लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि सबसे पहले तो सिल्टेशन, जो हमारी नदियां हैं उसमें सिल्ट की बहुत समस्या है, मतलब समझ लीजिए नीचे मिट्टी की बहुत समस्याएं हैं। अगर कोई नाव आपको ले जानी है तो आपको ये मिट्टी हटानी पड़ेगी, तभी नाव अच्छे से वहाँ पर तैर पाएगी। तो इसको बोलते हैं ड्रेजिंग। तो यहाँ पर ड्रेजिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर ड्रेजिंग आप करते हैं तो ये ड्रेजिंग जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, जो इस पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। तो ये भी एक समस्या है। अब ये देखिए, ये कहाँ होता है, ये भागीरथी और हुगली में आप देखेंगे, और बकिंगम कैनाल में देखेंगे, तो ये चीज़ बहुत प्रेविलेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें सिल्ट की मात्रा पाई जाती है, जिससे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बताऊँ मैं, तो पानी हम लोग डाइवर्ट कर लेते हैं इधर उधर, तो उस डाइवर्जन की वजह से जो नदी का बहाव है वो कमज़ोर पड़ जाता है। नदी का बहाव कमज़ोर है, इस वजह से वहाँ पे अच्छे से नेविगेशन नहीं हो पाता, जैसे कि गंगा की बात करते हैं। उसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स अगर मैं लूँ, तो पेनिनसुलर रिवर्स में पूरे समय पानी नहीं होता, वो नॉन पेरिनियल है, जब बारिश का मौसम है तभी वहाँ पे पानी होगा। तो ये एक समस्या है। डेक्कन प्लेटू अगर मैं पकड़ूँ तो उसकी टोपोग्राफी जो है वो ख़राब है, वहाँ पे वो पूरा प्लेटू है, तो एकदम से झरना आ जाता है। मान लीजिए आप इस पे चल रहे हैं और एकदम झरना आ गया, तो आप यहाँ पे नाव कैसे चलाएंगे, आगे तो झरना है। तो इस तरीके से वहाँ पे नेविगेशन की समस्याएं हैं। हमारे पास इतने वेसल्स ही नहीं हैं जो हम इनको चला पाएँ,
और दूसरी बात, ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, ये इसको पैसा चाहिए, तो आपको अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंटीग्रेशन की भी कमी है हमारे पास, आपको सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ लीजिए, अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो आपको जगह जगह पे ट्रांजिट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आप समझ लीजिए आसान भाषा में स्टेशन बनाने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। अगर ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो स्टेशन तो आता है जहाँ पर चीज़ें लोड होती हैं, जहाँ चीज़ें उतरती हैं, ऐसे ही स्टेशन आपको डेवलप करने पड़ेंगे नदी के किनारे। उसके बाद फंड एलोकेशन की कमी है, यहाँ पे टर्मिनल फैसिलिटीज़ नहीं है, जो मैंने आपको बताया ये टर्मिनल है। उसके बाद नेविगेशन सिस्टम्स की कमी है, ऑपरेटर्स अच्छे नहीं हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, मैंने बताया ड्रेजिंग की वजह से जो रिवर का बेड है वो नुकसान, उसको नुकसान पहुँचता है, वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उसका नुकसान पहुँचता है, इसी वजह से और समस्याएं हो जाती हैं। डैम का कंस्ट्रक्शन ये मांगता है, यहाँ पे आपको बांध बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर से जो है पर्यावरण पे नुकसान पहुँचता है, रिवर पल्यूट होती है, क्योंकि जो आपका नाव जा रही है उससे अगर कुछ भी कचरा गिरा, या कुछ भी मान लीजिए कोई स्पिल हो गया, या फिर कोई हैजार्ड हो गया, तो वो सब जो भी सामान है सब नदी में जाएगा, तो नदी पल्यूट होगी। सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई जो लोग भी वहाँ की इस लाइफ से अपनी जीवनी निकालते हैं, अब उनका लाइवलीहुड है ये, वहाँ पे रहते हैं, पूरी तरह रिवर पे डिपेंडेंट हैं, उनको अब इतनी आसानी से एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एक समस्या वाली बात पैदा हो जाएगी। उनको फिर डिस्प्लेस किया जाएगा, दूसरी जगह लगाया जाएगा, तो दूसरी जगह रिहैबिलिटेशन की बात है, तो ये इसमें कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। हालांकि इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी दोनों मोड अगर आप पकड़ें, रोडवेज और रेलवेज, तो दोनों ही कंपैरिजन में जो ये वाला है ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाएगा, एक कोई भी नई इंडस्ट्री खड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे। कार्गो ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट मोड है, सबसे सस्ता तरीका है, टूरिज्म को बूस्ट देगा। हमको ये ईस्टर्न इंडिया से लिंक करवाएगा, जैसे कि नेशनल वाटरवे वन है, आप उसमें देखें कि इलाहाबाद से हल्दिया तक का स्ट्रेच है वो, तो इलाहाबाद से वो हल्दिया तक हमें जोड़ देता है, तो हमारा अच्छा कनेक्ट हो गया ईस्टर्न इंडिया से। हल्दिया जो है वो वेस्ट बंगाल में है, इलाहाबाद आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ देता है, ये नेशनल वाटरवे वन करता है। नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल आप हार्नेस कर पाएंगे, क्योंकि नेशनल वाटरवे टू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, सदिया से लेकर धुबरी तक के स्ट्रेच में ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ये नेशनल वाटरवे टू बना हुआ है, तो इससे आप वहाँ का पोटेंशियल भी हार्नेस कर पाएंगे। फिर नेशनल वाटरवे थ्री मैं बोलूँ तो फिर ये नीचे वाली साइड है, कोल्लम कोटापुरम। उसके बाद मैं बोलूँ नेशनल वाटरवे फोर, तो ये पुडुचेरी के आसपास है। ये जो फाइव है ये तालचेर धामा के आसपास है, महानदी डेल्टाज में है ये, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के आसपास। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमने इस तरीके से अपने वाटरवेज डिज़ाइन किए हैं कि भारत के सभी हिस्सों में नेविगेशन पॉसिबल हो पाए। एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे, एक है यहाँ पे, और एक है यहाँ पे, ये पांच वाटरवे हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ, टोटल मिला के करीब 111 वाटरवे डिक्लेयर्ड हैं। तो ये है आपका इनलैंड वाटर का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने के लिए। और आइए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे आज के, माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये किस तरीके से पानी को बचाने में, जल संरक्षण में सहायक हैं, आपको ये बताना है, और वो भी कहाँ पे? ड्रॉट प्रोन एरिया और सेमी एरिड रीजन्स में। तो भाई इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, इसमें ये है कि आपको क्वेश्चन को तोड़ना है, तो दो भागों में टूट के आता है आपके सामने। पहला है माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि बात ही उनकी हो रही है, और उसके अलावा इसके अराउंड घूमते हुए आपको बात करनी है किस तरीके से ये वाटर का कंजर्वेशन करेगा, जल का किस तरीके से ये संरक्षण करेगा, इस बारे में आपको बात करनी है, और वो भी ध्यान देना है ड्रॉट प्रोन एरियाज में और सेमी एरिड रीजन्स में। ऐसे एरिया जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, ऐसे एरिया जो कि अर्ध शुष्क हैं, इन एरियाज में आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अप्रोच अगर है तो सबसे पहले आप बताएं ये होता क्या है भाई वाटरशेड डेवलपमेंट, और उसमें माइक्रो क्यों जोड़ दिया हमने, माइक्रो वाटरशेड क्या है, उसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करें, फिर आप बताएं किस तरीके से ये जो है जल का संरक्षण कर पाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बताया वाटरशेड क्या है, ये एक तरीका है जिससे जहां तक भी पानी का कोई भी प्रोसेस है, रेनफॉल से लेकर ड्रेन, चैनल, स्ट्रीम, रिवर, सब कुछ मिला के एक वाटरशेड अपने आप को क्वालिफाई करता है। समझ लीजिए यहाँ पे बारिश हो रही है, ये एक स्ट्रीम निकल के जा रही है, और ये एक यहाँ पे नदी जा रही थी, ये स्ट्रीम जाके नदी से मिलती है, तो यहाँ से लेकर पूरे एरिया में जहाँ तक नदी जाएगी, इसको पूरे एरिया को हम बोलते हैं वाटरशेड।
डेवलपमेंट, इसको हम वाटरशेड बोलते हैं, इसी एरिया के डेवलपमेंट को हम बोलेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट। अब अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो वो छोटे स्तर पे होगा, छोटे स्तर पे एक एक चीज़ को अगर मैं बचाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे ओवरऑल वाटर का कंजर्वेशन कर पाऊंगा, जल को बचा पाऊंगा। तो देखिए इसमें मैंने बताया है माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में, ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे क्या हमको इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, हर जगह की हमको ग्रोथ चाहिए, हर जगह को हमको प्रोटेक्ट करना है जिससे हम जो वाटरशेड कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको बचा पाएँ, पीने का पानी बचा पाएँ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर पाएँ और इन सब के फ़ायदे सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बांट पाएँ। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये कम्युनिटी के सस्टेनेंस में आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट, मतलब ये कम्युनिटी को भी साथ मिलेंगे, ये पर्यावरण को भी साथ मिलेंगे और ये आपको ये भी सिखाएंगे किस तरीके से आपदाओं से निपटा जाए। तो इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ रखने वाले, इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अपने अंदर लिए हुए प्रोजेक्ट्स माइक्रो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या है, फोकस किया गया है कैसे वेस्ट लैंड को आप जो कि नॉन फॉरेस्टेड एरिया में है उसको डेवलप करें, उसके डिग्रेडेशन से उसको बचाएं, वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री इस तरीके की प्रथाएं चलाएं जिससे क्या होगा अगर वहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे तो जो वहाँ की मिट्टी है उसमें नमी जो है बरकरार रहेगी, सॉइल में मॉइस्चर बरकरार रहेगा, इससे आपका जो ग्राउंड वाटर है पानी के इसके आपके सॉइल के नीचे जो ग्राउंड वाटर है इसका लेवल मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद मैं बताऊँ किस तरीके से ये वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले अफॉरेस्टेशन भी इंक्लूड करता है ये, अफॉरेस्टेशन के तमाम सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आप पेड़ लगाएंगे उससे क्या होगा आपके एक्वीफर्स जो हैं रिचार्ज बने रहेंगे, पेड़ आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे, क्यों, क्योंकि इनके जो जड़ें हैं वो पानी को पकड़ के रखती हैं, ये छोटे छोटे बांध का काम करते हैं, डैम्स का काम करते हैं जो पानी को पकड़ के रखते हैं, इससे क्या होगा आपकी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम नहीं होगी, उतनी बनी रहेगी। उसके बाद जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, वो सॉइल को और अच्छा करते हैं, बेहतर बनाते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़िया करते हैं जिससे कि सॉइल मॉइस्चर पकड़ के रखता है, तो सॉइल में भी नमी बरकरार रहेगी। उसके अलावा इससे फ़ायदा ये है कि सॉइल जो है वो नमकीन नहीं होगी, वो इनफर्टाइल नहीं होगी। अगर आने वाले समय में आपका मॉनसून आपको धोखा दे जाए तो भी सॉइल में कुछ मॉइस्चर रहेगा तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा पेड़ लगाएंगे आप तो इवैपो ट्रांसपिरेशन होगा, इस ये क्या होता है जो पेड़ की पत्ती है, आप ये मान लीजिए ये पेड़ की पत्ती है तो ये जो है ये पानी को ऐसे भाप बना के उड़ाती है और यहीं पे पानी आता है वापस, तो ये जो पानी का यहाँ पे लेन देन है इस वजह से यहाँ पे नमी बनी रहती है, इवैपो ट्रांसपिरेशन, ये आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। तो भाई इसकी वजह से क्या है रेनफॉल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये नमी बना देगा हवा में, ये जब हवा ऊपर उठेगी तो बादल बनाएगी और बारिश करेगी। उसके अलावा सॉइल इरोजन से बचाता है। अगर मैं कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स लूँ तो भाई उसमें भी अलग बात है, उसमें देखिए आप यहाँ पे बांध बना सकते हैं, उसके अलावा आप कंटूर बंडिंग कर सकते हैं, इससे क्या होता है इससे अगर पानी जा रहा है आपने छोटे छोटे क्या स्पीड ब्रेकर लगा दिए समझ लीजिए, तो अगर यहाँ से पानी जा रहेगा तो रुकेगा थोड़ा सा, फिर यहाँ तो रुकेगा, तो इससे क्या होगा इसकी स्पीड कम होगी पानी की और जितनी ये तबाही मचा सकता था उतनी तबाही नहीं मचाएगा और मिट्टी को भी ये उखाड़ेगा नहीं, वहीं पे मिट्टी बनी रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। उसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, आप एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के लिए अंडर वाटर अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के लिए आप कोई मेथडलॉजी अपना सकते हैं जिससे आपका पानी जो है अंडरग्राउंड जाए और ये अंडरग्राउंड जाके इसको भर दे, तो ये फ्यूचर में आपके लिए कुशन का काम करेगा, अगर आपको कभी पानी की ज़रूरत पड़ी तो ये आपके लिए मौजूद रहेगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत सारे एंगल से देखा। तो दोस्तों आपने लेक्चर में मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही आप बेहतर बन पाएंगे, आपका आंसर बेहतर हो पाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री है और जो आपको नोटिफिकेशन देता है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।